ओके बच्चों, वेरी 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 वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को पता होगा वी आर ऑन लेक्चर नंबर 6 नाउ। सो हम बात कर रहे हैं, यहां तक पहुंच गए हैं लेक्चर नंबर 6 तक के। कुछ चीजें मैं आपको बता दूं हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है। हम लोग थर्ड टॉपिक पे वी आर ऑन थर्ड टॉपिक। व्हाट इज द टॉपिक नेम? टॉपिक नेम इज रिटर्न ऑफ इनकम। अब तक हम लोगों ने क्या किया है? सो लेक्चर नंबर 6, यस और नो? So this is lecture number 6. हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। What we have done in this lecture till now is first we have understood why generally return is done, how return is done, and what are the modes of filing the return. So as of now, still two modes of return filings are there. First of all, physical. Second of all is online. Almost, if you see the statistics, almost 93 to 94% of the people right now file online forms return. However, still there are people who file the offline returns. Yes or no? Return भरने के लिए दो prerequisites थे. तो what are those two prerequisites? First prerequisite was yes, आधार. Yes or no? So 139AA इसके पीछे की हम लोगों ने पूरी हिस्ट्री देखी थी। After 31st July, every person who is applying for PAN or who is filing return of income must provide Aadhaar. If you do not have Aadhaar, then you must quote enrollment ID. Yes or no? Right? If Aadhaar is not provided, PAN would be deemed to be invalid. That means if Aadhaar is not linked to PAN, it will be deemed to be invalid or inoperative. However, this provision is not applicable to non-resident, non-citizen, person having the age of 80 or above, and the fourth is person residing in Jammu Kashmir, Assam, and Meghalaya. Yes or no? Then the second prerequisite was earlier 139A, that is PAN, right? चार लोगों को पैन लेना मैंडेटरी है। फर्स्ट, एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम एक्सीड द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। सेकंड, हुज ग्रॉस सेल्स और टर्नओवर एक्सीड 5 लाख रुपीज। थर्ड, हु इज अप्लाइंग फॉर द स्पेसिफिक पोजीशन लाइक डायरेक्टर, ट्रस्टी, पार्टनर, सीईओ एटसेट्रा। फोर्थ, अपार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल हुज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एग्रीगेट इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड 2,50,000। फिफ्थ, एनी अदर पर्सन सो प्रिस्क्राइब दे मस्ट ऑब्टेन अ पैन बाय अप्लाइंग इन द अप्रोप्रिएट फॉर्मेट अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब फीस. Yes or no? Then we have seen certain transaction where quoting of PAN is mandatory. Then we have provided that in certain cases there is no requirement of PAN. Let's say if assessees have only agricultural income, a non-resident assessee, or if central government provide specific exemption, if any. If PAN is not provided or it is wrongly provided, then we have a provision of section 272B which provides for penalty. ये penalty के लिए हम लोग separately section देखेंगे। उस दिन हम लोग कुछ और भी बात कर रहे थे, याद होगा तो आपको। कल के लेक्चर में हम लोग कुछ और भी बातें कर रहे थे। हम क्या बात कर रहे थे? हम कल के दिन बात कर रहे थे कि बॉस एक नया अमेंडमेंट आया था 2019 से, जो कह रहा था हमें दैट पैन एंड आधार वुड बी इंटरचेंज। यानी अगर आपके पास पैन नहीं है तो हम आपको क्या दे, अगर आपके पास पैन नहीं है आधार दे दो। आपने अगर आधार प्रोवाइड किया, वो ऑटोमेटिकली सिस्टम चेक करेगा आपके पास पैन है या नहीं, और अगर आपके पास पैन नहीं है द सिस्टम विल ऑटोमेटिकली जनरेट द पैन। एट द सेम टाइम दूसरी एक और चीज थी जो हम लोग कह रहे थे कि सर जो पैन दे रहा है और जो पैन रिसीव कर रहा है वो इसे ऑथेंटिकेट करेगा। और अब जहां जहां पे भी स्पेसिफिक जगह पे पैन लिखा हुआ था वहां पे क्या आ चुका है? आधार आ चुका है। और इसी चीज को अब हम पढ़ने जा रहे हैं। याद होगा तो ये वाला पार्ट भी हम लोगों ने पढ़ लिया था कि पैन कब तक ऑब्टेन करना है, इसके लिए नोटिफिकेशन आया था। रीड विथ रूल हमने वो पढ़ लिया था। एवरीबडी कम टू 139A, 5E, 6A and 6B. All the three provision has been inserted by Finance Act 2019 and to provide you the details. आइए सबसे पहले बात करते हैं 139(5)(e) की, जहां पे भी पहला ये सेक्शन है। आप चाहें तो इसको बाजू में शॉर्टकट के अंदर में लिख सकते हैं, इंटरचेंज ऑफ पैन विथ आधार। ये वो प्रोविजन है जो ऑथेंटिकेट करती है कि अगर आपके पास पैन नहीं है यू कैन कोट आधार एंड डू दी फर्दर कंप्लायंसेस। सो आइए बैरैक्ट रीड करते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द एक्ट, दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्रोविजन ओवरराइड्स द होल एक्ट, राइट? एवरी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश और इंटीमेट और कोट पैन, हर वो व्यक्ति जिसको क्या करना है, फर्निश करना है कहीं पे भी अपना पैन, यानी अगर आपको लेट से एक नया सिम कार्ड लेना है, आप क्या दे देते हो, अपना पैन प्रोवाइड करते हो। इफ यू वांट टू फर्निश और यू वांट टू इंटीमेट, लेट से इंटीमेट किसे किया जाता है, जो हमारा टीडीएस काट रहा है उसे हमें क्या करना होता है, इंटीमेट करना होता है कि ये मेरा पैन नंबर है। और कोट, मान लीजिए आप लोग अपना खुद का रिटर्न भर रहे हो तो उसमें आप कोट करते हो, इसीलिए तीन वर्ड अलग अलग है, पहला फर्निश, दूसरा इंटीमेट, तीसरा कोट। His PAN under this act and who has not been allotted PAN but possess Aadhaar, आपके पास क्या नहीं है, who has not been allotted PAN but possess Aadhaar number may furnish his Aadhaar number in lieu of पैन। आप क्या दे सकते हो, आधार नंबर दे सकते हो इन लियू ऑफ पैन। एंड सच पर्सन शैल बी अलॉटेड अ पैन, एंड यहां पे वर्ड एंड लिखा है, आपको फिर से फॉर्म भरने की जरूरत होगी क्या, नहीं, सिस्टम ऑटोमेटिकली चेक करेगा आपके पास क्या है, पैन है या नहीं है। और अगर आपके पास पैन नहीं है, एंड लिखा है, एंड सच पर्सन शैल, पूछेंगे नहीं, ऑप्शन नहीं है आपको पैन चाहिए या नहीं चाहिए, सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। And such person shall be allotted PAN in such manner as may be prescribed. Now what is such manner? The moment आप अपना आधार देते हैं, अंडरस्टैंड कीजिए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आ रहा हूं, द मोमेंट आप अपना पैन देते हैं, सिस्टम क्या करता है, ऑटोमेटिकली चेक करता है whether you have a PAN or not। अगर आपके पास वो पैन है तो वो आपका पैन का डिटेल्स ले लेता है, अदरवाइज वो आपको पैन अलॉट करता है। Has been allotted a PAN, ध्यान से सुनिए, has been allotted a PAN and who has intimated his Aadhaar number in accordance with the provision of section may furnish intimate or quote his Aadhaar number in lieu of PAN। तो जाहिर सी बात है 5E प्रोविजन क्या कहती है, ये इंटरचेंज की बात करती है। इंटरचेंज की बात, अगर आपके पास लेट से आधार है, आपके पास पैन नहीं है, सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको क्या दे देगा, पैन दे देगा। अगर आपके पास आधार है, पैन भी है, तो आप दोनों में से कोई भी कोट कीजिए, बिल्कुल ये सेक्शन का कंडीशन सेटिस्फाई माना जाएगा और आपके ऊपर पेनल्टी प्रोविजन अप्लाई नहीं की जाएगी। ऐसा एक प्रोविजन इंसर्ट किया गया था। Then there was 6A, 6B, अंडरस्टैंड कीजिएगा। 6A बोलता है इसके बाद जब भी कोई अपना क्या प्रोवाइड करेगा, पैन नंबर प्रोवाइड करेगा या आधार नंबर प्रोवाइड करेगा, यहां पे दोनों जगह पे वो वर्ड है, पैन ऑब्लिक आधार है, तो जहां पे भी कोई व्यक्ति अपना पैन देगा या आधार देगा, ये इसे ऑथेंटिकेट करेगा। तो देने वाला जो होगा वो उसे ऑथेंटिकेट करेगा। 6A के अंदर में जो पर्सन इन डॉक्यूमेंट को रिसीव कर रहा है वो भी इसे क्या करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा और चेक करेगा। और ये है 6B के अंदर में। तो अब देने वाले को भी ऑथेंटिकेशन है, रिसीव करने वाले को भी ऑथेंटिकेशन है। सर मान लो पैन दे रहा हूं मैं और मैंने इसे ऑथेंटिकेट नहीं किया, या जो पैन ले रहा है उसने इसे ऑथेंटिकेट करके नहीं लिया, तो क्या इसके लिए भी कोई पेनल्टी प्रोविजन इंसर्ट की गई है? सो इफ अ पर्सन हु इज गिविंग और रिसीविंग एनी लेट्स से पैन और आधार डू नॉट कंप्लाई विद दिस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस एज गिवन इन 6A और 6B, वेदर देयर इज एनी पेनल्टी प्रोविजन? यस, सुटेबल अमेंडमेंट हैज बीन मेड इन सेक्शन 272B। 272B क्या था? अगर किसी ने भी पैन प्रोवाइड नहीं किया या रॉन्गली प्रोवाइड किया होगा, रॉन्ग पैन प्रोवाइड किया होगा, तो उसके लिए 10,000 रुपए तक की पेनल्टी। तो अकॉर्डिंगली क्या किया गया, ये वाले वर्ड भी वहां इंसर्ट किए गए। 272B के अंदर में भी क्या लाया गया, अमेंडमेंट लाया गया। अभी हम इसके बाद 272B ही पढ़ेंगे। मैं आपको तुरंत यही पेनल्टी प्रोविजंस भी पढ़ा दूंगा यही, क्योंकि हम लाइन से नहीं जाएंगे, हम उस सीक्वेंस में जाएंगे जिस सीक्वेंस में पढ़ना होगा। बताइए, मैं आपको बताता हूं, आज से चार से पांच साल पहले जब मैंने फाइनल की बुक बनाई, राइट, जब फाइनल की बुक बना रहा था मैं, उस टाइम क्या करता था, मैं सारी पेनल्टीज को एक टॉपिक के अंदर में डाल देता था, कॉल्ड एज पेनल्टीज। अब इससे होता क्या था, जब मैं एक्चुअली पढ़ाता था तो उसमें होता यह था कि बच्चों का लिंक नहीं लग पाता था प्रॉपर, क्योंकि वो सेक्शन वहां पे ना होने के कारण वो लिंक नहीं लग पाता था, या बच्चे जब तक के पेनल्टी में पहुंचते थे ये रिटर्न वाला प्रोविजन भूल जाते थे। एट दैट टाइम आई हैव डिसाइडेड कि नहीं, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड पेनल्टी है तो वो यहीं पे ही बैरैक्ट के साथ साथ रिकॉल कर लेनी चाहिए, और वहां पे जाके हम सिर्फ ये बात करेंगे कि हमने ऐसा कोई प्रोविजन पढ़ा था, राइट। सो 139(6A) यहां पर आप लिख सकते हैं, पर्सन गिविंग पैन ऑब्लिक आधार टू ऑथेंटिकेट, यहां पे पर्सन रिसीविंग शैल ऑथेंटिकेट। देने वाला भी ऑथेंटिकेट करेगा, लेने वाला भी ऑथेंटिकेट करेगा। हालांकि मैं आपको बता दूं अभी एज ऑफ नाउ ऑथेंटिकेशन का कोई प्रोसेस नहीं बताया हुआ है, बट ऑथेंटिकेशन का एक ही प्रोसेस है जो मुझे लगता है या इनफैक्ट हर व्यक्ति को लगेगा कि वो ओटीपी बेस्ड ही होगा। आज जब हमारा बैंकिंग ओटीपी बेस्ड हो चुका है तो ये ऑथेंटिकेशन प्रोसेस भी ओटीपी बेस्ड ही आएगा। सो लेट्स चेक किस तरीके से आता है। बस हमें यह प्रोविजन याद रखना है दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। सो एवरी पर्सन, ध्यान से देखिएगा, बेर एक्ट मेरे साथ रीड कीजिए। एवरी पर्सन एंटरिंग इनटू सच ट्रांजैक्शन, एक मिनट रुकिएगा, आहा वर्ड क्या लिखा है, सच ट्रांजैक्शन। सच ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? गवर्नमेंट विल कम और गवर्नमेंट विल कम मे बी इन द अपकमिंग फ्यूचर The transactions on which such authentication process will be required, यानी अब तक के ऐसा नहीं समझना है हमें कि हर जगह पे ये करना है। गवर्नमेंट क्या करेगा, एक लिस्ट बनाएगा, एक प्रोविजन बनाएगा जिसके अंदर में आपको आधार और आधार ओटीपी या पैन ओटीपी के तहत क्या करना होगा, ऑथेंटिकेशन करना होगा, ये प्रोवाइड किया जाएगा। सो एवरी पर्सन टू बी प्रोवाइड, आपको लग रहा है ये, आप क्या कर सकते हो यहां पे एरो करके लिख सकते हो टू बी प्रोवाइडेड, ये अभी तक के प्रोवाइड नहीं किया गया है, टू बी प्रोवाइडेड ऐसा होगा। So every person entering into such transaction as may be prescribed shall quote his PAN oblique आधार। अब आप देख सकते हैं हर जगह पे, जहां पे पहले सिर्फ पैन लिखा था वहां पे हर जगह पे ऑब्लिक करके क्या प्रोवाइड हो जाएगा, आधार प्रोवाइड हो जाएगा। सो एवरी पर्सन एंटरिंग इनटू सच ट्रांजैक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड शैल कोट हिज पैन और आधार नंबर एज मे बी इन डॉक्यूमेंट पर्टेनिंग टू सच ट्रांजैक्शन एंड ऑल्सो authenticate such PAN और आधार नंबर in such manner as may be prescribed। तो to be prescribed ये अब तक के prescribe नहीं किया है। तो जैसा कि हम लोग कह रहे थे, मैं हम बार आपको पहले बहुत आसान शब्दों में समझाता था और फिर डायरेक्ट रीड करता हूं ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उन्होंने एक एक लाइन में लिखा हुआ है कि आप जहां जहां पे भी बोले हैं आपको, आप अपना पैन और आधार प्रोवाइड करेंगे और सिर्फ प्रोवाइड नहीं करेंगे, उसे क्या करेंगे, ऑथेंटिकेट भी करेंगे। तो ये एक पॉइंट है जो अच्छा एड किया गया है मेरे हिसाब से। फिर आता है 6B, एक मिनट, ये पर्सन एंटरिंग इनटू ट्रांजैक्शन मतलब देने वाले के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेने वाले के ऊपर भी एक सिमिलर रिस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट की गई है सेक्शन 139A 6B के तहत। एवरी पर्सन, यहां पे वर्ड लिखा है रिसीविंग, जो रिसीव कर रहा है किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर में। सो एवरी पर्सन रिसीविंग एनी डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू ट्रांजैक्शन रिफर्ड इन 6A, जो वो क्या करने वाले हैं, बताने वाले हैं, अब तक बताया नहीं, शैल एंश्योर दैट पैन और आधार, शैल एंश्योर उसको ये करना ही होगा, ऑप्शन नहीं है। Shall ensure that PAN or Aadhaar number as may be duly quoted in document and also ensure that such PAN oblique Aadhaar is so authenticated। तो क्या किया गया है साहब, PAN में 3 नए सबसेक्शंस ऐड किए गए हैं 5E, 6A, 6B। 5E बोलता है जहां जहां पे भी आपको पैन प्रोवाइड करना था आप वहां पे आधार प्रोवाइड कर लेंगे तो चल जाएगा। 6A बोलता है जो पर्सन डॉक्यूमेंट्स दे रहा है दैट इज पैन और आधार, डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ वो उसे ऑथेंटिकेट करके देगा। 6B कहता है कि जो आप डॉक्यूमेंट रिसीव कर रहे हैं वो भी अब इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। सर ऐसा नहीं किया तो क्या होने वाला है, मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूं ऐसा नहीं किया तो यहाँ पे पेनल्टी प्रोविजन लिखी हुई है, लेकिन इस पेनल्टी प्रोविजन को हम सिर्फ इतने से नहीं पढ़ेंगे, प्रॉपर बेर एक्ट पढ़ेंगे हम इसका, तो अगर लेट्स से आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग चाहें तो आप लोग मेरे साथ साथ जब ये वीडियो देख रहे होंगे प्लीज बेर एक्ट भी साथ साथ में आप ओपन कर सकते हैं। आपके पास कोई मोबाइल होगा, टैब होगा, सामने आप बेर एक्ट ओपन कर लीजिए, आपको मिल जाएंगे बहुत सारे ऐप और उसके थ्रू पढ़िए, सर मजा आ जाएगा। लेकिन याद रखिएगा जब आप ऑनलाइन देख रहे होंगे यू हैव टू मेक श्योर कि जो बेर एक्ट आप पढ़ रहे हैं ये अपडेटेड हो एज पर फाइनेंस एक्ट 2020, यस और नो। नहीं तो 2019 वाले एज ऑफ नाउ अगर आप सर्च करेंगे तो 2019 वाले बहुत मिल जाएंगे। तो अगर आप 2020 का देख रहे होंगे तो ही आपको ये प्रोविजंस मिलेंगे, अमेंडमेंट मिलेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर वहां पे तो ये लिखा है आप ये बता रहे हो, ऐसा कुछ तो वहां दिया ही नहीं है। तो आप देख लीजिएगा अमेंडेड वाले है या नहीं, पर हाँ मैंने मेरे नोट्स आपको अमेंड करके दिए हुए हैं। अब आते हैं 272B के ऊपर, नीचे आइए, जैसे आपके पैन के प्रोविजंस खत्म हो रहे हैं वहां पे 272B दिया हुआ है पेज नंबर 3.13। ये जो सेक्शन है 272B ये पेनल्टी प्रोविजन है जो हम पढ़ रहे हैं। पिछले साल इनके अंदर में अमेंडमेंट आया था 272B के अंदर में, जब 6A 6B आया था तो उससे रिलेटेड पेनल्टी भी इसके अंदर में अपडेट की गई थी। सो आइए 272B के ऊपर डिटेल करते हैं। सबसे पहली बात, ये पेनल्टी लगाता कौन है? ये पेनल्टी लगाने का पावर है एओ के पास, असेसिंग ऑफिसर के पास ये पेनल्टी लगाने का पावर है। पेनल्टी प्रोविजंस पढ़ने से पहले, क्योंकि आप आगे चैप्टर्स में बहुत सारी पेनल्टी प्रोविजंस पढ़ेंगे, सो इट इज माय प्राइम रिस्पांसिबिलिटी दैट आई शुड लेट यू नो हाउ पेनल्टी एक्चुअली वर्क्स। ये मुझे अभी बताना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंड, जब भी एओ असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट करता है, राइट, ये क्या करता है? आपकी टोटल इनकम कंप्यूट करता है, एप्लीकेबल टैक्स कंप्यूट करता है, एप्लीकेबल इंटरेस्ट कंप्यूट करता है, साथ साथ में पेनल्टी इफ एनी उसे भी कंप्यूट किया जाता है। लेकिन आप अपने ऑफिसर्स के अंदर में अगर नहीं देखे होंगे तो प्लीज देखना, या अपने बॉसेस से बोलना, सीनियर से बोलना कि प्लीज मुझे बताएं। आपको दिखेगा कि जो असेसमेंट ऑर्डर आता है उसके अंदर में लिखा होता है द पेनल्टी शैल बी प्रोसीड्स सेपरेटली, पेनल्टी शैल बी इनिशिएटेड सेपरेटली, ये वर्ड वहां पे लिखा होता है। जिसका मतलब क्या होता है, जो असेसमेंट ऑर्डर आता है उसके अलावा पेनल्टी क्या होती है, आपको एक अलग से कंप्यूट करके दी जाती है। और ये कंप्यूटेशन पूरा का पूरा उसके अंदर में मेंशन होता है कि कंप्यूटेशन कैसे हुआ है, किसकी अथॉरिटी मिली थी और किस तरह से कंप्यूट किया गया है। ये एक सेपरेट लॉ है जो आपको, सेपरेट रूल है जो आपको क्या करना पड़ता है, मैंडेटरीली फॉलो करना पड़ता है। दूसरी बात, हर पेनल्टी लगाने के लिए एक अथॉरिटी होती है। इस पे आपको हो सकता है एमसीक्यू आ सकता है, हु विल लेवी द पेनल्टी। तो जब भी आप किसी पेनल्टी के प्रोविजन को पढ़ें तो दो चीजें इसमें मैंडेटरीली हाईलाइट करना, एक पेनल्टी लेवी करने का पावर किसको है, दूसरा पेनल्टी कितनी है। ये लेवी करने का पावर किसको है और ये पेनल्टी कितनी है, ये दो बात आप जरूर हाईलाइट करना जब भी आप पेनल्टी प्रोविजन पढ़ रहे हो। यही हम पेनल्टी पढ़ रहे हैं, जब हम मॉड्यूल 3 में आपको एक टॉपिक मिलेगा पेनल्टीज करके, वहां होंगे तो वहां इस टॉपिक को हम सिर्फ शॉर्ट के अंदर पढ़ेंगे कि ऐसा कोई प्रोविजन हमने वहां पे पढ़ा है और मैं आपको याद भी दिला दूंगा। गेटिंग इट और नॉट? सो आइए डायरेक्ट रीड करते हैं। उसके पहले मैं आपको इस सेक्शन का जिस दे देता हूं। 272B, ये प्रोविजन कब लाई गई थी? जैसे ही आपका पैन का प्रोविजन आया था उसी टाइम पे एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया था 272B। किस लिए प्रोवाइड किया गया था? पैन के तहत। पूरा हिस्ट्री सुनिए इस सेक्शन की। पैन के तहत कि बॉस अगर किसी ने पैन ऑब्टेन नहीं किया तो उसको 10,000 रुपीज की पेनल्टी थी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस सेक्शंस के मिसयूज भी हुए, लोगों ने पैन तो प्रोवाइड किए लेकिन रॉन्ग पैन प्रोवाइड करना शुरू कर दिए। सेक्शन में सूटेबल अमेंडमेंट किया गया और उसके अंदर में लाया गया कि बॉस जो पैन नहीं लेगा, जरूरत मतलब 139A के कंप्लायंस के बावजूद भी आप पैन नहीं ले रहे हैं या फिर आपने पैन लिया पर आपने इसे रॉन्ग कोट किया, इसके लिए क्या की गई, पेनल्टी इंसर्ट की गई। सेक्शन को सूटेबली अमेंड किया गया। विद 2019 पर्सन रिसीविंग एंड पर्सन गिविंग शैल ऑथेंटिकेट वाला प्रोविजन एक्ट के अंदर में इंसर्ट किया गया। अगर वो नहीं किया, क्योंकि आप प्रोविजन लेके आ जाए, देखिए लॉ का कंप्लायंस कभी भी तब होता है जब आपने कोई प्रोविजन लेके आया और अगर आपने इस पे पेनल्टी प्रोविजन नहीं लेकर के आया तो होता यह है कि लोग कभी भी उस लॉ को सीरियस नहीं लेंगे। इसीलिए सूटेबली क्या किया जाता है, पेनल्टी प्रोविजन को भी अमेंड किया जाता है। ठीक उसी तरीके से 272B को भी क्या किया गया, 2019 में अपडेट किया गया और कहा यह ऑथेंटिकेट पर्सन गिविंग और पर्सन रिसीविंग, अगर यह नहीं किया आपने तो भी आपको पेनल्टी प्रोविजन आएगी। यानी अब जब 272B पढ़ेंगे तो इसके अंदर में मल्टीपल चीजें आपको मिलेगी, मल्टीपल पेनल्टी पैन से रिलेटेड। जैसे पैन नहीं लिया, पैन रॉन्गली कोट किया, जहां पैन कोट करना था वहां पे कोट नहीं किया, ऑथेंटिकेशन रिसीवर ने नहीं दिया या ऑथेंटिकेशन पेयर ने नहीं दिया तो पेनल्टी प्रोविजन लगाई है। पेनल्टी लगाने का पावर किसके पास है सर? एओ के पास ये पेनल्टी प्रोविजन लगाने का पावर है। अच्छा जी सर, कुछ और डीप में जाते, और बेसिक में जाते, और मजा आना चाहिए सर। एक बात मान लीजिए मैंने पैन जो प्रोवाइड किया वो गलती से रॉन्ग प्रोवाइड हो गया, बराबर, गलती से रॉन्ग प्रोवाइड हो गया, तो क्या पेनल्टी लगाने से पहले मुझे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आप मुझे बताइए, ये अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? माइंड भी ऐसा हो सकता है, कई बार लिखने के अंदर में प्रॉब्लम आ जाता है। आपको तो पता है अपनी राइटिंग बहुत अच्छी होती है, अपनी राइटिंग माशाल्लाह, समझने वाला सुभान अल्लाह, आप समझ ही सकते हैं राइटिंग। जैसे अगर आप मेरी राइटिंग देखें तो सच में बहुत खराब है। मैं खुद इस बात को मानता हूं कि मेरे मम्मी कई बार कहती थी कि ऐसा लगता है कि भैया शाही के अंदर में मकोड़ा डुबा दिया और पेपर के ऊपर छोड़ दिया, ऐसी तेरी राइटिंग है। तो कई बार क्या होता है, मेंशनिंग के अंदर में प्रॉब्लम हो जाती है। आपको भी पता है कि अपन टाइप करते हैं, टाइप करते वक्त वर्ड इसका वो हो जाता है, ये गलती थी। तो क्या इस गलती के लिए 10,000 रुपए की सजा लगाई जाए? 10,000 रुपए बहुत बड़ी चीज होती है, जैसे मेरे ऐसे आदमी के लिए तो बहुत बड़ी चीज है 10,000 रुपए। तो आप बताइए, क्या ये पेनल्टी प्रोविजन लगाने से पहले क्या ब्लैंकली प्रोविजन लगाया जाए या ये अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलना चाहिए? देखिए कोई भी सजा देने से पहले कोर्ट भी कहता है क्या तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। ठीक उसी तरीके से पालू, ठीक उसी तरीके से हर बार कभी भी पेनल्टी लगाने से पहले इन मोस्ट ऑफ द प्रोविजन इट इज रिटन दैट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मस्ट बी गिवन, एक बार सुनवाई का मौका मिलना ही चाहिए। अच्छा जी सर, सर मान लीजिए सुनवाई का मौका मिला, और डीप जाते हो, और बेसिक में जाते हैं। सर मान लीजिए हम गए सुनवाई करने के लिए, एओ को हमने हमारी पूरी राम कथा सुनाई कि ये हो गया था, वो हो गया था, साहब इसके लिए नहीं हुआ, उसके लिए नहीं हुआ, प्लीज आप क्या कीजिए समझ जाइए और मेरे पे पेनल्टी मत लगाइए। फिर भी एओ बोलता है तू तुच्छ मानूस है, मैं पेनल्टी जरूर लगाएगा तेरे ऊपर, जा जो बनता है कर ले। नाउ मान लीजिए एओ नहीं मान रहा, आप इस पेनल्टी ऑर्डर के खिलाफ कहीं जा सकते हैं क्या? बताइए, इस पेनल्टी ऑर्डर के खिलाफ आप कहीं जा सकते हैं क्या? बिल्कुल साहब, आप जा सकते हैं पेनल्टी ऑर्डर के खिलाफ। आप कहां जा सकते हैं सर? अपील करने जा सकते हैं सीआईटी अपील्स के पास। सर सीआईटी अपील्स भी नहीं मान रहा, और कोई रिलीफ मुझे कहीं मिल सकता है क्या? हाँ मेरे दोस्त, हाँ ये रिलीफ तुझे अवेलेबल है। कहां अवेलेबल है? याद कर, तूने मेरे साथ पढ़ा है, शायद परसों या कल तूने पढ़ा था मेरे साथ कि अगर कोई भी तुझे रिलीफ ना दे तो भी एक्ट में एक सेक्शन ऐसा लिखा है जहां पे तुझे रिलीफ मिल सकता है। बताओ वो सेक्शन कौन सा है? बिल्कुल तेरे दिमाग में, अगर कुछ लोगों के दिमाग में स्ट्राइक हो गया होगा, सेक्शन 119 2A या 2B? 2B, ए तो रिलैक्सेशन था, 2B टाइम एक्सटेंशन एज वेल एज अदर रिलीफ प्रोवाइड किया जा सकता है। ये फॉल हो सकता है अदर रिलीफ के अंदर में। तो सबसे पहले आप जाएंगे सीआईटी अपील्स के पास, वहां पे जाकर के आप रिलीफ का डिमांड कर सकते हैं। उनने भी प्रोवाइड नहीं किया तो भी हारना नहीं है, आप जा सकते हो किसके पास? सीबीडीटी के पास। 119(2B) के तहत आप क्या कर सकते हो? एप्लीकेशन कर सकते हो और बोल सकते हो मेरे से गलती हो गई, प्लीज मेरी इस गलती को सुधार लीजिए। गेटिंग इट और नॉट? तो हम लोग बहुत डीप डाइव करके चले गए कि सर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या है, इनडेप्थ एनालिसिस आ जाता है, तो वही एक पार्ट आता है। आइए 272B की बात करते हैं। पेनल्टी फॉर फेलियर टू कंप्लाई विथ 139A। 139A पैन का कंप्लायंस नहीं किया तो उससे रिलेटेड पेनल्टी क्या होगी? वर्ड के ऊपर स्पेसिफिक ध्यान दीजिएगा, बैरैक्ट रीड कर रहे हैं हम लोग। इफ अ पर्सन फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ 139A, the AO may direct the AO यानी इसके ऊपर एरो करके लिख सकते हो who will levy the penalty। पेनल्टी लेवी करने का पावर किसके पास है? AO के पास है। ये बड़ा होके MCQ बनेगा, याद रखिएगा। So when a person failed to comply with the provisions of section 139A, AO may direct such person shall pay by way of penalty a sum of rupees 10,000। तो आपको पेनल्टी के तौर पे 10,000 रुपए लगाया जा सकता है। ये हुआ पहला, अगर आपने 139A कंप्लाई नहीं किया, मतलब जिस को पैन लेने बोला था पैन नहीं लिया तो 10,000 रुपए की पेनल्टी, पहला सबसेक्शन ये बोल रहा है। दूसरे पे आता हूं मैं। इफ अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू कोट पैन और आधार, इस वर्ड को जरा ध्यान दीजिएगा, सिर्फ यहाँ पे अब पैन नहीं है, यहाँ पे वर्ड क्या लिख दिया है? और आधार। तो जहां जहां पे भी पैन लिखा था उसके बाजू में 5E वाला वर्ड इंसर्ट हो गया, पैन के जगह आधार। तो पूरे एक्ट के अंदर में जहां जहां पे भी पैन था वहां पे और आधार बाय डिफॉल्ट में ऐड हो गया, याद रख लीजिएगा आपने। सो इफ अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड टू कोट हिज पैन और आधार नंबर इन एनी डॉक्यूमेंट रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 5C और टू इंटीमेट, एक मिनट, पहला एवरी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू कोट हिज पैन और आधार और इंटीमेट सच नंबर, कोट नहीं किया जहां पे कोट करना चाहिए था, इंटीमेट नहीं किया जहां पे इंटीमेट करना चाहिए था, कोट और इंटीमेट अ नंबर विच इज फॉल्स, कोट नहीं किया, इंटीमेट नहीं किया, या कोट भी किया इंटीमेट भी किया पर फॉल्स किया, इस पे भी है। And which he either knows or believes to be false, एक मिनट, ये वर्ड के ऊपर इंटरप्रिटेशन जरूरी है, which he either knows or believes to be false or does not believe it to be true, या इस लाइन का मतलब क्या होता है? which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, इस लाइन का मीनिंग क्या होता है? इस लाइन का मीनिंग होता है he must be proved guilty, मेंस रिया, गिल्टी माइंड बोला जाता है लॉ के शब्दों में। मतलब क्या, आपको दर्शन सर ने जरूर बताया होगा, मेंस रिया और गिल्टी माइंड, जिसका मतलब क्या होता है कि सर प्रूव होना चाहिए वो गिल्टी है, ऐसा ही पेनल्टी नहीं लगाया जाएगा। मतलब क्या, यही वो लाइन है जो आपको बोलती है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मस्ट बी गिवन। The assessing officer may direct that such person shall pay by way of a penalty ₹10,000। तो अब तक हमने दो सबसेक्शन देखे। पहला सबसेक्शन बोलता है जहां पे पेन लेना चाहिए था आपने पेन ही नहीं लिया। दूसरा बोलता है जहां पे आपने इंटीमेट या कोर्ट करना चाहिए था वो नहीं किया। दूसरा ही सेक्शन ये भी बोलता है कोर्ट किया इंटीमेट किया लेकिन फॉल्स किया, गलत था, जो आपको पता है कि ये गलत है तो पेनल्टी लगाई जा सकती है ₹10,000 की। 2A हमसे बात करता है, 2A हमसे बात करता है इफ अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू कोट हिज पैन नंबर और आधार नंबर एज द केस में बी इन डॉक्यूमेंट रिफर्ड इन 6A 139(6A) क्या था, पर्सन एंट्रिंग इनटू ट्रांजैक्शन मस्ट कोट हिज आधार। सो पर्सन entering to provide आधार, चाहे स्टिकी नोट लगा दें नहीं तो आपको 6A समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। आप ऊपर भी देख सकते हैं पूरे बैरेक्ट में लिखा हुआ है। सो और ऑथेंटिकेट सच नंबर fails to do so, AO may direct a sum of 10,000 for each such default। दर्द देखिए साहब, वहां पे वर्ड क्या लिखा है, वहां पे वर्ड लिखा है each such default, यानी अंडरस्टैंड कीजिए इस पर्टिकुलर प्रोविजन को अंडरस्टैंड कीजिए। मान लीजिए मेरा 5 लोगों के साथ ट्रांजैक्शन हुआ है, ट्रांजैक्शन हैज बीन केप्ट विद 5 पीपल आउट ऑफ व्हिच ओनली 2 प्लेसेस आई ऑथेंटिकेटेड माय आधार और पैन बट आई डू नॉट ऑथेंटिकेटेड द रेस्ट ऑफ 3 ट्रांजैक्शन। So what will be the penalty? 10,000 for each. That means if there are 3 such defaults, then 10,000 for each such default penalty shall be levied. So this is a major provision. This is not a 10,000 for any number of default. This provision, जहां पे भी आप आधार या पैन कोट करेंगे, जहां पे भी आप आधार या पैन कोट करेंगे, आपने ऑथेंटिकेट करना भूल गए, ऑथेंटिकेशन वाले ईच सच डिफॉल्ट के ऊपर आपको क्या लगने वाला है, 10,000 रुपीज की पेनल्टी लगने वाली है। तो हो सकता है इंस्टीट्यूट आपको क्या करे, ऐसा कुछ तोड़ मरोड़ के दे दैट मिस्टर राधे हैज एंटर्ड इनटू 5 ट्रांजैक्शन वेयरइन ही नीड्स टू कम्युनिकेट हिज पैन नंबर और आधार नंबर आउट ऑफ व्हिच ओनली 2 हैज बीन व्हाट ऑथेंटिकेटेड और कम्युनिकेटेड। व्हाट इज द पेनल्टी एज पर सेक्शन 272B? और नीचे आपको ऑप्शन दिया होगा 10,000 रुपीज, 10,000 फॉर ईच डिफॉल्ट। तो आपको क्या सिलेक्ट करना है, 10,000 फॉर ईच डिफॉल्ट। दूसरा, हो सकता है आपको पेनल्टी की अमाउंट दी हो 10,000, 20,000, 30,000 या जितने भी ट्रांजैक्शन दिया हो उस हिसाब से, तो आपको 10,000 ईच सच डिफॉल्ट के प्रोविजन को याद करके क्या करना होगा, आपका आंसर निकालना होगा। याद रखिए इंस्टीट्यूट आपको इतने आसान MCQ नहीं देगा, या आपको मल्टीपल प्रोविजन के साथ मिक्स करके ये क्या प्रोवाइड करेगा, आपको MCQ प्रोवाइड करेगा। So 10,000 for each such default है। At the same time 2B has been inserted। 2B किसके लिए होगा, 2B होगा आपके अगेन ऑथेंटिकेशन वाले पॉइंट के ऊपर। देखिएगा, पर्सन रिसीविंग इफ अ पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट पैन नंबर एज द केस में बी ड्यूली कोटेड एज पर 6A ड्यूली ऑथेंटिकेटेड फेल टू डू सो, पर्सन receiving failed to authenticate। जो रिसीव कर रहा है वो ऑथेंटिकेट करना भूल गया, जो रिसीव कर रहा है वो ऑथेंटिकेट करना भूल गया, पेनल्टी कितनी, फेल टू डू सो AO may direct a penalty of ₹10,000 for each such default। तो देने वाले ने भी जहां पे दिया जगह पे कोट नहीं किया, जितने ट्रांजैक्शन पे कोट नहीं किया, हर एक ट्रांजैक्शन पे ₹10,000। रिसीव करने वाले में लेट्स से आई एम अ शॉपकीपर, राइट, आई हैव एंटर्ड इनटू 100 ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर आउट ऑफ व्हिच 80 ट्रांजैक्शन हैज बीन एक्चुअली ऑथेंटिकेटेड, रेस्ट 20 वाज नॉट ऑथेंटिकेटेड। 20 into 10,000 विल बी माय पेनल्टी। No order under this section shall be passed unless the person on whom penalty is proposed to be imposed is given an opportunity of being heard in the matter। जैसे कि हमने कहा था कि उसको अपना प्रूव करने का मौका मिलेगा कि क्या वो सच में दोषी है या नहीं है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मस्ट बी गिवन। तो 272 बी आपको क्या करना होगा साहब, कंप्लाई करना होगा। टिल दिस पॉइंट व्हाट वी हैव डन, टिल दिस पॉइंट वी हैव डन विथ 139AA से आधार। 139A बोलो बेटा क्या चीज, पैन। फिर हमने बात करी 272B पेनल्टी, अगर आप लोगों ने आधार सॉरी पैन प्रोवाइड नहीं किया या पैन के साथ साथ आधार को क्या नहीं किया, ऑथेंटिकेट नहीं किया। तो रिटर्न भरने से पहले ये तीन प्रोविजन आते ही आते हैं। चलिए साहब, उम्मीद करता हूं एक एक वर्ड को हम लोग इंटरप्रीट कर रहे होंगे, एक एक वर्ड का आपको मजा आ रहा होगा। और चालू करते हैं आगे का पार्ट। सर एक बार आपके पास आधार और पैन आ गया, अब क्या जरूरी है, अब हमें यह समझना जरूरी है कि सर क्या रिटर्न भरने से, रिटर्न भरना है और अगर रिटर्न भरना है तो किस किस को भरना है साहब, ये एक प्रोविजन अब हमें पढ़ना जरूरी है। तो मैं आप सभी को बुलाऊंगा सेक्शन 139 मैंडेटरी टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम, पेज नंबर देख लीजिए आपके बुक के अंदर में लिखा है स्टार्ट करते ही सेक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट नॉट इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूं तो सर जैसे आपको सेक्शन लिखा हुआ है 139A 139AA ये दोनों भी इंपॉर्टेंट कैटेगरी की लिस्ट में, 139(1) इंपॉर्टेंट कैटेगरी की लिस्ट में, ये सुनो इंपॉर्टेंट कैटेगरी की लिस्ट के अंदर में इन पे ऊपर क्वेश्चन आता है। 139 139(1) दोनों में फर्क समझिए। 139 एक्चुअली जब आप डायरेक्ट पढ़ेंगे तो 139 लिखा है, उसके पार्ट 1 के अंदर में फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज रिटर्न हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न, एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो रिटर्न व्हाट आर द ड्यू डेट्स ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। दूसरी बात सर, क्या इनमें कोई अमेंडमेंट आया है क्या, पहले इस सेक्शन की हिस्ट्री सुन लीजिए। Over the period of time, ये section evolve हुआ है। Yes, this section has been evolved over the period of time. Why government actually require the assessee to file return? So that जो एक compliance वाला part है वो assessee ने पूरा किया हो, assessee ने tax पूरा pay किया है या नहीं किया है ये इसके return से ही पता चल सकता है। Income tax सबसे पहले ये समझता है कि जितने भी tax payers है ये बहुत honest tax payers है और इसीलिए वो अपना खुद का self assess करें, self assessment tax भरें और आप क्या भरें, return भरें। वॉलेंटरीली आप कभी भी रिटर्न भर सकते हैं, एक बात समझ के चलिए, वॉलेंटरीली आप कभी भी रिटर्न भर सकते हैं। सर क्या हमने अभी से, जब हम सीए फाइनल के अंदर में हैं, सीएस प्रोफेशनल के अंदर में, सीएमए फाइनल के अंदर में, जो भी जहां पे भी होगा, सर क्या अभी से हम लोगों ने रिटर्न भरना चाहिए क्या हम आर्टिकलशिप के अंदर में? मेरा जवाब रहेगा हाँ। सर हमने क्यों रिटर्न भरना चाहिए, चल मैं तुझे बताता हूँ, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में तेरे को समझाता हूँ क्यों रिटर्न भरना चाहिए। तू अप्रिशिएट करेगा मेरे भाई, तू अप्रिशिएट करेगा कि तूने बहुत स्मार्ट डिसीजन लिया क्लासेस से रिलेटेड। आइए मैं आपको बताता हूं रिटर्न भरते क्यों है। अंडरस्टैंड एट वट एवर द एज यू बिकेम प्रोफेशनल, बराबर है, और तुमको लेट्स से कंपनी में रहती है टाटा एलेक्सी, टाटा एलेक्सी के अंदर में तुमको लग जाता है पैकेज 6 लाख रुपए का, 6 लाख रुपीज का आपको क्या लग जाता है, पैकेज लग जाता है, बराबर है। आपके हमेशा से एक ड्रीम था कि मैं प्रोफेशनल बनूं, प्रोफेशनल बनने के बाद मैं मेरे मम्मी पापा को एक मस्त कार के अंदर में लेके जाऊं, एक लड़की जिसको मैं लाइक करता हूं उसको मैं लॉन्ग ड्राइव के अंदर में लेके जाऊं, कार का शौक है, सबको होता है, ठीक है, मुझे भी है, राइट। तो कार का शौक था आपको, आपने बोला कि ठीक है चल जॉब लग गई, कोई अपने को भगवान की दया से पप्पा ने घर कर लिया, सब कर लिया, अब अपन लेंगे कार। आप गए शोरूम के अंदर में, आपने देखी कि सर अपन क्या लेंगे, होंडा सिटी लेंगे। मैं आपको आगे चल के एक होंडा सिटी की स्टोरी भी बताऊंगा, मेरी ही है होंडा सिटी की स्टोरी पर आगे चल के बताऊंगा, अभी नहीं। तो आप गए शोरूम के अंदर में, आपने देखी होंडा सिटी, होंडा सिटी आप लोगों ने 2020 का जो नया मॉडल आया है आपने वो देख लिया, आपको समझ में आता है ये प्राइस है इसका, लेट्स से 17 लाख रुपीज। सबसे पहले तो आप डिसीजन लोगे कि 17 लाख की मैंने कार लेनी चाहिए क्या, तो आप बोलोगे कि हाँ मुझे अगर 6 लाख का पैकेज है और यहाँ से 1 साल बाद भी देखूं मैं तो मेरे को कहीं ना कहीं क्या मिलने वाला है, इंप्रूवमेंट मिलने वाला है, तो 6 लाख तो मिनिमम है। जिसको आप फाइनेंस टीम के साथ बैठते हो जिसके तहत आपका EMI कहीं ना कहीं 20,000 रुपीज का सेट होता है, 6 लाख का पैकेज था, ऑब्वियसली बात थी 50,000 रुपीज पर मंथ, 20,000 आउट ऑफ दैट आप सोचते हो कि चल मैं एक 20,000 का EMI लगा देता हूँ, 30,000 बचते हैं, इसमें से 10,000 मेरे खर्चे, 10,000 मैं घर पे दे दूंगा तो भी 10,000 की सेविंग होगी। आप जाते हो कहां पे, कार लेने के लिए। मैं एकदम प्रैक्टिकल लाइफ समझा रहा हूं तेरे को, अंडरस्टैंड की रिटर्न इसी टाइम से फाइनल से ही क्यों भरना चाहिए आपने, राइट। आप जाते हो वहां पे फाइनेंस के साथ बैठते हो, आपको पता है एज अ प्रोफेशनल यू आर अर्निंग 6 लाख रुपीज, लेट्स से ये पूरा का पूरा 6 लाख भी आप क्या कर दोगे, पूरा का पूरा साल भर में पे भी कर दोगे बैंक को, तो भी 3 साल के अंदर तुम आप इस पूरे कार लोन को खत्म कर सकते हो। अगर सेविंग भी कर लिया लेट्स से 5 ईयर्स, 5 years के अंदर में पूरा पे कर सकते हो, तुम्हारे अंदर उतना पावर है। सपोजिंग कि तुम्हारा कोई इंक्रीमेंट नहीं होने वाला, अब क्या होगा पता है तुमको? अब जब तुम फाइनेंस टीम के साथ बैठोगे, बोलोगे चलो ये कार्ड डन करो, मैं टोकन अमाउंट भी देने को रेडी हूं। तुमने पप्पा से कहीं से टोकन अमाउंट अरेंज कर दिया था और टोकन अमाउंट दे दिया, आउट ऑफ योर लेट्स से तुम्हारी सेविंग से टोकन अमाउंट भी दे दिया, बच्चे का लोन बना दिया। लोन फाइनेंस करने से पहले पता है क्या बोलेगा वो बोलेगा आपके 3 साल के ITR लेकर के आओ। अब अंडरस्टैंड, यहां पे तू अटक गया, यहां पे आप अटक गए। कैसे अटक गए? अरे बिल्कुल अटक गए साहब, आपके पास 3 साल के फाइनेंशियल्स किधर है? पर सर आई एम अ प्रोफेशनल, मैं दे दूंगा, मेरा 6 लाख रुपए का पैकेज है। आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री क्या है प्रभु? फाइनेंशियल हिस्ट्री नहीं है ना तुम्हारी। नोबडी विल प्रोवाइड यू द लोन। सर बट आई एम प्रोफेशनल, मैं मेरा सैलरी सर्टिफिकेट उनको दे सकता हूं। प्रोफेशनल मेरे भाई, तू बात समझ, तू प्रोफेशनल अभी बना है, बट इंडस्ट्री ये प्रोफेशनलिज्म नहीं समझती, प्रैक्टिकल रियलिटी समझ। ये वो तेरा अर्निंग पोटेंशियल तेरे पास्ट के बेसिस पे देखेंगे मेरे भाई। एक बात याद रख, हम ऐसे जगह पे रह रहे हैं, सच्चाई की बात बता रहा हूं, हम ऐसे जगह पे रह रहे हैं जहां पे तेरा कैलिबर ये डिसाइड करता है, तेरा पास्ट तेरा फ्यूचर डिसाइड करता है, जबकि ऐसा होता नहीं। पास्ट का फ्यूचर से कोई लेन देन नहीं है। यस और नो? तुम्हारा पास्ट कैसा भी हो, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, बट यू नो इंडस्ट्री ऐसी है। अब वो आपसे 3 साल के फाइनेंशियल्स मांगने वाले हैं। 3 साल के फाइनेंशियल्स में अब तेरे को याद आता है कि साला मैं एक CA CMA स्टूडेंट था, मैं लोगों के रिटर्न भरते रहा, मैंने कभी मेरा खुद का रिटर्न नहीं भरा, और आज मुझसे ही रिटर्न मांगा जा रहा है। और उस टाइम तुझे बहुत पछतावा होगा कि काश मैं मेरे रिटर्न तभी से, क्योंकि लोन आपको पता है कैसे प्रोसेस किया जाता है। आप में से कुछ लोग अगर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के अंदर में आपने काम किया होगा तो आपके फाइनेंशियल्स बनाए जाते हैं, आपके 3 साल के फाइनेंशियल्स बनाए जाते हैं। आपको भी पता है कैसे बनाए जाते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको कैसे बनाए जाते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, समझ रहे हो बात को? तो फाइनेंशियल्स बनाए जाते हैं। आपके 3 साल के ITR का जो इनकम होता है उसको एवरेज किया जाता है इनटू 5, ये आपका टोटल अर्निंग कैपेसिटी डिटरमाइन होता है, और उसका 75% आपको क्या मिलता है? लोन मिलता है। तो सपोज मैं तेरे को बताता हूं, आज से अभी से क्या कर, रिटर्न भरना चालू कर, वॉलेंटरी रिटर्न। देखिए रिटर्न भरने का टैक्स पेमेंट से कोई लेन देन नहीं है, ये तुमको भी पता है, ठीक है। सपोज अभी तू तेरी इनकम 3 लाख रुपीज शो करना चालू कर, 3 लाख रुपीज। आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा, सर आर्टिकलशिप में ऐसा कोई काम नहीं कर सकते। बिल्कुल गलत है। आर्टिकलशिप में आप टाइम बाउंड है, कब से कब तक, जो भी आपके ऑफिस का टाइम होगा तब तक। पर इसके अलावा आपके पास स्किल है, आप अकाउंटिंग कर सकते हो। आपको ये देखिए एक बात समझ के चलिए, आपको रिटर्न भरते वक्त तो ये प्रूव करने की जरूरत नहीं कि आपको इनकम कहां से आई। उल्टा लोगों के पास इनकम है वो शो नहीं कर रहे, तुम तो उल्टा शो कर रहे हो तुम्हारी इनकम को। तो तुम्हारे घर-वर पे अगर होगा कुछ, तुम्हारे घर-वर पे अगर बिजनेस वगैरह होगा, वहां से एंट्री लो ना, वहां पे खर्चा एक्सपेंसेस बुक होगा, तुम्हारी इनकम बुक होगी। 40A2 लगेगा जब लगेगा रिलेटिव को पेमेंट, पर आप उनको अकाउंटेंट बोल करके दिखा सकते हो। सोर्सेज ऑफ इनकम आर अनलिमिटेड। तुमने बच्चों को ट्यूशन दी, बहुत सारे सोर्सेज है ना यार, तुमने पार्ट टाइम कहीं पे वर्क किया। तो देखिए आर्टिकलशिप से जो तुम्हारी स्टाइपन आ रही है दैट इज नॉट एन इनकम, बराबर है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट तुम अपनी इनकम आज से शो करो, अभी से। तुम क्या करोगे इस साल, लेट्स से 2020 का रिटर्न भरते वक्त तुमने 3 लाख रुपीज शो किया, 2021 का रिटर्न भरते वक्त तुमने लेट्स से 3.5 लाख रुपीज शो किया, 22 का रिटर्न भरते वक्त तुमने लेट्स से 4 लाख रुपीज का रिटर्न शो किया। इन तीनों केसेस में 87A का रिबेट लेकर के तुम्हारा टैक्स क्या आ गया? निल, बराबर है। लेकिन अब देख, तू 3 साल के अगर रिटर्न आज से भरना शुरू करता है, 3 साल के रिटर्न आज से भरना शुरू करता है, तो व्हेन एट द टाइम यू विल बी गेटिंग द जॉब और यू विल बी हैविंग अ फाइनेंशियल असेट, तो कोई असेट क्रिएट करने का सोचता है, तब देख तेरी मार्केट कैपेसिटी कितनी बना लेता है तू, ठीक है। इफ यू हैव अ कैलकुलेटर, टेक अ कैलकुलेटर। 3 + 3.5 कितना हो गया? 6.5 + 4 कितना हो गया सर? 10.5। तो अब क्या होगा? 10.5 लाख इंटू 75%। जनरली हर बैंक का ये परसेंटेज क्राइटेरिया बदलता है, बट ऑन एन एवरेज किसी का 80 होता है, किसी का 82 होता है, किसी का 64 भी होता है। 75% तो एवरेजली पकड़ के चल ले। टेंटेटिवली 7.8 लाख रुपीज, टेंटेटिवली, मैं यहां पे कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ तेको पार्ट ऑफ मोटिवेशन बता रहा हूं। 7.78 लाख रुपीज के लिए तू एलिजिबल हो जाएगा। तेरी कुछ तो क्रेडिट हिस्ट्री होगी बैंकिंग रिकॉर्ड्स के अंदर में। आप में से कई लोग तो ऐसे हैं, मैं कई बार लाइव क्लासेस लेता हूं फाइनल के, तब हम लोग देखते हैं कि कई बच्चे फाइनल में आकर के भी अभी उनके पास पैन कार्ड नहीं है। मैं उनको बोलता हूं अबे शर्म करो, शर्म करो, तुम फाइनल में हो, तुम्हारे पास पैन कार्ड नहीं हो, तुम रिटर्न नहीं भरते हो, उल्टा तुम्हारे रिटर्न भरो। क्या पता, अब अंडरस्टैंड कर, इस पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर में मान ले अगर तेरे डैड को लोन की जरूरत पड़ी और वो ऑलरेडी अपने फुल अमाउंट के ऊपर होंगे, आज अगर तू रिटर्न भर देता है तो तेरी एक क्रेडिट हिस्ट्री बन जाती है और ये क्रेडिट हिस्ट्री क्या पता तेरे घर वालों के लिए एक फाइनेंशियल हेल्प बने लोन लेने के लिए, चाहे वो पर्सनल लोन ही क्यों ना हो। और हम कॉमर्स स्टूडेंट है भाई, अपन कॉमर्स स्टूडेंट है, अपन नहीं करेंगे तो किसको समझेगा ये सब? साइंस वाले को समझता है क्या रिटर्न वगैरह भरना? वो रिटर्न कब भरता है? जब वो डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, उसके बाद पहली बार लाइफ में वो रिटर्न भरेगा। लेकिन वहां से भी फिर उसको 2 साल 3 साल वेट करना पड़ेगा अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। हम कॉमर्स स्टूडेंट है मेरे भाई, अगर हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? हम नहीं समझेंगे कॉन्सेप्ट तो कौन समझेगा? ये देख, आज से तेरे पास अगर लेट्स से अगर तेरे पास 5,000 की भी स्टाइपेंड आती है ना, आई वुड रिकमेंड यू कि उसमें से 500 रुपए क्यों ना हो स्टॉक मार्केट में आज से आप चालू करो, अपना पोर्टफोलियो डेवलप करना चालू करो। वहां पे भी आपको आपकी इनकम डिक्लेयर करनी पड़ती है, याद रखिएगा। आपको अगर यू नो इंटरेस्ट है एसएफएम पढ़ के तुमको लगा कि यार कॉल लेने का है, पुट लेने का है, फ्यूचर्स ऑप्शंस खेलेंगे अपन, सब बराबर है, पर वहां पे भी आपको आपकी इनकम डिक्लेयर करनी पड़ती है, मतलब रिटर्न ऑफ इनकम वहां पे भी जरूरी हो गया। और मैं कहूंगा अपने आपको एक झापड़ मार लेना अगर तुमने अभी तक के क्या नहीं किया है, पैन अप्लाई नहीं किया। और अपना सर एक बात करना, मैं तो बोलता हूँ देखो, अब ये 10 लाख रुपए मैंने बताया, कोई क्या कर सकता है, एक साथ पूरा नहीं दिखाने का, 4 लाख दिखाओ, 4 लाख, 5 लाख, सोर्सेज ऑफ इनकम अनलिमिटेड है ना। मैं तुमको कहां डिक्लेयर करना पड़ता है पीजीबीपी में रिटर्न के अंदर में कि मैंने ये काम किया, यहां से आया, कर ना, क्या प्रॉब्लम है, कर बिंदास कर, अरे कुछ नहीं होता। उल्टा तू तो डिक्लेयर कर रहा है, समझ में आ रही है बात, तू तो डिक्लेयर कर रहा है, लोग डिक्लेयर भी नहीं करते। सर पर हमारे बैंक अकाउंट में तो इतनी रिसीट्स है ही नहीं, अरे झंडू बाम, कैश में रिसीव किया, कैश में उड़ा दिया, साल भर का इनकम है, कौन सा एक साथ तेरे को 3,50,000 रुपए दिखाने हैं? साल भर रिसीव किया, कभी 5,000, कभी 10,000, फिर किसी को पढ़ाया था, उसके ट्यूशन फीस, तेरे को क्या बच्चे मंगेंगे? कौन सा बच्चा उसको पढ़ा के पढ़ाया कहाँ, उसको लेकर क्या डिपार्टमेंट में? नहीं, तुम तो देख रहे हो आर्टिकलशिप के अंदर में, और जिनने नहीं देखा उनको समझा रहा हूं। सो माई फ्रेंड, दिस इज द ईयर जब से तुमने रिटर्न भरना है, समझ में आई बात। और अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया हो कि रिटर्न क्यों भरना है, तो इसके आगे हर साल रिटर्न भरना है। रिटर्न भरने का टैक्स पेमेंट से कहीं कोई लेन देन नहीं है, बिंदास जाओ। और 2019 से तो यार प्री फिल्ड फॉर्म भी है, उसको यूज कर लो, काम खत्म। तुमको 48(2) में नहीं भरना होगा तो मामा वगैरह किसी को चाहिए होगी एंट्री, तुम्हें एंट्री दे दो, काम खत्म, टीडीएस कट कर लेना, टीडीएस तुम्हारा हो गया, किसी को शक भी नहीं आने वाला। तो ऐसी चीजें होती है, मार्केट ऐसा कर रहा है, अपन ने आज तक ऐसा नहीं किया, पर मार्केट ऐसा करता है, ये बात याद रखने का। और हाँ, एक बात समझ लीजिए आप लोग, ये बात अगर तुम नहीं कर सकते तो तुम कॉमर्स स्टूडेंट नहीं हो। यू शुड बी प्राउड ऑफ योर कॉमर्स, यू नो, यू शुड बी प्राउड यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट। साइंस वाले को ये सब फंडे समझ में नहीं आने वाले, जब तक उसको ये फंडे समझेंगे तब तक उनको तुम्हारी जरूरत हो जाएगी, समझ में आ रही बात, उनको तुम्हारी इस मामले में जरूरत होने वाली है। तब तक तुम्हें पता होना चाहिए, तब जाके तुम उसको अप्रोप्रिएट क्या दे पाओगे, कंसल्टेंसी दे पाओगे कि तुम्हें रिटर्न क्यों भरना है, समझ में आई बात। तो सर आइए, माफ करना मैं जरा इधर उधर निकल जाता हूं, वो निकलता इसलिए हूं ताकि मैं तुम्हें समझा सकूं। और ये सारी चीज मैंने देखी है, मैं जो आपका अभी एक्सपीरियंस लिया ना, आपको भी मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया, कार लेते वक्त कि आपके रिटर्न मांगे आएंगे, ये कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस है। और मुझे ऐसा लगा कि यार मैं मेरे सभी भाई बहनों के साथ इसको शेयर करूं, उनको भी आगे मेरे साथ ही आना है, मेरी फील्ड में ही आना है, तो उन्हें प्रैक्टिकल रियलिटी क्यों ना बताऊं कि बेटा तेरे को इसलिए रिटर्न भरना है। चलिए पेज नंबर 1 पे आइए, रिटर्न भरने के 4 मोड। सबसे पहले ये अंडरस्टैंड कीजिए, रिटर्न भरने के 4 मोड है, राइट। कौन कौन से मोड है? पहला वॉलेंटरी रिटर्न। वॉलेंटरी रिटर्न आप खुद होकर के, आपको ऑब्लिगेशन नहीं दिया है, आप खुद होकर के क्या करना चाहते हो, रिटर्न भरना चाहते हो। दूसरा, रिटर्न थ्रू एम्प्लॉयर 139(1)(a), एम्प्लॉयर के थ्रू रिटर्न फाइलिंग करने का भी एक स्कीम यहां पे है। तीसरा 139(b), रिटर्न थ्रू टीआरपी। सर टीवी पे जो आता है वो टीआरपी नहीं, टीआरपी का फुल फॉर्म है टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स। तो एक, आप खुद रिटर्न भर सकते हैं वॉलेंटरीली और मैंडेटरीली जो सेक्शन में दिया है। दूसरा, एम्प्लॉयर के थ्रू रिटर्न भरा जा सकता है। तीसरा, टीआरपी के थ्रू रिटर्न भरा जा सकता है। और चौथा, एओ आपको नोटिस देता है रिटर्न भर, उसके अगेंस्ट में आप रिटर्न भरते हो। देयर वाज मे बी ऑब्लिगेशन और नॉट, बट एओ की तरफ से नोटिस आ जाता है, चल बेटा रिटर्न भर ले रे। याद होगा तो चार्ट में हमने देखा था 142(1)(1), अगर एओ को लगता है कि इस व्यक्ति ने रिटर्न भरना चाहिए, वो नोटिस देगा और रिटर्न भरवाएगा। याद आ रहा है क्या कुछ? तो रिटर्न 4 मोड से भरा जा सकता है। एवरीबॉडी रिटर्न फॉर्मूला, फर्स्ट वॉलंटरी मैंडेटरी, सेकंड थ्रू एम्प्लॉयर, थर्ड थ्रू टीआरपी, फोर्थ through AO's order, getting it or not? So first 139(1) एक-एक करके हम सारी चीजों को डील करते हैं। 139(1) obligation to file return of income, रिटर्न किस-किस को फाइल करना है। Again, over the period of time, this section has been evolved. The first person who mandatorily required to file return is company, be it a domestic company, be it a foreign company, be it a company in liquidation. आपको रिटर्न भरना है, अगर कंपनी है तो रिटर्न भरना है। तो पहली चीज एवरी पर्सन, किस किस को भरना है, पॉइंट ए, एवरी पर्सन बीइंग अ कंपनी, यहां पे एरो करके आप लिख सकते हो, प्राइवेट, पब्लिक, ओपीसी, डोमेस्टिक, फॉरेन, इन लिक्विडेशन। अगर कंपनी लिक्विडेशन में भी है तो भी रिटर्न उसको भरना ही भरना है। वो प्राइवेट है, पब्लिक है, ओपीसी, डजंट मैटर, फॉरेन है और डोमेस्टिक है, उसको रिटर्न भरना है। इफ दे आर ऑपरेटिंग इन इंडिया दे हैव टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम, काम खत्म। कंपनी है सर, कंपनी ने आईबीसी, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंदर में अप्लाई कर रखा है, क्या रिटर्न भरना है? बिल्कुल भी रिटर्न भरना है। कंपनी है, जब तक के आपका एग्जिस्टेंस खत्म नहीं हो जाता, तब तक के, जब तक के आपका सिन नहीं मिट जाता, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं मिट जाता, तब तक के आपको रिटर्न भरना है। अब आप कोई भी कंपनी ले लो, इससे फर्क नहीं पड़ता। सर कंपनी लॉसेस के अंदर में है, क्या रिटर्न भरना है? प्रॉफिट या लॉस की कहीं बात ही नहीं बोली है सेक्शन ने। सेक्शन ने बोला है कंपनी है, रिटर्न भरना है। दिस इज द इंटरप्रिटेशन। सेकेंड फर्म, जहां पे भी हम बात करते हैं फर्म, फर्म के साथ साथ हम बात करते हैं इंक्लूड्स LLP। सो हर फर्म और LLP, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आप फर्क नहीं पड़ता, आपको रिटर्न ऑफ इनकम भरना है। सो एवरी कंपनी और अ फर्म मस्ट फाइल रिटर्न ऑफ इनकम, भरना है। ठीक है सर। दूसरा, एवरी अदर पर्सन अदर देन कंपनी और फर्म दे नीड्स टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम इफ द इनकम बिफोर क्लेमिंग लेट्स से एग्जम्पशन डिडक्शन एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। एवरी पर्सन अगर लेट से उसकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर चल जाती है, मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, इसका मतलब क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स का मतलब होता है कि अगर उसकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर चली जाती है तो सर आइए बात करते हैं यहां पे। एवरी पर्सन अदर देन अ कंपनी और अ फर्म इफ इज टोटल इनकम और टोटल इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ही इज असेसेबल, मतलब क्लबिंग वाला प्रोविजन या फिर डीम्ड असेसी वाला प्रोविजन, एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, लेट्स से 2.5 lakhs, 3 lakhs और 5 lakhs एज द केस में भी, तो आपको क्या करना है? रिटर्न भरना है। रिटर्न भरना है मतलब टैक्स पे करना है क्या? नहीं, यह अलग विषय है। सो एवरी कंपनी और फर्म और एवरी पर्सन हुज इनकम एक्सीड द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट शैल ऑन और बिफोर द ड्यू डेट फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम और इनकम ऑफ सच अदर पर्सन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। ये प्रिस्क्राइब फॉर्म मतलब क्या? ITRs verified in the prescribed manner। ये वेरिफिकेशन किस तरीके से होगा, ये लिखा है सेक्शन 40 में। कौन वेरीफाई करेगा, ये लिखा है सेक्शन 140 के अंदर में। हालांकि वेरिफिकेशन के अब कई मोड हैं, आपके बुक में दिए हुए नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, पर प्रैक्टिकली वेरिफिकेशन के मोड क्या है? ऑनलाइन, नेट बैंकिंग के थ्रू, आधार, OTP के थ्रू, या साइन करके CPC बैंगलोर भेज देने का। एंड सेटिंग फोर्थ सच अदर पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब, क्या क्या डिटेल देना है वो भी आपको लिखा हुआ है। सो 139(1) ऑब्लिगेशन टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम, किस किस को करना है? कंपनी को करना है, फर्म को करना है, हर उस अदर व्यक्ति को करना है, हर उस अदर व्यक्ति को करना है जिसकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर होगी, जिसकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर होगी। मैं आऊंगा इस पॉइंट पे भी, मैं वापस आऊंगा इस पॉइंट पे, ध्यान से सुनना, मैं इस पॉइंट पे वापस आऊंगा, एक पार्ट वहां पे मैंने छोड़ दिया है, वहां पे वापस आऊंगा। फोर्थ प्रोविजो टू सेक्शन 139(1), ये कब ऐड किया गया था मैं आपको बताता हूं। 2014 मोदी सरकार आने वाली थी, जब मोदी सरकार आ रही थी तो वन ऑफ देयर एजेंडा इंक्लूडिंग बाबा रामदेव एट दैट टाइम ही वाज काले धन को वापस लाया जाए। अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद हो तो काले धन को वापस लाया जाए, काले धन को वापस लाया जाए, ऐसी कुछ बातें चल रही थी। बराबर है कि काला धन स्विस बैंक के अंदर में पड़ा है, उनको वापस लेकर के आना है और हम लेकर के आएंगे, ऐसा कुछ पॉलिटिकल एजेंडास के अंदर में था। अब प्रॉब्लम क्या थी उस टाइम के अंदर में कि पहला किस किस के असेट फाइनेंशियल अकाउंट्स, समझ रहे हो आप, ये आउट ऑफ इंडिया है, पहले ये तो पता चले। उन्होंने कहा फिर जिस जिसका भी असेट बाहर मिला, पैसा बाहर मिला, हम उसके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे। कुछ बुद्धिजीवियों ने सवाल पूछा कि सर पेनल्टी कैसे लगाएंगे, आपने कहां अब तक ऑब्लिगेशन लगाया कि आपका असेट या फाइनेंशियल अथॉरिटी, साइनिंग अथॉरिटी, बैंक अकाउंट बाहर है तो आपको डिक्लेयर करना है, ऐसा तो कहीं आपने बोला ही नहीं था, तो आज आप उस पर पेनल्टी लगाने की बातें कैसे कर रहे हैं। भैया आप पेनल्टी तब लगाओगे ना जब रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट हो। आप जरा अपना लॉ देखिए, अपने लॉ को पढ़िए और पढ़ के मुझे बताइए। चलिए मैं बोलता हूं मेरा पैसा है बाहर, मेरा पैसा है बाहर, हाँ 25,000 करोड़ रुपए स्विस बैंक अकाउंट में पड़ा है, बराबर। आप क्या लगाओगे, मेरे पे पेनल्टी लगाओगे? ओ नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? तुमने बाहर पैसा रखा है, तुमने बाहर अकाउंट रखे हैं और मैं तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगाऊंगा। ओ नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? अरे साहब आपने लिखा कहां है, अपने लॉ पढ़िए। आपने कब लिखा है हमें डिक्लेयर करना है? आपने कहीं नहीं बोला था हमें डिक्लेयर करना है। आपने ये बोला था कि इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर जा रही है तो डिक्लेयर करना। मेरी नहीं जा रही थी उस टाइम पे, मेरी इनकम नहीं जा रही थी, मैंने आपको मेरी इनकम नहीं जा रही थी, इनकम तुम्हारी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर नहीं थी पर असेट बाहर है, ऐसा कैसे? हाँ बराबर ना, इंडिया से मेरी इनकम नहीं जाती, फॉरेन में भी मेरे बिजनेस है ना, वहां की इनकम थी पर तुमने ऐसा कभी बोला नहीं था इसको डिक्लेयर करना है। पहले रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट लाइए, उसके बाद लॉ में पेनल्टी प्रोविजंस लगाइए। जब लॉ पढ़ा गया तो उसके अंदर में कहीं पे भी ऐसा कोई प्रोविजन था ही नहीं कि भैया कोई असेट बाहर है तो उसको डिक्लेयर करो, आप रिटर्न भरो, उसकी डिटेल आप प्रोवाइड करो, ऐसी कहीं कोई रिक्वायरमेंट थी ही नहीं। प्रोविजो इंसर्ट किया गया, फोर्थ प्रोविजो, कहा इफ यू आर अ बेनिफिशियल ओनर और बेनिफिशियरी, बेनिफिशियल ओनर और बेनिफिशियरी, आप या तो बेनिफिशियल ओनर है वहां असेट होल्ड करते हैं या बेनिफिशियरी है। बेनिफिशियरी क्या होता है? लेट्स से आपका बाहर डीमैट अकाउंट है राइट, और वहां से आप ट्रेड करते हैं तो आप वहां पे बेनिफिशियरी बन जाते हैं, वो एक केस होता है राइट। तो आप बेनिफिशियल ओनर है या बेनिफिशियरी हैं, बेनिफिशियरी हैं, बेनिफिशियरी हैं तो आपको क्या करना है, रिटर्न ऑफ इनकम भरना है। अगर आपका असेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल असेट आउटसाइड इंडिया हो, साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया हो, या फिर असेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल असेट साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया है तो आपको रिटर्न भरना है। एसएससी कहता है मेरी इनकम इंडिया में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर थी ही नहीं, लॉ ने इसको भी कह दिया अगर असेट है साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया, आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर जा रही हो नहीं जा रही हो चाची का ही गेंदेन नहीं, आपको रिटर्न भरना है। इफ यू हैव असेट और साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया आपको रिटर्न भरना है, गेम ओवर। सो इफ यू आर अ बेनिफिशियरी और बेनिफिशियल ओनर ऑफ एनी असेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल असेट और साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया देन यू मस्ट फाइल रिटर्न ऑफ इनकम इन इंडिया, गेम ओवर। चेक कीजिएगा। Provided also that a person being a resident other than not ordinarily resident in India within the meaning of section 6, within the meaning of section 6 मतलब क्या, a person who is ROR, a person who is ROR, यहाँ पे उनने लिखा है other than not ordinarily resident, मतलब a person who is ROR as per section 6 who is not required to furnish under this subsection and who at any time holds as a beneficial owner or otherwise any asset including financial asset in any entity, shares, securities, या let's say मेरा घर होगा वहां पे, asset located outside India or has signing authority in any account located outside India, signing authority in any account located outside India। अब यहाँ पे वो इनकम की बात नहीं कर रहे आपकी, वो सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि अगर आपका क्या है asset है या signing authority है outside India including financial asset, दूसरा और is a beneficiary, आप उसके owner नहीं है पर आप उसके beneficiary भी हैं, राइट, किसी थर्ड पार्टी के नाम से आप होल्ड करते हैं और आप लेट्स से यू आर द बेनिफिशियरी, लेट्स से अ पर्सन HUF इन इंडिया हैज अ बेनिफिशियरी अकाउंट थ्रू करता तो भी कवर हो जाएगा। बेनिफिशियरी ऑफ एनी असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया और शैल फर्निश ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट a return in respect of his income or loss for the previous year in such form, verified in such manner, and setting forth such other particulars as may be prescribed. यानी सीधा सीधा बात क्या हो गई साहब, अब किस किस को रिटर्न भरना जरूरी हो गया? पहला, कंपनी को रिटर्न भरना जरूरी है। दूसरा किसको रिटर्न भरना है? फर्म को रिटर्न भरना है। तीसरा, एवरी पर्सन बिफोर डिडक्शन और एग्जम्पशन। ये मैं आपको जानबूझ करके रोक के रखा हूं, जरा रुकिए, एक प्रोविजन हमें पढ़ने बाकी है, राइट। बिफोर डिडक्शन और एग्जम्पशन, इनकम एक्सीड द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, तो आपको रिटर्न भरना है। चौथा, अ पर्सन हैविंग द असेट्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल असेट और साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया तो आपको रिटर्न भरना है। अब इस केस में यहां पे एरो करके लिख दीजिए, इवन इफ इनकम नॉट एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, ये प्रोविजन का तो कंप्लायंस आपको करना ही है। इवन इफ द इनकम, ये बाजू आपको बॉक्स बना हुआ है, यहां लिख सकते हो आप, इवन इफ द इनकम डज नॉट एक्सीड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, ये तो आपको यहां पे लिखना ही होगा। बराबर, हाँ। तो किस किस को रिटर्न भरना है? कंपनी को भरना है, फर्म को भरना है, हर उस व्यक्ति को भरना है जिसकी इनकम बिफोर डिडक्शन एंड एग्जम्पशन एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, अ पर्सन हैविंग असेट और साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया, राइट, ईदर एज अ बेनिफिशियल ओनर और एज अ बेनिफिशियरी, आपको क्या करना है? भरना है। समझिए, फिफ्थ प्रोविजो इंसर्ट कर दी गई। फिफ्थ प्रोविजो क्या कहती है? अगर बेनिफिशियल ओनर बोल के आपकी इनकम के अंदर में ऑलरेडी एडिशन हो चुके हैं तो फिर बेनिफिशियरी बोल करके आपको वापस से एडिशन नहीं किया जाएगा। सो इफ यू हैव ऑलरेडी बीन टैक्स्ड एज अ बेनिफिशियल ओनर तो बेनिफिशियरी बोल के ऐड नहीं किया जाएगा, या वाइस वर्सा। प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन द फोर्थ प्रोविजो, ऊपर के अंदर जो भी दिया है, शैल अप्लाई टू एन इंडिविजुअल बीइंग अ बेनिफिशियरी ऑफ एन असेट including financial asset located outside India, where income, if any, arising from such asset is included in the income of person referred to in A of that proviso in accordance with the Act. तो मान लीजिए आप क्या हैं? बेनिफिशियरी हैं, राइट, लेकिन बेनिफिशियल ओनर के इनकम में वो ऑलरेडी इंक्लूड कर दी गई है, तो क्या दोबारा से आपको टैक्स देना होगा? आंसर इज नो। छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए कर्ता की इनकम के अंदर में ऑलरेडी असेसिंग ऑफिसर ने उसको कंसिडर कर लिया, तो क्या एचयूएफ को फिर से उसके ऊपर टैक्स देना होगा? नहीं। यही चीज फिफ्थ प्रोविजो के अंदर में क्लियर की गई कि अगर बेनिफिशियल ओनर के अंडर में हमने उस इनकम को असेस कर लिया तो फिर से बेनिफिशियरी के अकाउंट में हम उसको क्या नहीं करेंगे? असेस नहीं करेंगे। यही चीज आप यहां पर लिख सकते हो फिफ्थ प्रोविजन में, इफ इनकम इज असेस्ड in the hands of beneficial owner, then it will again not be included in the hands of beneficiary. If the income is assessed in the hands of beneficial owner, then it will again not be included in the hands of beneficiary. Is that done? चलिए, let us start अगेन यहां तक कि हमने क्या पढ़ा, यहां तक के 139 को फिर से एनालाइज करते हैं। इफ अ कंपनी और अ फर्म और अदर पर्सन हैविंग इनकम बिफोर एग्जम्पशन एंड डिडक्शन, मैंने ना बिफोर एग्जम्पशन वर्ड बोला ना बिफोर एग्जम्पशन वर्ड को अभी तक एनालाइज किया, हम आके इसे फिर से एनालाइज करेंगे। इफ बिफोर एग्जम्पशन और डिडक्शन इनकम एक्सीड द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट देन दे नीड्स टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। फर्दर एज पर 4th and 5th प्रोविजो कंबाइंड रीडिंग अगर हम लोग कर लें तो उसके अंदर में आता है इफ अ पर्सन इज अ बेनिफिशियल ओनर और बेनिफिशियरी हैविंग द एसेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल एसेट और साइनिंग अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया देन इनकम कुछ भी हो आपको इंडिया के अंदर में रिटर्न भरना है, प्रोवाइडेड द एसेट शुड बी ROR। और याद होगा आपको ओनली इंडिविजुअल एंड HUF कुड बी ROR, याद रखिएगा। चलिए 4th proviso, for the purpose of this section beneficial owner in respect of the asset means individual who provided directly or indirectly consideration for the asset immediately or for future benefit, direct or indirect of himself और any other person। जैसे कि हम बात कर रहे थे beneficial owner कौन हो सकता है, let's say HUF हो सकता है, बेनिफिशियरी करता हो सकता है वाइस वर्सा के साथ, जैसा भी जिसमें भी इन्वेस्टमेंट हुआ होगा। फॉर दिस पर्पस दिस सेक्शन बेनिफिशियरी इन रिस्पेक्ट ऑफ एन असेट मींस इंडिविजुअल हु डिराइव्स द बेनिफिट फ्रॉम द असेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड अदर कंसिडरेशन फॉर असेट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन अदर देन सच बेनिफिशियरी। सो लेट्स से HUF और कर्ता और को पार्टनर। आइए 6th प्रोविजो सेक्शन 139(1) इन फाइनेंस एक्ट 2019 देयर वाज अ मेजर अमेंडमेंट, वो अमेंडमेंट भी यहां पे कवर की है, जरा ध्यान से सुनिएगा और बात को अंडरस्टैंड करना। इंडिविजुअल एंड HUF, बराबर है, इंडिविजुअल HUF AOP BOI AJP, क्या इन्हें रिटर्न भरना है क्या? हाँ इन्हें रिटर्न भरना है, ध्यान से सुनिएगा, हाँ इन्हें रिटर्न भरना है। अगर इनकी इनकम बिफोर ये जो वर्ड था जो मैंने एनालाइज नहीं किया था अब मैं एनालाइज कर रहा हूं क्योंकि इंडिविजुअल और HUF के लिए उन्होंने स्पेसिफिकली अदर प्रोविजन दे दी। सो इंडिविजुअल HUF AOP BOI इफ बिफोर एग्जम्पशन और डिडक्शन, एग्जम्पशन और डिडक्शन, मैं ये एग्जम्पशन और डिडक्शन के ऊपर इतना फोर्स क्यों कर रहा हूं उसके पीछे एक रीजन है। टिल 2019 ये जो वर्ड थे यहां पे सिर्फ लिखा हुआ था बिफोर डिडक्शन अंडर Chapter 6A। Chapter 6A के डिडक्शन से पहले अगर इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर होगी तो इन्हें रिटर्न भरना है। यानी अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं सो लेट्स से द PGBP इनकम वाज लेट्स से 4 लाख रुपीज एंड 80C का डिडक्शन वाज 80C का डिडक्शन वाज 2 लाख रुपीज, योर बैलेंस टोटल इनकम वाज 2 लाख रुपीज। वेदर ही नीडेड टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम टिल 2019 आंसर वाज यस। व्हाई? इनकम बिफोर डिडक्शन अंडर Chapter 6A एक्सीड मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स। मतलब अगर इनकम 80C Chapter 6A के डिडक्शन लेने से पहले अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है तो आपको क्या करने की जरूरत है, रिटर्न भरने की जरूरत थी। अब यहां पे क्या होता था जरा समझिए, 2019 में एक अमेंडमेंट आया। अमेंडमेंट क्या था? ये तो Chapter 6A की बात हुई, ठीक है। क्या ये चेंज किया गया? नहीं, उल्टा उन्होंने एक और वर्ड ऐड कर दिया, and exemption under section 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, 54GB, ये वर्ड ऐड कर दिए गए। And exemption under 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G और GB। कहां से रिलेटेड थे exemption? Might be possible, आपको याद नहीं होगा, मैं याद दिला देता हूं। हमने पढ़ा है कहां, जब हम एग्जम्पशन वर्ड को तोड़ रहे थे तब हमने पढ़ा था। एग्जम्पशन दो सेक्शंस के अंदर होते हैं, एक Section 10 जो इनकम बेस्ड एग्जम्पशन है, दूसरा 54 इन्वेस्टमेंट बेस्ड एग्जम्पशन है जो चैप्टर कैपिटल गेन के अंदर में मिलते हैं। अब होता क्या था जिसके कारण ये अमेंडमेंट आया? होता यह था सर कि लेट्स से असेसी ने कोई असेट बेचा, बराबर है, उसको कंसिडरेशन रिसीव्ड हुआ 55 लाख रुपीस का। वो क्या करता था, एक दूसरी प्रॉपर्टी ले लेता था अंडर सेक्शन 54 और पूरा 55 लाख रुपीस का क्या होता था, ये निल अपनी इनकम दिखा देता था। सपोजिंग उसकी कोई अदर इनकम नहीं है, तो 55 लाख रुपीस का कैपिटल गेन हुआ, पूरा 55 लाख रुपीस का क्या हो जाता था, उसको एग्जम्पशन दिख जाता था। अब ऐसे केसेस में उसको रिटर्न भरने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन अब यहां पे क्या क्या प्रॉब्लम आती थी, उस प्रॉब्लम को समझिए तो आपको यूं ही समझ जाएगा अमेंडमेंट क्या हुई। मैं आपको बता दूं, एक सेक्शन है सेक्शन 194 IA जो कहता है अगर प्रॉपर्टी का कंसिडरेशन 50 लाख रुपीस से ऊपर होगा देन असेसी इज रिक्वायर्ड, द बायर इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट द टीडीएस। तो 55 लाख रुपीस का अगर कंसिडरेशन था तो बायर ने 1% का टीडीएस डिडक्ट किया होगा और उसने क्या किया होगा, टीडीएस का रिटर्न सबमिट कर दिया होगा। यानी गवर्नमेंट को असेसी के पैन के अगेंस्ट में टीडीएस का स्ट्राइक दिख रहा है दैट ही हैज रिसीव्ड द इनकम। अब असेसी क्या करता था, ये इनकम को रिसीव कर लेता था, इनकम को रिसीव करने के बाद वो दूसरी प्रॉपर्टी ले लेता था और पूरा का पूरा एग्जम्पशन क्लेम कर लेता था। रिटर्न क्या करता था, वो फाइल नहीं करता था बहुत सी केसेस में, और टीडीएस तो उसका वैसे भी कट चुका है, या फिर वो क्या कर लेता था, रिटर्न भरता था और टीडीएस का रिफंड क्लेम कर लेता था। अब ऐसे केसेस में क्या होता था, डिपार्टमेंट के पास एक पूरी डिटेल नहीं पहुंचती थी, असेसी की कोई अदर इनकम है क्या इस बारे में पता नहीं चल सकता था। और बहुत सारे केसेस में तो ये भी, लेट्स से अगर 45 लाख का कंसिडरेशन होता तो असेसी के केस में टीडीएस भी नहीं कटता और गवर्नमेंट को स्ट्राइक तो होता, क्योंकि रजिस्ट्री कराई होगी तो पैन कार्ड वहां पे भी दिया होगा, तो यू नो उनके रिकॉर्ड्स में दिखता कि इस असेसी ने 45 लाख रुपीस का ट्रांजैक्शन किया है, लेकिन इसके कोई रिटर्न ही नहीं आया। गवर्नमेंट क्या करती थी, फिर असेसमेंट करती थी, असेसमेंट करने के ऊपर पता चलता था कि 45 लाख रुपीस इसने रिसीव किए, जिसके अगेंस्ट में नई प्रॉपर्टी इसने ले ली, कैपिटल गेन कुछ नहीं आ रहा, इसने रिटर्न नहीं भरा, जो उसके हिसाब से बिल्कुल लॉजिकल था। पर गवर्नमेंट का इसमें क्या हुआ, बहुत सारा टाइम वेस्ट हुआ। प्लस किस असेसी ने 45 लाख रुपीस का अगर किसी ने प्रॉपर्टी लिया है तो जाहिर सी बात है उसकी इनकम होगी, उसके अगेंस्ट में ही तो लिया है, पर इसने रिटर्न ही नहीं भरे और 45 लाख रुपीस का चलो मान लो लोन लेके किया या जो जिस भी तरीके से करके किया होगा, गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कानून बना दिया, कहा कि अगर आपका एग्जम्पशन है, भले ही आपका इनकम निल आ रहा होगा उस केस में, हो सकता है इस केस में आपको रिटर्न जो फाइल करना पड़े निल रिटर्न करना पड़े, पर उनने कह दिया कि आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न भरना पड़ेगा। इसीलिए जो वर्ड ऐड किया इन्होंने, अब ऐसा किया, इफ द इनकम बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन और एग्जम्पशन, डिडक्शन एंड एग्जम्पशन, नॉट और एंड है वहां पे, डिडक्शन एंड एग्जम्पशन अंडर 54 की पूरी सीरीज यहां पे लिख दी, ध्यान से सुनिए, 54 की पूरी सीरीज लिख दी, 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G, 54GB। लेकिन जब आप मेरे साथ पढ़ेंगे यहां पे एक सेक्शन एक्सक्लूडेड है 54EE, ऐसा भी एक एग्जम्पशन है, हम आगे जाएंगे तब डिस्कस करेंगे, ऐसा भी एक सेक्शन है, पर उन्होंने बैरक लिखते वक्त 54 EE को एक्सक्लूड किया। कैपिटल गेन में हम इस पर डिस्कस करेंगे क्यों एक्सक्लूड किया, क्योंकि खुद EE ही नया सेक्शन था और उसके अंदर में कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स नहीं आने वाला था, इसीलिए फॉर द टाइम बीइंग इसे क्या किया गया, एक्सक्लूड किया गया, और लिखते वक्त बैरक के अंदर में इतनी ही चीजें क्या की गई, लिखी गई। समझ में आ रही बात? सो चेक कीजिएगा प्रोविजन क्या है, और मैं आपको यहां पर लिखाऊंगा अभी, provided also that every person being individual, HUF, AOP, BOI, whether incorporated or not, or an artificial judicial person, if his total income or total income of any other person in which he is assessable during the previous year without giving effect to the provision of chapter 6A, बराबर है, यहीं पे ही आप क्या कीजिए, 6A के साथ साथ and exemption, 6A and exemption under section 54B, D, EC, F, G, GB, but excluding 54E. हालांकि बैरक में ये वर्ड नहीं है excluding 54EE, बट वहां पे आप दिखेंगे ही नहीं, ये अपने नॉलेज के लिए लिख के रखें। Done, sir? And exemption exceed the maximum amount which is not chargeable to tax shall on or before the due date shall furnish his return of income or such other person in the prescribed form, verified in the prescribed manner and setting forth the prescribed particulars as may be prescribed. तो सर आप ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए वहां पे क्या लिखा है। अब यहां तक के किस किस को रिटर्न भरना है, यहां तक के अगर मैं पूरा 139 देखूं तो कंपनी को भरना है, फर्म को भरना है, हर उस व्यक्ति को भरना है जिसकी टोटल इनकम बिफोर एग्जम्पशन एंड डिडक्शन, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा था, बिफोर डिडक्शन एंड एग्जम्पशन in the respective section exceed basic exemption limit. Fourth, he is having the asset including financial asset or signing authority outside India. इसे क्या करना है, return of income भरना है। यहां तक का पार्ट हम लोगों ने कर लिया। एक और पॉइंट हमने बीच में पढ़ा था कि अगर बेनिफिशियरी ओनर बोल करके इंक्लूड कर दिया तो बेनिफिशियरी के हाथ में फिर वो वापस इंक्लूड नहीं होगा। यहां तक हम सिक्स्थ प्रोविजो टू सेक्शन 139(1) के ऊपर पहुंचे। अब आते हैं सेवेंथ प्रोविजो। हाँ ठीक है साहब, मैं मतलब ऑलमोस्ट इन डेप्थ एनालिसिस का पार्ट देखिए कि ऑलमोस्ट करीब करीब 45 मिनट्स तो भी नहीं बोल तो भी सिर्फ एक सेक्शन के हर एक वर्ड को एनालाइज करते हुए बिता रहे हैं। और इसी के लिए हम लोग कहते हैं पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो, कि एक एक प्रोविजन को डिटेल में जाकर के क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन करना है। उसका लॉजिक यही है कि आपको बहुत अच्छे से देखिए, बेसिक रेगुलर लेक्चर का यही मजा है। अब देखिए मैं इतनी स्टोरी या सारी चीजें भी आपको इसलिए बता दूं ताकि आप आज जो आप प्रोविजन पढ़ रहे हैं उसके पहले क्या था और क्यों था आपको ये समझ में आ जाए, ताकि आप भी मतलब जब अपने फ्रेंड को क्लास रिकमेंड करते रहें तो आपको खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस हो, भाई तू ये पढ़, तेरे को एग्जाम ओरिएंटेड भी मिलेगा और तेरे को प्रैक्टिकल ओरिएंटेड भी मिलेगा। वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर में डेवलप होना चाहिए और वो मैं चाहता हूं, बिकॉज आई डोंट वांट यू टू जस्ट बी अ स्टूडेंट, आई वांट यू टू बी अ प्रोफेशनल, बिकॉज व्हेन एनीबडी सी अ प्रोफेशनल ही सीज दैट ही हैज इमेंस नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ये सुनो, ताकि आप कल चल के अपने किसी भी ऑफिस वाले बंदे से, अपने बॉस से ही क्यों ना, और बॉस से ज्यादा बॉस के पार्टनर से जो झगड़ने में मजा आता है ना साहब, वो कभी नहीं आता। और नॉलेज के बेसिस पे झगड़िए सर, मजा आ जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं सर, सेवेंथ प्रोविजन अमेंडमेंट सुनिए, पिछले साल का ही था, फाइनेंस एक्ट 2019 का ही अमेंडमेंट था। पॉइंट समझिए, अब तक के क्या था, 2019 तक के कुछ ही लोगों को क्या करना था, रिटर्न भरना था। कौन कौन से वो लोग हो गए, वापस से रिपीट करते जाइए मेरे साथ, आवाज निकालिए जहां पे भी आप बैठे रूम में। पहला कंपनी को भरना था, दूसरा फर्म को भरना था, तीसरा एवरी पर्सन बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन एंड एग्जम्पशन एक्सीड द इनकम अमाउंट exceed the income exceeding the basic exemption limit. चौथा किसको था, if the asset holding beneficiary or beneficial owner having asset or financial asset or signing authority outside India. यहां तक के रिटर्न भरना था। अब क्या हुआ जरा समझिए, 2019 जब बजट पढ़ा गया, निर्मला दीदी दैट इज निर्मला सीतारमन जी ने क्या किया, रिटर्न पेश, उन्होंने वाइडनिंग ऑफ टैक्स बेस का वर्ड यूज किया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं रिटर्न भरा जाए। ऐसा उन्होंने क्यों किया, बिकॉज ऑफ 2017 अरुण जेटली सर स्पीच। सर अरुण जेटली सर स्पीच, यस, 2017 में अरुण जेटली साहब ने हंसते हुए एक व्यंग कहा कि सिर्फ कुछ ही परसेंटेज ऑफ लोग इंडिया में क्या कर रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, जबकि इतने नंबर ऑफ पीपल आउट ऑफ इंडिया घूम के आए, लोगों के एवरेज इलेक्ट्रिसिटी बिल इतने हैं, लोगों ने इतना इतना कार लिया है और फिर भी लोग रिटर्न नहीं भर रहे हैं, शायद लोगों की इनकम नहीं होगी। और हंसते हंसते सिर्फ एक छोटा सा टॉन्ट मारा, इस टॉन्ट को थॉट दिया गया। तब तक शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा क्या होने वाला है। निर्मला सीतारमन जी ने 2019 में और लोगों को टैक्स बेस के अंदर में डाल दिया विद द कंसेप्ट ऑफ वाइडनिंग ऑफ टैक्स बेस, विद द कंसेप्ट ऑफ वाइडनिंग ऑफ टैक्स बेस, जिसका मतलब ये हो गया कि अब टैक्स बेस को हम और बढ़ा रहे हैं, कुछ लोगों को और रिक्वायर कर देंगे रिटर्न भरने के लिए, रिटर्न भरने के लिए मैंडेट कर देंगे, जिससे होगा क्या, जब नंबर ऑफ पीपल ज्यादा रिटर्न भरेंगे तो हो सकता है कि कुछ लोग अपनी एक्चुअल इनकम डिक्लेयर कर दें, या वो लोग जो अब तक असेसमेंट में नहीं आए वो असेसमेंट में आना शुरू हो गए, जिसके तहत सेवेंथ प्रोविजो के अंदर में चेंज किया गया 139(1) के अंदर में, और 4 नए क्राइटेरिया डाले गए रिटर्न भरने के लिए। जैसे कि अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्स लिमिट के ऊपर जाता है तो, अगर आपका या किसी और व्यक्ति का जिसको आप स्पॉन्सर कर रहे हैं उसका फॉरेन ट्रैवल का कॉस्ट एक्स लिमिट के ऊपर जाता है तो, आपके बैंक अकाउंट से विड्रॉल या डिपॉजिट एक एक्स लिमिट के ऊपर जाते हैं तो, ऐसी सारी बातें यहां पे इंक्लूड की गई। आइए सेवेंथ प्रोविजो को मेरे साथ पढ़िए। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट A person referred to in clause B who is not required to furnish return of income under this subsection and who during the previous year. वर्ड निगेटिव फ्रेमिंग से चालू हो रहा है. नीचे आके आप देखेंगे shall file the return of income. ठीक है, तो जनरली एक एक्सेप्शन था कि भैया कुछ लोगों को गवर्नमेंट हो सकता है रिटर्न फाइलिंग से क्या कर दे, एक्सक्लूड कर दे रिटर्न फाइलिंग से, लेकिन उनमें ये नहीं आएंगे, ऐसा बोलना है इसका. वर्ड हैज डिपॉजिटेड एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट exceeding 1 crore in one or more current accounts maintained with the banking company, cooperative bank. Word पढ़िएगा साहब. Has deposited in an amount or aggregate of the amount exceeding 1 crore rupees in one or more current account. अब मेंटेन्ड विथ अ बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक, इसको एनालाइज करना, डीप एनालिसिस करना बहुत जरूरी है. सेक्शन कहता है अगर एसएससी का करंट अकाउंट है, राइट, इस करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का डिपॉजिट हुआ है. डिपॉजिट वर्ड लिख रहे हैं ये, डिपॉजिट डिपॉजिटेड एन अमाउंट एग्रीगेट अमाउंट एक्सीडिंग 1 crore rupees इन वन और मोर करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं वो. एग्रीगेट इन अ बैंकिंग कंपनी और अ कोऑपरेटिव बैंक. इस वर्ड को फिर से पढ़िए, फिर एनालिसिस देता हूं, अपने साथ साथ फिर पढ़िए. हैज डिपॉजिटेड एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 1 crore rupees इन वन और मोर करंट अकाउंट मेंटेन्ड विद अ बैंकिंग कंपनी और अ कोऑपरेटिव बैंक. मैं ये अ के ऊपर इतना फोकस क्यों कर रहा हूं, शायद अब आपको समझ जाए. पहला, अगर मान लीजिए मैं डिपॉजिट करता हूं, अब क्या है देखिए, लॉ जब भी बनता है ना कुछ लूप होल्स रह जाते हैं. डिपॉजिट मतलब किस फॉर्म में, इनने वो नहीं बताया. डिपॉजिट मतलब ये कैश डिपॉजिट होना चाहिए, डिपॉजिट चेक के थ्रू भी होता है, क्या वो इसमें कवर करेंगे? इस पे क्लैरिटी की जरूरत थी, मैं आपको सच में बता रहा हूं. इस पे क्योंकि हमारे ही क्लाइंट्स इस प्रोविजन को माइंड भी सफर कर रहे हैं. हाँ, मैं आपको बताता हूं कैसे. आपने डिपॉजिट बोला, ये नहीं बोला कैश डिपॉजिट. बैरैक्ट लिखा है, आप चाहे तो साथ में ऐप के ऊपर देख सकते हैं, बैरैक्ट वर्ड लिखा है यहाँ पे. डिपॉजिट, डिपॉजिट कितने तरीके से होते हैं मैं आपको समझाता हूं. पहला, एक कैश आपने डिपॉजिट किया, बैंक डिपॉजिट किया, क्या ये दोनों मिला के 1 करोड़ रुपए के ऊपर होना चाहिए? इस बात पे क्लैरिटी की जरूरत है. तीसरा, मान लीजिए मैंने क्लाइंट को डायरेक्टली बोला कि भैया आप क्या करो, आरटीजीएस एनईएफटी मेरे इस अकाउंट के अंदर में कर दो, ये भी तो डिपॉजिट हुआ ना, क्योंकि डिपॉजिट जब भी होगा बैंक की तो एंट्री बिल्कुल उसी तरीके से पास होगी. यस और नो, बैंक तो अपनी बिल्कुल अपने अकाउंट के अंदर में करंट अकाउंट है तो अकॉर्डिंगली उसके एडजस्टमेंट कर देगा. तो यहाँ पे डिपॉजिट मतलब क्या, जब तक कुछ नहीं आता हमें ये अज्यूम कर लेना है कि किसी भी तरह का डिपॉजिट, चाहे वो कैश डिपॉजिट हो, चेक के थ्रू डिपॉजिट हो, आरटीजीएस एनईएफटी के थ्रू डिपॉजिट हो, आईएमपीएस के थ्रू डिपॉजिट हो, किसी भी तरीके से अगर डिपॉजिट हो रहा है इन एग्रीगेट साल भर के अंदर में एक या एक से ज्यादा करंट अकाउंट के अंदर में किसी भी एक बैंक या एक कोऑपरेटिव के अंदर में, तो उस व्यक्ति को रिटर्न भरना है. समझते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड इस पर्टिकुलर प्रोविजन को हम लोग समझते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1, मेरा एक्सिस बैंक के अंदर में अकाउंट है, अकाउंट नंबर 1, अकाउंट नंबर 2. यहां 60 लाख रुपीज डिपॉजिट हुए, यहां 52 लाख रुपीज हुए, एक्सिस के साथ ही है, ठीक है. यहां 60 लाख रुपीस डिपॉजिट हुए, यहां 52 लाख रुपीस डिपॉजिट हुए, क्या मुझे रिटर्न ऑफ इनकम भरना है? आंसर इज यस. उन्होंने कहा एक या एक से ज्यादा करंट अकाउंट, हम करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं, ठीक है. दूसरा अंडरस्टैंडिंग, मान लीजिए मेरा एक्सिस के साथ 60 लाख का डिपॉजिट हुआ, आईसीआईसीआई के साथ मेरा 52 लाख रुपीस का डिपॉजिट हुआ, अब मुझे बताइए आरओआई भरना है क्या? आंसर इज नो. सर क्यों, 1 करोड़ रुपए से तो ऊपर जा रहे हैं, वी आर एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज, देन व्हाई वी डोंट फाइल, वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम. माय फ्रेंड, मेरे बच्चे अ बैंकिंग कंपनी, अ कोऑपरेटिव बैंक, एक बैंक के अकाउंट में, मल्टीपल बैंक नहीं. यानी आज भी यहाँ पे लूपहोल है. आप शायद, मेरा बच्चा, अपन ने आज तक ऐसा नहीं किया, पर अब हम क्लाइंट को क्या सजेशन देंगे कि आपका अगर मान लो आपको रिटर्न नहीं भरना है और 1 करोड़ के ऊपर करंट अकाउंट में डिपॉजिट भी करना है, तो फिर मल्टीपल बैंक अकाउंट में रखो और एक बैंक का लिमिट आपका कितने से ऊपर नहीं होना चाहिए, 1 करोड़ रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए. ये सीधा टैक्स प्लानिंग एडवाइस जाता है आप क्लाइंट को. यानी लॉ मेकर ने लॉ लिखते वक्त कुछ लूपहोल्स छोड़ दिए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में इन लूपहोल्स को भी भर दिया जाएगा। पर ये एक लूपहोल है क्योंकि वहां पे लिखते वक्त उन्होंने लिखा अ बैंकिंग कंपनी अ कोऑपरेटिव बैंक सो हैज डिपॉजिटेड। अब ये डिपॉजिटेड वर्ड को आप चाहें तो एरो करके लिख सकते हैं, कैश के थ्रू डिपॉजिट, बैंक के थ्रू डिपॉजिट, चेक के थ्रू डिपॉजिट। डिपॉजिट मतलब एनी डिपॉजिट। इन एग्रीगेट एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज, यानी डॉट 1 करोड़ के ऊपर ये प्रोविजन नहीं है। एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज इन वन और मोर करंट अकाउंट। एक ही बैंक के एक से ज्यादा अकाउंट का प्रोविजन कवर्ड है, पर अलग अलग बैंक का मिला के अभी तक कवर नहीं किया गया है। मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा लूपहोल है, क्योंकि मैं आपको बताता हूं कोई भी व्यक्ति, अगर आप अपने क्लाइंट को भी देखोगे तो वो करंट अकाउंट किसी भी एक कंपनी में ओपन नहीं करता, वो मल्टीपल जगहों पे रखता है। सो ये प्रोविजन है। सो पहला किसको रिटर्न भरना है? सर अब जो उसने भी 1 करोड़ रुपए से ऊपर का ज्यादा का डिपॉजिट किया, याद रखें प्रोविजन डिपॉजिट के ऊपर है, विड्रॉल के ऊपर नहीं है। यहां पे समझ में आ रही है बात। सेकेंड, इसकी हिस्ट्री बहुत जबरदस्त है, जरा ध्यान से सुनिए। इस पर्टिकुलर प्रोविजन की हिस्ट्री में आपको बहुत मजा आएगा। ये प्रोविजन कुछ सालों पहले भी इनकम टैक्स में थी कि अगर आपका फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंडिचर एक लिमिट के ऊपर जा रहा है तो आपको रिटर्न भरना है। पर इसके पहले का लूपहोल क्या था, और अब जब ये प्रोविजन को वापस से रीइंसर्ट किया गया तो इसका लूपहोल सुधार करके किया गया। उस टाइम पे लिखा था एक्सपेंडिचर ऑफ फॉरेन ट्रैवल। इसका भी लोगों ने क्या निकाला, गलत इंटरप्रिटेशन निकाला। लोग क्या करते थे, सरकार का इस पे, क्योंकि ऑलरेडी पुराने टाइम पे बहुत सारे इश्यूज हो चुके हैं और कैसे अब ये लूपहोल को सुधारा गया वो भी बताता हूं आपको। पुराने टाइम पे क्या हुआ कि यहां पे लिखा था एक्सपेंडिचर ऑफ फॉरेन ट्रैवल, एक लिमिट के ऊपर जाए तो रिटर्न भरना था। लेट्स से 2 लाख कोई वो लिमिट समझ लेते हैं उस टाइम की भी। अब लोगों ने इंटरप्रिटेशन क्या निकाला, जो बहुत सही लॉजिकल इंटरप्रिटेशन था। उन्होंने क्या किया, जब फॉरेन के अंदर आप जाते हैं तो आप सोचिए क्या क्या कॉस्ट इनकर करते हैं। आपका ट्रैवलिंग होता है, वहां पे स्टे होता है, फूड होता है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर होता है। तो यहां पे जब लॉ लिखा गया था तो वहां पे क्या लिखा था, एक्सपेंडिचर ऑफ फॉरेन ट्रैवल। अगर किसी इंग्लिश के बच्चे को भी पूछना है तो वो बोलेगा कि ट्रैवलिंग पे खर्चा 2 लाख से ऊपर होगा तो रिटर्न भरना है, जबकि सरकार का इंटेंशन क्या था कि आपका ओवरऑल एक्सपेंडिचर 2 लाख रुपए के ऊपर होता है तो आपको क्या करना है, रिटर्न भरना है। पर लोगों ने इसका जबरदस्त भी नहीं निकाला और अपने फायदे के लिए इसे यूज कर लिया। सरकार को समझ में आ गया कि उनकी इंटरप्रिटेशनल गलती हुई है। इस बार जब प्रोविजन को इंसर्ट किया गया वो ऑफ वर्ड हटा के फॉरवर्ड इंसर्ट कर दिया गया। एक्सपेंडिचर फॉर फॉरेन ट्रैवल पे लिए जो खर्चे हुए आपके वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड हो गया। अब इसके अंदर में जाना, रहना, खाना पीना, एंटरटेनमेंट सब मिला के 2 के ऊपर हुआ तो आपको रिटर्न भरना है। समझिए कितना बड़ा डिफरेंस आता है जब लॉ के इंटरप्रिटेशन की बात आती है। और अब आपको समझ में आएगा ये फॉर क्यों लिखा है, ऑफ क्यों नहीं लिखा। इनफैक्ट एक वर्ड भी होगा तो आपको एकदम डिटेल में जाके बताऊंगा, अब वर्ड पढ़िएगा। हैज इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट, एन अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट एक्सीडिंग 2 लाख रुपीज फॉर हिमसेल्फ और फॉर एनी अदर पर्सन। आए है वर्ड क्या जबरदस्त मारा है, फॉर हिमसेल्फ और फॉर एनी अदर पर्सन। फॉर हिमसेल्फ और फॉर एनी अदर पर्सन, फॉर हिमसेल्फ और फॉर एनी अदर पर्सन, उसके लिए या किसी और के लिए। मान लीजिए आप लोग ने क्या बोला कि आप और आपकी बाबू सोना टोना हम लोग क्या करेंगे, घूम के आएंगे। सर आप लोग ने सोचा कि चलो भैया घूम करके आते हैं, आप गए, आपने अपने ऊपर खर्चा किया या अदर पर्सन। 1 मिनट बात को सुनिएगा, मैंने बाबू सोना टोना इसलिए बोला क्योंकि वो अदर पर्सन जरूरी नहीं आपका रिलेटिव हो, जरूरी नहीं फॉरेन ट्रैवल रिलेटिव के साथ हो। लेट्स से आपने अपने क्लाइंट को, लेट्स से आपने क्या किया, आप किसी होलसेलर है और आपने बोला कि भैया रिटेलर को कि तू इतना प्रोडक्ट बेच, मैं तेरे को क्या करता हूं, एक फॉरेन ट्रिप प्रोवाइड करूंगा यूरोप की। आप होलसेलर है, ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है। आपने क्या किया, लेट्स से हम लोग एटलस साइकिल बेचते हैं और एटलस साइकिल के लिए एक रिटेलर को बोला कि आपको 1000 एटलस साइकिल क्या करनी है, बेचनी है, और अगर आप ऐसा बेच देते हैं तो हम आपको प्लस आपकी पत्नी को क्या करेंगे, फॉरेन टूर पे भेजेंगे 15 दिन के लिए यूरोप। सामने वाला टारगेट अचीव कर देता है। आप अपने खुद के लिए खर्चा किया नहीं, दूसरे के लिए खर्चा किया। हाँ, अब वो दूसरा आपका रिलेटिव हो ऐसा नहीं लिखा है लॉ के अंदर में, अदर पर्सन लिखा है, बात याद रखनी पड़ेगी आपको। खुद के लिए या किसी और के लिए 2 लाख से ज्यादा का हुआ इन एग्रीगेट आपको रिटर्न भरना है। सर किसका रिटर्न भरेंगे, जो जा रहा है उसका? अरे नालायक, जो एक्सपेंडिचर कर रहा है उसका, जिसने खर्चा किया, हु हैज इनकर्ड द एक्सपेंडिचर, जिसको मिल रहा है उसके लिए वो पीजीबीपी बनेगा। सर पीजीबीपी, जिसने टारगेट अचीव किया उसके लिए पीजीबीपी? यस, उसके लिए पीजीबीपी। सर उसके लिए पीजीबीपी क्यों? उसने तो टारगेट अचीव किए, उसको तो गिफ्ट बोल के मिला। सेक्शन 28 पढ़ेंगे हम, पीजीबीपी में मॉड्यूल 2 सेक्शन 28 पढ़ेंगे। वहां पे 28 के अंदर में लिखा है, चाहे तो आप खुद भी डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, वहां पे लिखा हुआ है एनी बेनिफिट और परक्विजिट अराइजिंग आउट ऑफ बिजनेस। दिस इज अ परक्विजिट अराइजिंग आउट ऑफ बिजनेस। तो जो दे रहा है उसको रिटर्न भरना जरूरी है, क्योंकि 2 लाख के ऊपर का उसने एक्सपेंडिचर किया होगा साल भर में इन एग्रीगेट, एक पर्सन के लिए, खुद के लिए या किसी और के लिए इन एग्रीगेट, उसके लिए पीजीबीपी बन जाएगा जिसको ये बेनिफिट रिसीव हो रहा है। समझ में आई बात? 28 पढ़ेंगे, वहां पे हम लोग इस वर्ड को फिर इंटरप्रेट करेंगे। हैज इनकर्ड द एक्सपेंडिचर, जिसने खर्चा किया, एग्रीगेट अमाउंट एक्सीडिंग 2 लाख रुपीज फॉर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन फॉर ट्रैवल टू अ फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करने के लिए अगर 2 लाख के ऊपर का खर्चा किया होगा, 2 लाख रुपीज के ऊपर का खर्चा किया होगा, यस, आपको रिटर्न भरना है। has incurred an expenditure of an amount or aggregate amount exceeding 1 lakh rupees towards consumption of electricity। वाह वाह वाह, क्या बात बोली है। सरकार बोलती है जरा हम भी तो देखें 1 लाख रुपए का किसका इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, कि और whose electricity bill exceed rupees 1 lakh in aggregate in a financial year। तो जरूर कुछ तो कर ही रहा होगा, कोई एक्टिविटी तो कर ही रहा होगा। तो हर वो व्यक्ति, राइट, जिसने 1 लाख रुपए के ऊपर का इलेक्ट्रिक कंजम्पशन किया है उसको रिटर्न भरना है। आपका प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, टैक्स आ रहा है, नहीं आ रहा है, इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा है वो। सो मस्ट फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। तो कौन कौन हो गया इसके अंदर में? एक, डिपॉजिटेड इन करंट अकाउंट इन अ बैंक और कोऑपरेटिव बैंक 1 करोड़ से ऊपर, या फिर जिसने फॉरेन ट्रैवल के ऊपर खर्चा किया होगा इन एग्रीगेट 2 लाख रुपीज से ऊपर का, खुद के लिए या किसी और के लिए। वो दूसरा जिसके लिए खर्चा कर रहे हैं वो आपका रिलेटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। रिलेटिव हुआ तो फिर ये आपके लिए गिफ्ट का प्रोविजन अप्लाई करेगा, अकॉर्डिंगली वहां देखेंगे। तीसरा प्रोविजन कहता है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के ऊपर अगर 1 लाख रुपए के ऊपर लगता है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पे अगर 1 लाख रुपए के ऊपर लगता है तो आपको क्या करना है, रिटर्न भरना है। एंड फुलफिल सच अदर कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब। चौथा पार्ट सरकार ने अपने पास रख लिया, कह दिया फ्यूचर में हम जब भी कहेंगे कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होने पर रिटर्न भरना है, हम आपको और इसमें अंदर इंक्लूड कर देंगे। आप सोचिए अब रिटर्न फाइलिंग कितनों के लिए वाइड हो गई। ये जो पार्ट है ना, 7th प्रोविजो, ये आपको पूछ सकते हैं एज अ केस स्टडी। 2 मार्क का एमसीक्यू पूछ लेंगे। खुद का प्लस दोस्त का भी आप लोगों ने बेयर किया। लेट्स से दोस्त को आप लोगों ने क्या किया, बैचलर्स पार्टी थ्रो किया थाईलैंड के अंदर में, और इसका ओवरऑल खर्चा आपने बेयर किया। आप अमीर आदमी हैं, आपने खर्चा बेयर किया। टोटल एक्सपेंडिचर 2,02,000 रुपीज हुआ। बताइए रिटर्न भरना जरूरी है क्या? आपका आंसर आएगा यस सर, रिटर्न भरना जरूरी है। हो सकता है वो आपको पूछ ले कि उसके हाथ में ये टैक्सेबल होगा क्या, सिंस फ्रेंड इज नॉट अ रिलेटिव एंड वैल्यू ऑफ गिफ्ट एक्सीड ₹50,000, तो क्या ये कवर है या नहीं है, इसके बारे में भी आपसे डिटेल पूछा जा सकता है। 56 to 10 को आपको रेफर करके अकॉर्डिंगली आंसर देना होगा। फुलफिल सच अदर कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब। शेल फर्निश, ये देखिए, ये जो ऊपर की कंडीशन सेटिस्फाई कर लेता है, शेल फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम और बिफोर द ड्यू डेट इन सच फॉर्म वेरीफाइड इन द सच मैनर सेटिंग फॉर द प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब, ये आपको दिया हुआ है। और इसी के साथ हमारा 139 क्या होता है, ओवर होता है। तो सर हाँ, मैं चाहता हूं रजिस्टर में आप आइए, लिखने वाला एक्टिविटी कर लेते हैं। याद होगा तो हमारा पैन से रिलेटेड भी लिखना बाकी है, वो भी अभी हम लिख लेते हैं। तो आइए अब थोड़ा लिखने विखने की बात कर लें। रजिस्टर ले लीजिए, प्रोविजन आपने पढ़ लिया। इसे संक्षिप्त में लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, शॉर्ट में लिखना इसे बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम वो अब लिख लेंगे साहब। सबसे पहले तो आप लोग 139A की बात कर लीजिए। 139A। कोई बच्चा अगर चाहे तो इसके बाजू अपने नोट्स का पेज नंबर लिख सकता है ताकि वो अपने नोट्स को बहुत अच्छे से प्रिस्क्राइब कर सके। याद होगा तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, पूरे प्रोविजन का शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, राइट। क्या करना है सर? पैन के लिए डिटेल्स है, हु इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन पैन। ध्यान से सुनिएगा, किस किस को पैन लेने की जरूरत है? पहला, एवरी पर्सन लायबल टू पे टैक्स। सेकंड, पर्सन कैरिंग PGBP एंड ग्रॉस सेल्स ऑब्लिक टर्नओवर एक्सीड 5 लाख। तीसरा, ये लिखने से आपको ना एक और फायदा होने वाला है। कंटिन्यूस पढ़ने के बीच में आपको क्या आ जाएगा सर? थोड़ा सा ब्रेक आ जाएगा। आप भी बोलोगे कि चल थोड़ा सा रिलीफ तो मिला, कंटिन्यूस पढ़ने से बेटर है। सो सर वर्ड देखिएगा, तीसरा वर्ड आपको ऐड किया जाएगा। तीसरा वर्ड आपके सामने ऐड किया जा रहा है, वो है एवरी पर्सन Who is charitable trust under section 139(4)A। Fourth, resident other than individual whose financial transaction exceed 2.5 lakhs or more in financial year। Next, person who is डायरेक्टर ट्रस्टी MD CEO कर्ता प्रिंसिपल ऑफिसर। एवरी पर्सन सो प्रिस्क्राइब।139A(5)E। Instead of PAN, Aadhaar can be quoted। (139A(6)A) person entering into specified transaction shall provide PAN or Aadhaar and shall authenticate it। 139A(6)B person receiving PAN/Aadhaar as per 6A of section 139A shall authenticate it. Section 272B. If a person fail to obtain PAN wrongly quote the PAN, fail to intimate PAN / Aadhaar, penalty 10,000 rupees. Fail to comply with 139(6A) and 6B, 10,000 for each such default. जिसका ये हो गया दूसरा सेक्शन लिखना 139 हु शैल फाइल ROI, रिटर्न ऑफ इनकम किस किस को भरना है, कंपनी, फर्म, अदर पर्सन इफ इनकम before exemption, if income before deduction, under chapter 6A and exemption, under section 54, 54B, 54D, 54 EC, 54F, 54G, 54GB, exceed maximum amount not chargeable to tax. Fourth, ROR, having assets including financial assets or signing authority outside India as a beneficiary or beneficial owner. Fifth, अब मैं यहाँ पे सबसेक्शन अलग अलग नहीं कर रहा हूँ, सबसेक्शन अलग अलग देखना होगा, आपकी बुक देख लेना, दैट इज बैरक देख लेना, काम खत्म. हैज डिपॉजिटेड इन वन और मोर करंट अकाउंट with a bank oblique cooperative bank in aggregate during the previous year exceeding ₹1 crore. Sixth, has incurred an expenditure on foreign travel for himself oblique other person exceeding ₹2 lakh. एक्सपेंडिचर फॉर फॉरेन ट्रैवल ज़्यादा बेटर वर्ड है, उतना सुधार लीजिए. सेवेंथ, incurred an expenditure on electricity consumption exceeding ₹1 lakh. Such other person as may be prescribed shall file return in prescribed form before the due date of filing ITR. Done, sir. सर राइटिंग के लिए बहुत बहुत प्यार, आप समझ सकते हैं. तो सर एक बात समझ लीजिए, लिखना आपको पूरा है और हम जगह जगह पे लिखेंगे भी पूरे प्रोविजंस. जब हम रजिस्टर बना रहे हैं तो हम इस प्रोविजन का सीधा सीधा कर्ज लेके आ रहे हैं. सर हमने क्या पढ़ना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे, आपके लिखाए हुए नोट्स या बैरैक्ट? मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, इफेक्टिव कैसे आएगा आपको. सर जब आप ये आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तब आप पूरा का पूरा बैरैक्ट पढ़िए, ठीक है. जब आप लोग फर्स्ट रीडिंग कर रहे होंगे तब आपको क्या करना है, पूरा का पूरा बैरैक्ट भी रीड करना है साथ साथ में एक बार. एग्जाम से पहले जब आप पढ़ते रहेंगे, मैं आपको एक बुक दे रहा हूँ, याद होगा तो मैं आपको फास्ट ट्रैक का बुक दे रहा हूँ, सुपर समरी वो बुक है, राइट. उसके अंदर में बिल्कुल यही प्रोविजंस को शॉर्ट करके दिया हुआ है, नो इफ नो बट ओनली कट टू कट वाले पॉइंट दिए हुए हैं. समझ में आ रही है बात? तो आप वहां से पढ़ सकते हो. दूसरा आप यहां से पढ़ सकते हो, समझ में आ रही बात? ये जो हम लिख रहे हैं आप यहां से भी पढ़ लोगे तो भी चल जाएगा. तो अब मैं आपकी लिखने की प्रैक्टिस, आप समझ रहे हैं मैं जानबूझ करके क्यों करवा रहा हूं, ताकि आपको एक हैबिट लग जाए लिखने की, एक आदत. और दूसरा क्या होता है, मैं मानता हूं आप भी मानते हैं, नहीं पता है मुझे पता नहीं, बट आप एक बार कोई चीज लिख लेते हैं ना तो वो आपके माइंड में याद हो जाती है, क्योंकि मेरे पापा कहते हैं 100 बकी और एक लिखी। आप 10 बार बक दो काम नहीं आएगा, पर 1 बार लिख दो बहुत काम आएगा। और इसी के तहत मैं ये रूल को फॉलो करता हूँ, 100 बकी 1 लिखी। और आप भी इस रूल को फॉलो कीजिए और मैं आपको कहता हूँ आपको बहुत मजा आएगा। लिखोगे, इससे फायदा क्या होगा, जो प्रोविजन हम लोग कंटिन्यूस पढ़ते आ रहे हैं उसमें भी एक ब्रेक लगेगा, आपको थोड़ा सा लिखने की हैबिट होगी। इतने सारे सब प्रोविजो आपने एक साथ पढ़े, उसको एक जगह पे कंपाइल कर लिया। अब पढ़ने के लिए कितना आसान होगा, किस किस को रिटर्न भरना है भैया, इतने लोगों को आपको रिटर्न भरना है। गेम ओवर, इसका पूरा फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए। आपने यहाँ पे क्या कर लिया, सेक्शन के बाजू पेज नंबर लिख दिया, इस पेज नंबर पर जाइए, पूरा बैरैक्ट रीड कर लीजिए, आपका काम खत्म हो गया। गेटिंग इट? सो आप जरूर अप्रिशिएट करेंगे, मुझे पता है। और अगर आपको भी मजा आ रहा होगा अब तक लेक्चर के अंदर में, सर यहाँ मेरा नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे मुझे मैसेज करके जरूर बताइएगा कि सर हमने क्लासेस चालू की है, मजा आ रहा है। साथ ही साथ में आपके कोई क्वेरीज होंगे तो आप बिल्कुल सर भेजिए मुझे। मैंने जैसे कि आपको कहा, आप क्वेरी भेजिए पर थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैं जनरली इमीडिएट रिप्लाई नहीं करता, मैं मेरी बीवी को भी इमीडिएट रिप्लाई नहीं करता, तो प्लीज उतना पेशेंस आप रखिए, पर मैं आपके डाउट जरूर क्लियर कर दूंगा। और मेरे से कनेक्ट आप जरूर बनाइए, चाहे वो यूट्यूब के ऊपर हो जैसे कि मैंने मैंडेटरीली कहा, इंस्टाग्राम के ऊपर हो मैंडेटरीली, टेलीग्राम के ऊपर आप मेरे साथ मैंडेटरीली कनेक्ट हो जाइए। लेट्स हैव अ फैमिली रिलेशन रादर देन जस्ट बीइंग अ रिलेशन ऑफ बीइंग अ टीचर एंड अ स्टूडेंट। यस सर, 139 पूरा हुआ, इसके पीछे की हिस्ट्रियां पूरी हुई और एक एक प्रोविजन को हमने कंप्लीट किया साहब। अब आ जाते हैं आगे, आते हैं ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। इसमें हुआ है साहब अमेंडमेंट। हाँ जी साहब, इसमें हुआ है अमेंडमेंट। आप जरा फर्स्ट पेज पे जाके देखेंगे जहां से चैप्टर चालू हुआ है, वहां पे हम लोगों ने क्लियर कट लिख के दिया है साहब, देख लीजिए इसमें अमेंडमेंट है। तो आप यहीं से देख सकते हैं कि इंडेक्स भी आपकी मदद करेगा कौन कौन से टॉपिक में अमेंडमेंट है इस बारे में। अच्छा जी सर, सबसे पहले चलते हैं, आ जाइए पेज नंबर 3.4 के ऊपर जहां पे आपको ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम दिया हुआ है। जनरली ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम क्या थी, मैं आपको याद दिला देता हूं। अगर सेसी टैक्स ऑडिट के अंदर में कवर नहीं था तो सबसे पहले तो 2 पार्ट में इसे क्लासिफाई कीजिए, एक कंपनी, दूसरा अदर एसएससी। अदर एसएससी को रिटर्न कब तक के भरना था, अदर एसएससी को रिटर्न भरना था अगर उसका टैक्स ऑडिट नहीं है तो 31 जुलाई, और अगर टैक्स ऑडिट है तो 30 सितंबर। अग्रीड? बिल्कुल साहब। दूसरा कंपनी, कंपनी को रिटर्न कब भरना था, डिपेंड करता था वो ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर में कवर है, ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्टिंग के अंदर कवर है या नहीं। ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्टिंग सेक्शन 92E के हिसाब से होती है, तो अगर कंपनी ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्टिंग के अंदर में लायबल है तो द ड्यू डेट वॉज 30th of November, अदरवाइज द ड्यू डेट ऑफ 30th September। बराबर है? अच्छा जी, अब क्या किया गया, अमेंडमेंट क्या है। सबसे पहली बात तो अमेंडमेंट ये किया गया, जो सितंबर की ड्यू डेट थी इसे अक्टूबर कर दिया गया। यस, यानी अब आपको सितंबर ना लेकर के अक्टूबर आ गया। और मेरे हिसाब से ये बहुत बुरी खबर हर प्रोफेशनल स्टूडेंट के लिए, स्पेशली सीए वालों के लिए। क्यों? क्योंकि सितंबर के अंदर में भी क्या होता था, जिन बच्चों नवंबर के अंदर में जिन बच्चों का अटेम्प्ट होता था उनके बॉस इन्हें कई बार तो सितंबर तक के बुलाते थे कि तुमको रिटर्न फाइल करना है, टैक्स ऑडिट कंप्लीट करनी है, और तुम सीनियर आर्टिकल हो, अभी नए नए आर्टिकल को कुछ नहीं समझता, तुमको आना ही पड़ेगा, तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारियों का आह्वान करना पड़ेगा। ऐसी कुछ बातें होती थी और तुम बेचारे इमोशनल होकर के चले जाते थे। तुम्हारे जैसा इमोशनल फूल कोई है भी नहीं वैसे भी। बराबर है? अच्छा, अब इसमें होता क्या था कि एग्जाम से पहले बच्चा आर्टिकल छुट्टी लेने की बातें करता था, बॉस बोलता था कैसे ले सकते हो बेटा, अभी तो तुम्हारे हाथ में ऑडिट है, 3 साल से ये कंपनी तुम संभाल रहे हो, और तुम तो पहले इमोशनल फूल हुए थे ना, किसी ने बोल दिया सीए अच्छा कोर्स है आ जाओ, तुम भी आ गए। इमोशनल फूल तो अपन पहले से ही थे, तो अपन तो आ गए साहब। बराबर है कि नहीं है? अपन इस कोर्स में आ गए और आज अपन उस आदमी को ढूंढते हैं जिसने ये कोर्स बताया था हमको। बराबर है कि नहीं? सो द पॉइंट इज, अब इस सितंबर को क्या कर दिया गया है, अक्टूबर कर दिया गया। अब ढूंढने निकलते हैं इसके रीजन क्या है। रीजन ये था सर कि सरकार के इंटेंशंस बहुत क्लियर है। मैं अगर आपको बात करूं सरकार के इंटेंशन की, तो सरकार जो स्पेसिफिकली निर्मला दीदी वाली सरकार है, ये कहती है कि हम लोग ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे। और हर बार एक रिक्वेस्ट आ जाती थी कि प्लीज ड्यू डेट को एक्सटेंड करो। माइट बी फ्यूचर में जाके आपको ऐसा टाइम मिल सकता है कि कोई ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं होगी, हमने अभी ही टाइम सितंबर का अक्टूबर कर दिया। हालांकि एज ऑफ नाउ उन्होंने सितंबर को अक्टूबर करने के पीछे कोई रीजन नहीं दिया है। उनने सिर्फ इतना लिख दिया कि भैया जहां जहां पे भी 30 सितंबर डेट था उस जगह को तुम कर दो 31 ऑफ अक्टूबर 31 ऑफ अक्टूबर कर दो। पर माइंड भी आपको फ्यूचर में शायद ऐसा सुनने को मिल सकता है, हर बार हम अपडेट आगे नहीं बढ़ाएंगे, जो सितंबर डेट थी वो हमने ऑलरेडी अक्टूबर कर दी और अब हम ऐसा नहीं करेंगे, इस बात को आप समझ लीजिए। तो शायद ऐसा हो सकता है इस इंटेंशन से, लेकिन इस बार कोई रीजन नहीं दिया गया कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। तो बदला क्या, बदल गया ये चीज कि अब जो आपके सितंबर के डेट थे जहां कहीं पे भी, ये डेट चेंज होकर के हो गए 31 अक्टूबर। तो जो भी आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्ट 20 का अमेंडमेंट है पहला। इसी सेक्शन में एक और अमेंडमेंट हुआ, मैं आपको बताता हूं क्या होता था। वर्किंग पार्टनर और नॉन वर्किंग पार्टनर, ठीक है। वर्किंग पार्टनर को जो रिटर्न भरना होता था ये भरना होता था 30th ऑफ सितंबर को, बराबर है। नाउ अब ये जो वर्किंग पार्टनर वर्ड लिखा हुआ था इसमें से वर्किंग वर्ड को कट कर दिया गया और सिर्फ पार्टनर रखा गया। ये है दूसरा अमेंडमेंट इस सेक्शन का। इससे फर्क क्या पड़ा, इससे फर्क ये पड़ा अब आप स्लीपिंग पार्टनर हो या वर्किंग पार्टनर हो, इन शॉर्ट अगर आप पार्टनर है, वर्किंग नॉन वर्किंग डजंट मैटर, वर्किंग नॉन वर्किंग डजंट मैटर। अब आपकी डेट जो बन गई ये बन गई सर 31 ऑफ अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, बराबर है। सो लेट्स से आपका प्रीवियस ईयर अगर 2021 होगा तो जनरली आपके जो ड्यू डेट बनेंगे, ये बनेंगे 31 जुलाई 2021 या तो बनेंगे 31 अक्टूबर 2021। ये आपके क्या बनेंगे, ड्यू डेट्स बनेंगे साहब रिटर्न भरने के लिए। क्लियर है साहब। आइए पढ़ते हैं। कंपनी इफ लाइबल टू टीपी रिपोर्ट, जिसको याद नहीं आ रहा ये टीपी मतलब है ट्रांसफर प्राइसिंग, बराबर है। सो इफ लाइबल टू टीपी रिपोर्ट अंडर 92E 30 नवंबर इज द डेट। और अगर टीपी के अंदर लाइबल नहीं है यानी सारी अदर कंपनियां जो सितंबर की डेट हुआ करती थी, बेटे बच्चे अमेंडमेंट आ गया यहाँ पे हो चुका है 31 ऑफ अक्टूबर। साथ ही साथ में कंपनी को छोड़ के जब अदर एसएससी की हम बात करेंगे, अदर एसएससी लाइबल टू टैक्स ऑडिट एज पर 44A भी, अगर आप टैक्स ऑडिट के अंदर कवर है यहाँ पे भी सितंबर हुआ करता था, इसको कर दिया इन्होंने अक्टूबर। साथ में वर्किंग पार्टनर वर्ड लिखा था, आप देख सकते हैं यहाँ से वर्किंग हट गया, मतलब अब आप वर्किंग पार्टनर हो या स्लीपिंग पार्टनर हो, तेल लगाने गया आप अगर पार्टनर है तो आपका रिटर्न जाएगा 31 ऑफ अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। ये बात हो गई। अच्छा जी, जो टैक्स ऑडिट के अंदर में कवर नहीं है या जो पार्टनर नहीं है उनके लिए डेट बन जाती है 31 ऑफ जुलाई। सो टेंटेटिवली देयर आर ड्यू डेट्स व्हिच हैज बीन प्रोवाइडेड। ड्यू डेट मींस व्हाट, वेयर द असेसी इज अदर देन द असेसी रिफर्ड टू इन क्लॉज बी, that is company or person other than company whose accounts were required to be audited under this particular act। यहाँ पे क्या आ जाएगा साहब, यहाँ पे आ जाएगा 31 ऑफ अक्टूबर और वर्किंग पार्टनर की जगह पे आ गया पार्टनर, ये भी आ गया 31 ऑफ अक्टूबर। इन केस ऑफ असेसी रिक्वायर्ड टू फर्निश 92E देन 30th ऑफ नवंबर। इन एनी अदर केस आपका आ जाएगा 31 ऑफ जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर। ये आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। तो सर यहीं पे जाइए, रिटर्न के नीचे एक फ्लो चार्ट बनाइए, साथ में ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ITR सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। ये सबसेक्शन आपको मैंडेटरीली याद रखना है, मैं पहले ही बता रहा हूं, ये सबसेक्शन आपको मैंडेटरीली याद रखना है। लाइबल टू टीपी रिपोर्ट अदर्स, लाइबल टू टीपी रिपोर्ट, देन 30th of November of assessment year, 31st October of assessment year, others liable to tax audit under section 44AB or partner working or not। 31st of October other 31st July of assessment year। 31st July of assessment year. लो जी साहब, एक और प्रोविज़न को आपने शॉर्ट कर दिया, लिख दिया रजिस्टर के अंदर। मेरे हिसाब से यहाँ पे आप जब भी प्रोविज़न लिख रहे हो, मैं 10 बार आपको नहीं बताऊँगा, आप साथ साथ में पेज नंबर डालते रहें ताकि आपको इजी हो जाए उसको समझने के लिए। डन है सर? चलिए सर, रिटर्न नहीं भरा तो क्या हो जाएगा? सर रिटर्न नहीं भरा तो क्या हो जाएगा? कुछ कॉन्सिक्वेंसेज है साहब, ज्यादा कुछ नहीं, कुछ ही कॉन्सिक्वेंसेज है। उसी के नीचे आइए, देखिएगा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट फाइलिंग ROI। रिटर्न अगर आप नहीं भरते 139(1) के अंदर में तो क्या होता है सर? पहला आपको लगेगा इंटरेस्ट अंडर 234A। 234A का आपको क्या लग जाएगा सर? इंटरेस्ट लग जाएगा। कैलकुलेट करना देखेंगे हम, नीचे आएंगे तब। 234A का आपको इंटरेस्ट लग जाएगा। दूसरी चीज होगी आपको फीस लगेगा 234F का। 234F का आपको क्या लगेगा? फीस लगेगा। बेनिफिट जो होता है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस, और वो आपको नहीं मिल पाएगा। लॉस तभी कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं जब हमने रिटर्न टाइम पे भरा हो। अगर हमने रिटर्न ही टाइम पे नहीं भरा तो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा, तो कैरी फॉरवर्ड का ऑप्शन आपके लिए लॉस हो जाएगा। राइट टू रिवाइज रिटर्न इज लॉस्ट। रिवाइज रिटर्न के जो ये है वो लॉस्ट हो जाएंगे। हालांकि सब्जेक्ट टू प्रोविजन, आप बिलेटेड रिटर्न भर देते हो तो फिर रिवाइज रिटर्न का प्रोविजन रहता है। आपने रिटर्न नहीं भरा तो क्या होगा? रिवाइज रिटर्न नहीं भर सकते। रिवाइज रिटर्न तभी हो सकता है जब आपने रिटर्न भरा हो या बिलेटेड रिटर्न भरा हो। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट का एक्शन होगा 142(1). डिपार्टमेंट नोटिस भेजेगा, आपसे मैंडेटरीली रिटर्न भरवाएगा, या फिर आपकी सीधा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देगा, या इनकम एस्केपिंग असेसमेंट कर देगा 147, 148 के अंदर में। क्लियर है मालिक? तो आपको फीस लग सकती है, आपको इंटरेस्ट लग सकता है, लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, रिवाइज रिटर्न का हक चला जाएगा, आपके ऊपर डिपार्टमेंट एक्शन ले सकता है। साथ ही साथ में प्रोसिक्यूशन हो सकता है 276C का। ये तो बहुत एक्सट्रीम एक्शन है कि आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन हो सकता है अंडर 276C। बराबर है? इन सेक्शंस को डिटेल में पढ़ते हैं। कब? ब्रेक से आने के बाद। एक बार ब्रेक से आ जाए फिर अब इन सारे सेक्शंस को भी पढ़ना पड़ेगा कि एग्जैक्टली रिटर्न नहीं भरा तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। डन सर? सो यू टेक अ फैंटास्टिक ब्रेक। ब्रेक के बाद हम लोग मिलते हैं और इस डिटेल को हम लोग करते हैं डिस्कस। Yes, so welcome after the break, my friends. Till the break, what we have done with 139(1), that is return of income primarily, and some of the remaining portion of 139A. तो almost हम लोग को 2 घंटा लगा कुछ 139(1) के ऊपर and 139 voluntarily filing the return of income. The last thing we did was what are the consequences of not filing the return of income. So one of the consequences of not filing of return is the fees. So everybody, let us come to 234F, fees for default in furnishing return of income. आइए कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्यों आया ये समझते हैं और फिर बेर एक्ट को रीड करेंगे। अंडरस्टैंड होता क्या था और इसे फीस का नाम क्यों दिया गया? पेनल्टी का नाम न दे करके इसे फीस का नाम दिया गया कि अगर आप लोगों ने रिटर्न नहीं भरा तो आपको बाद में क्या लगाई जाएगी? फीस लगाई जाएगी। पेनल्टी का नाम नहीं रखा गया। और बहुत सोच समझ के स्ट्रेटेजिक डिसीजन, और मैं कहता हूँ बहुत जबरदस्त डिसीजन। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। देखिए रिटर्न कैसे प्रोसेस होते हैं। ड्यू डेट्स जब होती है तब एक साथ एक पूरा का पूरा बल्क आता है और इस बल्क की डीलिंग की जाती है किसी भी IT कंपनी से रिटर्न को प्रोसेस करने के लिए। पहले ये कॉन्ट्रैक्ट TCS के पास था, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोसिस के पास गया, जहां पे वहां पे रिटर्न की प्रोसेसिंग पूरी की पूरी करते थे। अब सरकार उठा करके क्या कर देती थी? ये कॉन्ट्रैक्ट किसी थर्ड पार्टी को दे देती थी और थर्ड पार्टी इसके लिए क्या करता था? फ्रीज चार्ज करते थे। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि अब जो लेट फीस भरता था या सॉरी जो लेट रिटर्न भरता था, इस लेट रिटर्न को भी प्रोसेस तो करना पड़ता था बिकॉज ऑफ असेसमेंट एंड अदर कॉन्सेप्ट। तो होता यह था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने जेब से क्या करती थी? फीस देती थी और रिटर्न प्रोसेस किया जाता था। अब रिटर्न जो बी लेटेड फाइल हो रहा है राइट ये कभी कोई रिटर्न भर रहा है, लेट्स से कभी भरा जुलाई का ड्यू डेट था तो कोई अगस्त में भर रहा है, कोई सितंबर में भर रहा है, कोई जनवरी, कुछ फरवरी, कुछ मार्च के अंदर में भी रिटर्न भर रहे थे। तो प्रॉब्लम ये हो रही थी कि रिटर्न जो भरे जा रहे थे वो लेट हो जा रहे थे और ये लेट का जो प्रोसेसिंग करने का फीस होता था ये भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जाता था। अरुण जेटली साहब आए, अरुण जेटली साहब ने बोला यार ये क्या गंद मचा रखी है कि बॉस आप लोगों, एक तो आप लॉ को कंप्लाई नहीं करते, लॉ को नहीं कंप्लाई करने के बाद क्या होता है आपके रिटर्न का फीस सरकार की जेब से जाता है, ये जो कई सालों से प्रथा चलती आ रही है, इस साल से हम बंद करेंगे। और उन्होंने इस सेक्शन को लेकर के आया, अरुण जेटली साहब ने इस सेक्शन को लेकर के आया और कह दिया कि अब आपको फीस लगेगी। कितनी फीस लगेगी साहब? उन्होंने कहा कि अगर 5 लाख रुपए तक आपकी इनकम है तो फीस का अमाउंट रिस्ट्रिक्टेड है 1000 रुपीस, 1000 रुपए चार्ज लिया जाएगा। अब इसे फीस क्यों कहा गया, पेनल्टी क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि आपसे कलेक्ट करके ये फीस आईटी कंपनी वालों को दी जाती है, इसी के लिए इसका नाम कवर किया गया फीस रादर देन मेकिंग इट अ पेनल्टी। समझ में आ रही बात? तो फीस कलेक्ट करी और फीस कलेक्ट करके क्या किया गया, प्रोवाइड किया गया। साथ ही साथ में इफ your income exceed 5 lakh rupees and you file the return up till 31st of December, मतलब आप जुलाई का ड्यू डेट था 31 दिसंबर तक के कर देते हैं, सितंबर का ड्यू डेट था आप, अक्टूबर का ड्यू डेट था आप क्या कर देते हैं दिसंबर तक के भर देते हैं। ड्यू डेट के बाद पर 31 दिसंबर तक अमाउंट थी 5000 रुपीज और बियॉन्ड दिसंबर अगर आप करते हैं तो ये फीस को 5000 की जगह 10000 कर दिया गया। तो एक ह्यूज फीस कलेक्ट की गई। सर बियॉन्ड दिसंबर, बिफोर दिसंबर मेजरली फॉर नॉन रेसिडेंट, जो आईटीज कंपनी है इनका फॉरेन एक्सपोजर होता है जिसके कारण मैक्सिमम ऑफ द कंपनीज कई बार अमेरिकन कैलेंडर फॉलो करते हैं और इस हिसाब से जनवरी टू दिसंबर, हेंस बिफोर दिसंबर आफ्टर दिसंबर ये कॉन्सेप्ट लाया गया। सो ऑल इन ऑल बात क्या हुई, फिर से एक बार बता दूं आपको, जिसकी इनकम 5 लाख रुपए तक की है, इफ द इनकम इज अप टू 5 लाख रुपीज, इफ द इनकम इज अप टू 5 लाख रुपीज द फीस इज रिस्ट्रिक्टेड टू 1000 रुपीज। इफ द इनकम इज बियॉन्ड 5 लाख रुपीज एंड यू फाइल द दिसंबर अप टिल दिसंबर 31st December, fees is 5000, beyond December the fees will be 10000. This was whole provision. आइए बैरैक्ट रीड करते हैं पेज नंबर 3.5 के ऊपर, फीस फॉर डिफॉल्ट। पढ़िएगा साहब, where any person required to furnish the return under 139, तो ये फीस किस किस के लिए है? उन सभी लोगों के लिए जिनको रिटर्न भरना मैंडेटरी है। अब एक सवाल आपके मन में आएगा, सर मान लीजिए मेरी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से नीचे है और मैं क्या करता हूं रिटर्न भरता हूं, तो बताइए क्या मुझे फीस लगेगा? लेट्स से मेरी इनकम 2,40,000 रुपीज है, मैं ड्यू डेट के बाद रिटर्न भरता हूं, क्या मुझे फीस लगेगा या नहीं लगेगा? आंसर इज नो। पूछिए क्यों? बहुत सिंपल रीजन है, यहाँ पे क्लियर कट लिखा है, इफ अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न, 2.4 लाख के ऊपर रिटर्न फाइलिंग रिक्वायरमेंट ही नहीं होती तो फिर फीस लगाने का सवाल ही नहीं उठता। तो अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर नहीं है, या अदर शब्दों में कह दिया जाए आपको अगर रिटर्न भरने का ऑब्लिगेशन नहीं देता 139, उस केस में आपको फीस लगने वाली नहीं है। सो वेयर द रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड अंडर 139 फेल टू डू सो within the time prescribed under subsection 1, he shall pay by way of fees a sum of rupees 5000 if the return is furnished 5000, if the return is furnished on or before 31st December 10000 rupees in any other case, provided if total income does not exceed 5 lakh rupees the fees payable shall not exceed 1000 rupees. Yes or no? Provision of this section shall apply in respect of return required to be furnished for assessment year 18-19 and further assessment years. इसी सेक्शन को टेबुलर फॉर्म में डाल दिया है, इजी तरीके से पढ़ लीजिए। अगर रिटर्न ऑफ इनकम 31 दिसंबर तक के होगा तो 5000, बियॉन्ड 31 दिसंबर होगा 10000, इफ टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख 1000 रुपीज इज स्टिल द फीस, राइट? At the same time, presumption of non-disclosure of income when return is not filed within due date. Understand कीजिएगा। असेसी ने क्या किया? AR Enterprises 2016 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जरा समझिएगा। असेसी ने एडवांस टैक्स पे किया लेकिन रिटर्न ऑफ इनकम नहीं सबमिट किया, रिटर्न ऑफ इनकम नहीं सबमिट किया विद इन द टाइम लिमिट, राइट? तो क्या ये जो रिटर्न उसने सबमिट नहीं किया, इस बेसिस पे एओ ने क्या करी, पेनल्टी लगा दी फॉर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इनकम। असेसरी कंटेंडेड कहा कि मैं अगर रिटर्न फाइल नहीं करता तो इसका यह कंटेंशन नहीं होना चाहिए दैट आई हैव नॉट डिस्क्लोज द इनकम। क्या यह कंटेंशन इसका हो सकता है? कोर्ट के सामने एक बहुत बड़ा इशू आया कि अगर कोई रिटर्न फाइल नहीं करता विद इन द ड्यू डेट, क्या इसका यह कंटेंशन हो सकता है कि यह इनकम उसने डिस्क्लोज नहीं करी और नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इनकम के लिए जो पेनल्टी लगती है वो पेनल्टी क्या लगाई जा सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर यह मुद्दा उठा 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, जस्ट बिकॉज यू डू नॉट फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम इन एनी वे इट कैन नॉट मीन दैट यू हैव नॉट डिस्क्लोज द इनकम। सो चेक कर लीजिएगा, पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स which is based on estimated income cannot amount to disclosure of total income which must be declared in the return. Where the assessee not filed its return of income by the due date, AO was correct in assuming that the assessee would not have disclosed the टोटल इनकम। ये सिचुएशन तब आई जब आपने एडवांस टैक्स के बेसिस पे भी नहीं दिया होगा। हाँ, अगर आपने एडवांस टैक्स दिया तब ये सिचुएशन नहीं हो सकती। AR एंटरप्राइजेस के केस में असेसी ने क्या किया, एस्टिमेटेड बेसिस के ऊपर ये काम किया, तो क्या इसे नॉन डिस्क्लोजर का नाम दिया जा सकता था क्या? तो उन्होंने कहा हाँ, इसे नॉन डिस्क्लोजर का नाम दिया जा सकता है अगर आपने क्या नहीं किया, एप्रोप्रिएट इनकम रिटर्न के थ्रू डिस्क्लोज नहीं करी तो। और एडवांस टैक्स में जो आपने डिस्क्लोज करी है ये सिर्फ आपकी एस्टिमेटेड इनकम है और एस्टिमेटेड इनकम आपकी टोटल इनकम नहीं हो सकती, इसीलिए अगर आपको रिक्वायरमेंट है रिटर्न भरना पड़ेगा। अदरवाइज AO क्या कर सकता है, आपका स्ट्रेट अवे पेनल्टी लगा सकता है। किस बात की पेनल्टी लगा सकता है? नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इनकम की। तो क्या केस आया बाहर? अल्टीमेटली केस ये आ गया बाहर कि अगर आपने एडवांस टैक्स के बेसिस पे अपना एडवांस टैक्स पे कर दिया है, एस्टिमेशन बेसिस पे अपना एडवांस टैक्स पे कर दिया है एंड आपने क्या नहीं किया, रिटर्न नहीं भरा, क्या AO आपके ऊपर नॉन डिस्क्लोजर की पेनल्टी लगा सकता है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लियर कर दिया, जो पहले नहीं मान रहे थे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया, हाँ AO करेक्ट मान लिया जाएगा, आपने रिटर्न नहीं भरा इसके लिए, हेंस आपके ऊपर जिम्मेदारी है, रिटर्न आपको भरना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल अमाउंट टू नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इनकम। देख लीजिए फाइनल जजमेंट, पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स विच इज बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड इनकम कैन नॉट अमाउंट टू डिस्क्लोजर ऑफ टोटल इनकम। जो आपने एडवांस टैक्स पे किया है ये एस्टिमेशन बेसिस पे किया है, इसे आप टोटल इनकम नहीं कह सकते, डिस्क्लोजर ऑफ टोटल इनकम विच अमाउंट टू बी विच मस्ट बी डिक्लेयर इन रिटर्न। हेंस वेयर द असेसी डू नॉट फाइल इट्स रिटर्न ऑफ इनकम बाय द ड्यू डेट, AO was correct in assuming that assessee would not have disclosed its total income। और फिर वो उसके ऊपर क्या लगा सकता है, पेनल्टी लगा सकता है। जजमेंट याद रखने का है क्या? बिल्कुल याद मत रखिए, कोई काम नहीं है ये, आप वैसे भी जब पेनल्टी प्रोविजन में जाएंगे हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो 234F पहला कॉन्सिक्वेंसेस, दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस है 234A इंटरेस्ट आपके ऊपर लग सकता है। ध्यान से सुनिए, 234A से रिलेटेड मैं आपको कुछ बात बता दूं। 234A, B और C ये बहुत ही डिटेल्ड सेक्शन है जो मैंने आगे मॉड्यूल 3 के अंदर में कवर किया हुआ है। यहां अभी हम उसका सिर्फ एक छोटा सा पार्ट पढ़ेंगे, एक्चुअल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके ऊपर मैंने प्रॉब्लम्स भी लिए हैं क्योंकि सीए फाइनल में इसके ऊपर प्रॉब्लम्स आते हैं। तो 234A, B और C हम लोग डिटेल डिस्कशन एक और करेंगे आगे, अभी हम सिर्फ इसका छोटा सा पार्ट पढ़ रहे हैं जितना नॉलेज पर्पस के लिए यूज होगा, बराबर है। और इसी के लिए जब आप देखेंगे नेक्स्ट पेज पे जाइए, इंटरेस्ट अंडर 234A, यहाँ पे क्लियर कट मैंने लिखा है डिस्कस्ड लेटर इन डिटेल, मैंने क्लियर कट लिख के दिया। अभी जितना नॉलेज पर्पस के लिए चाहिए उतना आपको बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसको बहुत बड़े सबसेक्शन है, फिर असेसमेंट होता है तो ये इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत सारी चीजें आएगी इसमें। तो आइए पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। 234A, इफ रिटर्न इज नॉट फाइल्ड विद इन द ड्यू डेट, अगर रिटर्न आपके ड्यू डेट में आपने फाइल नहीं किया, पॉइंट नंबर 1, या फिर आपने रिटर्न जो था ये बिलेटेड रिटर्न भी आपने फाइल नहीं किया, या फिर आपको नोटिस आई थी 142(1) की आपने तब भी रिटर्न फाइल नहीं किया, तो 3 जगह ये पेनल्टी लग रही है। 139(1) ड्यू डेट में आपने फाइल नहीं किया, बिलेटेड रिटर्न भी आपने फाइल नहीं किया, या फिर आपको नोटिस दी गई थी कि भैया आप इतने टाइम में रिटर्न फाइल कर दीजिए, आपने तब भी फाइल नहीं किया, तो आपके ऊपर 234A का इंटरेस्ट लगाया जा सकता है। 234A का इंटरेस्ट कितना है सर? 234A का इंटरेस्ट है 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ द टैक्स पेबल। ये जो वर्ड है ना टैक्स पेबल, इसी को अपने को डिटेल में पढ़ना है कि कब और कौन से केसेस में टैक्स पेबल कैसे निकलेगा। क्योंकि मान लीजिए आपने रिटर्न ऑफ इनकम भरा, बाद में एओ ने इस रिटर्न को इंक्रीज कर दिया, तो आपका टैक्स पेबल चेंज होगा जिसके कारण आपका इंटरेस्ट भी चेंज होगा। इसलिए हमें इसे डिटेल में पढ़ना है। समझ में आई बात? सो आगे बढ़ते हैं। तो सर इंटरेस्ट कितना है? 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। किसका? टैक्स पेबल का आपको इंटरेस्ट पे करना है। ये इंटरेस्ट लागू कब से होगा? इमीडिएटली फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। ड्यू डेट पे आपने पे नहीं किया, नेक्स्ट डे से ये इंटरेस्ट चालू हो जाएगा आपका। समझ में आ रही बात? कब तक के लगेगा? जब तक के आप क्या नहीं कर देते, रिटर्न फाइल नहीं कर देते या आपका असेसमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता। इसको भी हमें डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत सारे लॉजिक है। तो कुल मिलाकर के आपका इंटरेस्ट पेबल किसके ऊपर होगा? टैक्स पेबल के ऊपर डिपेंड करेगा इंटरेस्ट अंडर 234A। आइए, वेयर द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 139(1), 139(4), 139(4) is belated, 142(1) is furnished after the due date और it is not furnished। या तो आपने ड्यू डेट के बाद किया या आपने फर्निश ही नहीं किया। तो सर belated रिटर्न में भी 234A का इंटरेस्ट आएगा क्या? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपने रिटर्न नहीं भरा है। यस और नो? ओरिजिनल रिटर्न टाइम पे नहीं भरा, आएगा, बिल्कुल आएगा। या तो फिर आपने रिटर्न ही नहीं भरा, बिलेटेड भी नहीं भरा, तब भी आएगा। द असेसी शैल बी लायबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। व्हाट इज 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ? एक लेट्स से 4 महीने 2 दिन लगे आपको पे करने के लिए, पूरे 5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। पार्ट देयर ऑफ भी पूरा मंथ माना जाएगा। सो वेयर द असेसी इज लायबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ द टैक्स पेबल। इस टैक्स पेबल को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कमेंसिंग फ्रॉम द डेट जहां रिटर्न भरी है टिल द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। अगर असेसी ने फ्यूचर में जाके रिटर्न भरा तो ड्यू डेट के बाद से जब वो रिटर्न भरता है तब तक का पूरा पीरियड काउंट होगा। अगर उसने रिटर्न नहीं भरा तो जब तक के 144 का असेसमेंट नहीं हो जाता तब तक का पूरा पीरियड। याद करो, रिटर्न नहीं भरे तो कौन सा असेसमेंट होता है? बजा देता है वो आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। 144 के असेसमेंट तक का पूरा पीरियड काउंट होगा। टैक्स पेबल किस तरीके से निकलेगा? राइट, ये भी लिख दीजिए, डिटेल्ड इन मॉड्यूल 3। ये लिख दीजिए, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं। अभी सिर्फ हमें यह समझना था कि रिटर्न अगर नहीं भरते तो कितना परसेंट का इंटरेस्ट आता है। 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ का आता है। इसका पूरा कैलकुलेशन मॉड्यूल 3 के अंदर में कवर्ड है। तब तक कि आपको असेसमेंट समझ में आ जाएंगे, कंप्यूटेशन समझ में आ जाएगा, तब आप इसको बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इंटरेस्ट पेबल शैल बी रिड्यूस्ड बाय द इंटरेस्ट इफ एनी पेड अंडर 140A टुवर्ड्स द इंटरेस्ट चार्जेबल अंडर दिस सेक्शन। जरा समझिए इसका मीनिंग क्या होता है। मान लीजिए आपका 234A का इंटरेस्ट निकला 10,000 रुपीज एंड आपने सेल्फ असेसमेंट में खुद ही 234A का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था आपका लेट्स से 5,000 रुपीज। तो नेट इंटरेस्ट जो अब आपको पे करना पड़ेगा आफ्टर असेसमेंट 10,000 जो आपका एक्चुअली निकला है माइनस जो आपने खुद सेल्फ असेसमेंट में ही पे कर दिया था, आपको 5,000 का ही आपको 234A देना होगा। सो इंटरेस्ट पेएबल shall be reduced by the interest if any paid under 140A towards the interest chargeable under this section, getting it or not? चलिए, रिटर्न नहीं भरा तो क्या क्या हो सकता है? सर रिटर्न नहीं भरा तो क्या क्या हो सकता है? पहली चीज जो सर आपके साथ होगी वो होगा, आपको इंटरेस्ट लगेगा 234A का। कितना लगेगा? 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ। बस इतना याद रखें इस चैप्टर में। दूसरा, आपको क्या लग सकती है? फीस लग सकती है 234F की। तो 234F की आपको क्या लगेगी? फीस लगेगी। तीसरी चीज, आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये तो हम सेट ऑफ में भी देख लेंगे। राइट टू रिवाइज इज लॉस्ट, बिल्कुल सही बात है, आपने रिटर्न ही नहीं भरा या बिलेटेड रिटर्न नहीं भरा तो आप रिटर्न नहीं भर सकते, बिल्कुल सही है। डिपार्टमेंट एक्शन ले लेगा, ये दूसरे चैप्टर में डिस्कस्ड है हमारे, नेक्स्ट चैप्टर में असेसमेंट में। और हो सकता है आपके ऊपर क्या हो जाए? प्रोसिक्यूशन हो जाए, देखेंगे हम पेनल्टी प्रोविजन के अंदर में। तो सर अभी तक के हमने क्या किया? अब तक के हमने किया कि रिटर्न वॉलेंट्री मैंडेटरीली कैसे भरा जा सकता है, ये था पहला स्टेप। आइए इधर वापस से, वॉलेंट्री रिटर्न वाला पार्ट हमारा खत्म हुआ 139। अब हम जा रहे हैं दूसरे पार्ट के ऊपर, रिटर्न थ्रू एम्प्लॉयर। इसे एक और शब्दों के नाम से जाना जा सकता है, बल्क रिटर्न। तो यहां जाइए, यहां पे लिखिए बल्क रिटर्न। इसे एक और शब्दों से जाना जाता है बल्क रिटर्न। तो यहां पे आ जाइए, यहां पे लिख लीजिए बल्क रिटर्न। बराबर आओ सो बल्क रिटर्न ये क्या कंसेप्ट था मैं आपको बताता हूं, आपको पूरा लॉजिक समझ में आ जाएगा। हालांकि आज ये इतना ज्यादा फेमस कंसेप्ट नहीं है, पर हां ये कंसेप्ट तो है और बहुत फेमस कंसेप्ट था एक समय पे। 16 सिटीज में पायलट बेसिस पे लॉन्च किया हुआ एक कॉन्सेप्ट था बल्क रिटर्न या रिटर्न थ्रू एम्प्लॉयर। इंडिया की 16 सिटीज के अंदर ही था ये, पैन इंडिया भी नहीं था। अच्छा जी, इशू क्या था? अब जैसे जो सिटीज़ है, सिटीज़ लाइक जो जितने भी बड़ी सिटीज़ आप देख सकते हैं, यू नो लखनऊ हो गया, पुणे, मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, भुवनेश्वर, ऐसी कई बड़ी बड़ी सिटीज़ जो भी आप देखेंगे इंडिया के अंदर में। अब यहाँ पे जहाँ पे मेजर कॉर्पोरेट हाउसेस थे, ये लोग क्या करते थे, अब रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट आती है, तो यहाँ पर कोई नेशनल हॉलीडे या तो है नहीं, येस और नो। रिटर्न फाइलिंग की जब ड्यू डेट आती है तब यहाँ पर कोई नेशनल हॉलीडे तो है नहीं या पब्लिक हॉलीडे भी डिक्लेयर नहीं है। तो अब क्या होता था, असेसी रिटर्न ही फाइल नहीं करता था। फिर जब असेसमेंट होता था तो वो कहता था एक मिनट, ये वो बोलता था हाँ भाई लाओ, चलो लाओ, चलो लाओ, फीस निकालो, लाओ इंटरेस्ट निकालो, तुमने रिटर्न नहीं भरा। यू नो एम्प्लॉय, सर बॉस तो मार ही रहा है, आप भी मार लीजिए, क्या फर्क पड़ जाएगा। वो कह रहा है आप तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, तुमने रिटर्न नहीं भरा, ये तुम्हारी ड्यूटी थी, तुम्हें कंप्लायंस करना चाहिए था। हाँ सर करना चाहिए था, पर आप भूल रहे हैं, हम एक कॉर्पोरेट कल्चर में वर्क करते हैं, बॉस छोड़ता नहीं, 5 बजे जाने का टाइम होता है, अपने दर्द को भी जरा बयां कर रहा हूं सुन लेना, बॉस छोड़ता नहीं साला, जब 5 बजे 6 बजे मेरे को घर जाना होगा तभी मेरे बॉस को या उसके पार्टनर को फाइल देना सूझता है। पूरा दिन बैठा रहूंगा, बोलता रहूंगा सर कुछ काम दो, काम दो, काम दो, तब नहीं देंगे। ये इतने बेकार लोग हैं कि जब मैं ऑफिस से जाता रहूंगा तब इनको सूझेगा इसको काम देना है। और अर्जेंसी एकदम 5 बजे ही अर्जेंसी आ जाती है गौर करने की। जो आदमी मेरे को मेरे घर जाने के लिए नहीं छोड़ता, आपको लगता है वो रिटर्न के लिए छोड़ेगा? मेरा जेन्युइन कॉज है, आप मेरे पे पेनल्टी नहीं लगा सकते। हाँ, मैं आपको ये अधिकार नहीं दूंगा। एक मिनट, क्या अधिकार? अबे मैं लगा सकता हूँ, आई एम द एओ। पर तुम अपने बॉस से बात क्यों नहीं करते, रिटर्न भरने के लिए एक दिन छुट्टी दो। रिटर्न मेरी शादी के लिए छुट्टी नहीं दे रहा था, अटेम्प्ट आ रहा था सीए का तब नहीं दे रहा था। तुमको लगता है रिटर्न भरने जैसी चीजों के लिए देगा? नहीं देगा। आई होप आप समझ रहे हैं तकलीफ क्या थी, कि रिटर्न भरने के लिए छुट्टी नहीं दी जाती थी। अब ऐसे केसेस में क्या किया जाए, एक स्कीम निकाली गई कि एम्प्लॉई को अगर छुट्टी नहीं मिलती, एम्प्लॉई अपनी सारी डिटेल एम्प्लॉयर को दे, एम्प्लॉयर अपने अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से, हाँ एम्प्लॉयर अपने अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से क्या करेगा, इन सभी एम्प्लॉय के लिए रिटर्न भरवाएगा। ये रिटर्न ऑब्वियसली बात है फिजिकल तो हो नहीं सकते इतने सारे रिटर्न, क्योंकि लेट्स से अगर कंपनीज है, राइट, कंपनीज है लाइक जीएनएफसी, अब इसके हजारों एम्प्लॉय की डिटेल मिल जाएगी ऐसे केसेस में, क्योंकि उनका तो काय का पैसा बच रहा है, सीए का पैसा बच रहा है, सीए सीएमए का पैसा बच रहा है, जो भी प्रोफेशनल है उसका। तो ऐसे केसेस में क्या किया जाए, तो ऐसे केसेस में सभी एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को डिटेल देंगे, एम्प्लॉयर इनके सारे के आईटीआरस बनाएगा, इसे एक फ्लॉपी डिस्क में डालेगा या पेनड्राइव के अंदर में डालेगा, और ये पेनड्राइव अलॉन्ग विद द लिस्ट किस किस की डिटेल है, ये ले जाकर के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबमिट कर देता था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सभी चीजों को देख लेते थे, हाँ इतनी फाइल आई है, और एक एक के अगेंस्ट के नाम के आगे टिक कर देते थे और एक स्टैम्प मार के दे देते थे कि हाँ इतने लोगों का रिटर्न मिल गया है, और ये कंप्लायंस हो जाता था रिटर्न थ्रू एम्प्लॉयर या बल्क में एक साथ बहुत सारे रिटर्न, इसीलिए इसे बल्क रिटर्न के नाम से भी जाना जाता है। 16 सिटी में पायलट बेसिस पे इसे लॉन्च किया गया था और कंप्लीटली फेल कॉन्सेप्ट मिला ये इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसका रीजन ये था, एम्प्लॉय अपनी इनकम की डिटेल एम्प्लॉयर को बताना ही नहीं चाहता था। उसका एक और रीजन ये था कि अगर वो अपनी इनकम की डिटेल उसे बता देता तो हो सकता है कि उसको जो ग्रोथ मिलने वाली थी, जो प्रमोशन मिलने वाला था, या जो वो बार बार रोक के अपनी इनकम बढ़ा सकते का चांस था, वो खत्म हो जाता था। पर हां कुछ लोगों ने इसको यूज भी किया, कुछ लोगों ने नहीं भी किया, पर इनकम टैक्स में ये सेक्शन एज इट इज रह गया। काम आया या नहीं आया, आपका सिलेबस तो बढ़ गया। चलिए आइए बल्क रिटर्न के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। एवरीबॉडी कम टू पेज नंबर 7, talking about bulk return, 139A bulk return और ऑप्शन टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम थ्रू एम्प्लॉयर। बेर एक्ट को रीड कर लीजिए, मजा आ जाएगा। द स्कीम इज ऑप्शनल, यही वर्ड जो था जिसने स्कीम को क्या नहीं किया, फेमस नहीं किया। द स्कीम इज ऑप्शनल एंड प्रोवाइड एडिशनल मोड, इट इज एन एडिशनल मोड, सो एंड प्रोवाइड एन एडिशनल मोड ऑफ फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम बाय द पर्सन डिराइविंग सैलरी इनकम। दिस इज कॉल्ड एज सुविधा स्कीम एंड नोटिफाइड इन 16 सिटीज ओनली। 16 सिटी के अंदर में पायलट बेसिस पर लॉन्च किया गया था। अंडर द स्कीम एलिजिबल एम्प्लॉय मे फर्निश हिज रिटर्न ऑफ इनकम इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म टुगेदर विद द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट टू हिज एलिजिबल एम्प्लॉयर who has minimum 50 employees with income exceeding the exemption limit and who has 10, बराबर है। वो इसे क्या कर देगा, प्रोवाइड कर देगा। एम्प्लॉयर अल्टीमेटली क्या करता था, रिटर्न या फ्लॉपी डिस्क में डाल के, मैं रूल भी बता रहा हूं इसके साथ साथ वाले, रिटर्न और अदर फ्लॉपी डिस्क में डाल करके क्या कर देता था वो, फ्लॉपी डिस्क या अदर रीडेबल फॉर्मेट में डाल करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देता था, और इसे हम क्या करते थे, रिटर्न फाइल मान लेते थे। दिस इज वन ऑफ द मोड ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। सो बल्क रिटर्न अभी नहीं लिखना है, एक साथ लिख देंगे, छोटे छोटे सेक्शन है, एक साथ लिख देंगे। तीसरा मोड, वापस आइए, तीसरा मोड कौन सा है रिटर्न फाइलिंग का। सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बल्क रिटर्न काम का है क्या? बिल्कुल काम का नहीं है, पढ़ लेना और छोड़ देना, बिल्कुल काम का नहीं है। तीसरा था 139B सेक्शन को याद रखने का तरीका, बकवास स्कीम ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। जी हां, सेक्शन को याद रखने का तरीका, बकवास स्कीम ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। नाउ व्हाट इज द स्कीम ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम 139B, मैं आपको बता देता हूं, बहुत ईजी, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। टीआरपी उस टाइम, 2 दिन जब ये स्कीम लाई गई थी उस टाइम पे थी कांग्रेस सरकार, तो मजा सुनिएगा, ठीक है, मजा सुनिएगा, इस सेक्शन के पीछे आपको मजा आएगा पढ़ते वक्त। तो कई लोग गए किसके पास, सरकार के पास, कहा सर ये प्रोफेशनल लोग बड़े लूटते हैं रिटर्न फाइलिंग करवाते वक्त, ये लोग बहुत पैसा चार्ज करते हैं रिटर्न फाइलिंग का, सर हमें बचाइए। देन कांग्रेस सरकार ने बोला अच्छा हाँ ये लोग प्रोफेशनल बहुत लूटते हैं तुम्हें। सर मैं आपको एक बात बताऊंगा, लोग अभी भी आपको ये कहेंगे कि सर रिटर्न भरते वक्त आप लोग बहुत लूटते हैं। मैं आपको कहूंगा बिल्कुल कहे, हाँ हम लूटते हैं, हाँ बिल्कुल कहे, हाँ हम लूटते हैं, बिल्कुल कैमरे पे बोल रहा हूं, ध्यान से सुन, हाँ हम लूटते हैं। क्योंकि सुनिए ना, पूरी बात सुनिए, क्यों नहीं लूटना चाहिए। हमने हमारे 3.5 साल से ज्यादा साल इस कोर्स को दिए समझने के लिए, पढ़ने के लिए, जितने कानून होते उतने कानून को पढ़ा, अटेम्प्ट लगाए, हमारा बर्थडे वेस्ट किया, उसका बर्थडे वेस्ट किया, घर वालों के साथ फैमिली फंक्शन मिस किए, दिवाली मिस किए, होली मिस किए, और अगर ऐसा करते हैं इसके बावजूद तो हम डिजर्व करते हैं ये चीज। हमने उस एग्जामिनेशन को दिया जहां पे 40 चारों पेपर में आने के बावजूद भी हम फेल हुए, फिर से पूरे के पूरे पढ़ना पड़ा, अमेंडमेंट्स पड़ी, इसके लिए किया। संडे के दिन भी ऑफिस गए, उठ करके दिन रात ऑफिस के अंदर में काम करते रहे, उसके लिए भी किया। तो अगर हम ये सारी चीजें करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद कोई अगर कहता है कि हम ऐसा करते हैं, तो हाँ हम ऐसा करते हैं साहब, बहुत बहुत घसाई करने के बाद ये एटीट्यूड आया है, ये नहीं बदल सकता। खैर कंसेप्ट पे आते हैं, मोटिवेशन वाला पार्ट बाद में देखेंगे। द पॉइंट वाज, ये लोग कहते हैं कि ये लोग बहुत लूटते हैं, इनका कुछ उपाय कीजिए। देन सरकार ने कंसेप्ट लेके आया टीआरपी। 2 ऑब्जेक्टिव थे टीआरपी को लाते वक्त, एक ये जो प्रोफेशनल लोग लूटते हैं इनके अगेंस्ट में कोई प्रोविजन लेकर के आना, और दूसरा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर लेना। इसके तहत एक लॉ बनाया गया, जिसने भी लॉ बनाया बिल्कुल सस्ते नशे करके ये लॉ बनाया गया, बिल्कुल सस्ते नशे करके ये लॉ बनाया गया। लॉ के अंदर में क्लियर कट लिखा गया, सीए कैन नॉट बी अ टीआरपी। अरे हमको बनना ही नहीं है, बनना ही नहीं है। पूरी स्कीम सुनिए, आप खुद हंसेंगे मैं इसे क्यों बकवास स्कीम कह रहा हूं। टीआरपी कोई भी ग्रेजुएट टीआरपी बन सकता था, सरकार की पहली स्कीम देखिए, कोई भी ग्रेजुएट मतलब कॉमर्स वाला तो बन सकता था, साइंस वाला भी रिटर्न भरेगा। अच्छा, साइंस वाला भी रिटर्न भरेगा, जिसने इनकम टैक्स का आय नहीं भरा उसको एलिजिबल किया आपके रिटर्न भरने के लिए। आर्ट्स वाले भी रिटर्न भरेंगे, अच्छा जिनने आईटीआर इनकम टैक्स का आय नहीं पड़ा उनने। मैं तो कहता हूं कॉमर्स वालों पर भी हंसना चाहिए हम लोगों ने, कि कॉमर्स वालों को भी, जो बीकॉम है उनको भी ये राइट दिया गया। मैं आपको बताता हूं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि खुद हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो 1 साल पीछे चलती है। हाँ, हमारे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट 1 साल आगे चलते हैं, जबकि बीकॉम वाले इंस्टीट्यूट 1 साल पीछे चलते हैं जब टैक्स कैलकुलेशन की बात आती है। तो ऐसे आप देख लीजिए, अपना बीकॉम का सिलेबस आपको ओल्ड पढ़ाया जाता है, उसके अंदर में जब इनकम टैक्स का प्रोविजन आता है, ये लोग आपको लगता है एलिजिबल थे रिटर्न भरने के लिए, नहीं। साइंस वाला आपके रिटर्न भरेगा, वाह बहुत बढ़िया। दूसरा कहा सीए नहीं भर सकता रिटर्न, बहुत बढ़िया। मतलब जिसने अपने लाइफ के क्रूशियल 2 साल इसकी थ्योरी पढ़ी है और 3.5 साल इसका एप्लीकेशन किया है, उसको आपने राइट नहीं दिया, बहुत बढ़िया साहब। अच्छा जी, फिर क्या, टीआरपी को बैठने की जगह बताई गई। टीआरपी शैल बी द पार्ट ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसे इनकम टैक्स के अंदर ही जगह दी गई टीआरपी को बैठने के लिए। वाह, मतलब आप वहां पे एक बंदा बैठा है, आप वहां पे जाकर के उससे डिस्कस करेंगे कि मुझे इनकम को कम करना है। जब भी कोई क्लाइंट आता है वो ये बोलता है मुझे इनकम कम करना है, मुझे टैक्स कम पे करना है, आप डिपार्टमेंट में ही बैठ के डिपार्टमेंट के आदमी को बोलेंगे मुझे कम करना है। आपको लगता है वो कम करेगा? नहीं। फेल्ड स्कीम टीआरपी। फिर इनको अभी 2 साल पहले याद आया कि यार ये स्कीम कुछ सक्सेसफुल नहीं हो पा रही, पर हमने स्कीम तो ला करके रखी है, तो क्या किया जाए? उन्होंने बोला क्वालिफिकेशनल जो पीपल है इनको चेंज किया जाए। तो क्वालिफिकेशन ऑफ टीआरपी को चेंज किया गया, जिसके तहत नया क्वालिफिकेशन क्या आया? पहला, एनी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट आ सकता था। ये तो लूपहोल था ही था। दूसरी बात सुनिए, आप हंसिएगा मत, दूसरी बात सुनिए, उन्होंने कहा कि बॉस कोई भी सीए, सीएस, CMA इंटरमीडिएट पास स्टूडेंट इस टीआरपी बन सकता है। बहुत बढ़िया, शानदार, मस्त, एक नंबर। इसका क्या मतलब हुआ? आई लाइक यू एज अ फ्रेंड। मतलब आपको हमारा फिनिश प्रोडक्ट नहीं चाहिए, पर आपको हमारा रॉ मटेरियल चाहिए। इसका क्या मीनिंग हुआ आई लाइक यू एज अ फ्रेंड? ये क्या बात हुई साहब? आपको हमारा फिनिश प्रोडक्ट नहीं चाहिए, बट यू वांट अवर रॉ मटेरियल। क्यों? और जो बच्चा, अच्छा उन्होंने क्या बोला है, पास द इंटरमीडिएट एग्जाम, मतलब वो बच्चा फाइनल में होगा। मैं एक सवाल पूछता हूं, जो बच्चा फाइनल में होगा वो टीआरपी क्यों बनना चाहेगा? उसको पता है जब वो एक एग्जाम दे करके प्रोफेशनल बन सकता है। जिसने भी लिखी, पक्के नशे करके प्रोविजन लिख दी लिखने वाले ने, तो साहब समझ में आ रही है बात। तो चलिए टीआरपी पढ़ते। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ और भी बात सुनिए। टीआरपी कौन से रिटर्न नहीं भर सकता, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। टीआरपी कौन से रिटर्न नहीं भर सकता? अगर एसएससी टैक्स ऑडिट के अंदर कवर है तो टीआरपी वो रिटर्न नहीं भर सकता। अच्छा, क्यों? आपको ग्रेजुएट करते वक्त बताया नहीं होगा टैक्स ऑडिट कैसे करते हैं। हाँ, इसके लिए ना, हाँ, एक टीआरपी नॉन रेसिडेंट का रिटर्न नहीं भर सकता। हाँ, इंटरनेशनल टैक्सेशन नहीं है आप लोग को। हाँ, मैं तो भूल ही गया, ग्रेजुएशन करते वक्त इंटरनेशनल टैक्स होता ही नहीं। तीसरा, अगर ओरिजिनल रिटर्न टीआरपी ने नहीं भरा है तो रिवाइज रिटर्न टीआरपी नहीं भर सकता। हाँ, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा ना हमने किया क्या है। समझ रहे हैं ना, उसको समझ में नहीं आने वाला हमने किया क्या है, तो बस ये नहीं कर सकते हो। इसके तहत प्रोविजन बना दी। जो भी कुछ हुआ हो, सक्सेसफुल हुई हो नहीं हुई हो, आपका तो सिलेबस बढ़ गया साहब। आइए आगे चल के देखते। टीआरपी इज एन इंडिविजुअल हु इज ऑथराइज्ड टू एनेबल एनी स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन टू प्रिपेयर एंड फर्निश देयर रिटर्न ऑफ इनकम। हु कैन बी टीआरपी? एन इंडिविजुअल और एचयूएफ कैन बी टीआरपी। पर्सन नॉट एलिजिबल टू बिकेम टीआरपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रोफेशनल CA, CSCMA, लेकिन नाम सिर्फ लिखा चार्टर्ड अकाउंटेंट का। दूसरा, एनी लीगल प्रैक्टिशनर हु इज एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस इन एनी सिविल कोर्ट। लीगल प्रैक्टिशनर, लीगल प्रैक्टिशनर क्यों लाया? लॉजिक था, क्योंकि जब बहुत ज्यादा सीए नहीं थे तो गांव में अभी भी ऐसा होता है कि जो एडवोकेट होते हैं वो रिटर्न भर देते हैं, उन्हीं को भैया ये बोला है। कई बार सीए साहब को लॉयर भी बोला जाता है, ऐसा बोलते वक्त जो गांव के लोग होते हैं वो बोल देते हैं, ऐसा ना वकील साहब, ऐसा बोला जाता है। एन एम्प्लॉय ऑफ स्पेसिफाइड क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन, सो एक स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं बन सकता। इसमें अब तक एक ही था, एम्प्लॉय ऑफ शेड्यूल्ड बैंक, वो बताया हुआ है। तो 3 लोग नहीं बन सकते, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लीगल प्रैक्टिशनर एंड एम्प्लॉय। एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन, आहा क्या बात है। देखिए, ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, ग्रेजुएट वर्ड यूज किया है, यानी बीकॉम, BSc और आर्ट्स वाले भी ये कर पाएंगे। बहुत बढ़िया साहब। हु हैज क्लियर्ड द इंटरमीडिएट एग्जाम ऑफ CA, CSCMA इंस्टीट्यूट। अच्छा जी, यू वांट अवर रॉ मटेरियल बट यू डोंट वांट अवर फिनिश प्रोडक्ट। बहुत बढ़िया साहब। रिटर्न विच कैनॉट बी फाइल्ड बाय टीआरपी, ये आपका कुल मिलाकर के इस पूरे प्रोविजन में ये याद रखना। हो सकता है एमसीक्यू बोल करके आपको पूछ ले। पहला, पर्सन कवर्ड अंडर द टैक्स ऑडिट, जो टैक्स ऑडिट के अंदर में कवर्ड है उसका रिटर्न टीआरपी नहीं भर सकता। पॉइंट 1। पॉइंट 2, रिवाइज रिटर्न इफ ओरिजिनल रिटर्न इज नॉट मेड बाय टीआरपी, अगर ओरिजिनल रिटर्न टीआरपी ने नहीं भरा है तो रिवाइज रिटर्न टीआरपी नहीं भर सकता। एंड पर्सन हु इज नॉट अ रेसिडेंट इन इंडिया, अगर पर्सन इंडिया में रेसिडेंट नहीं है तो उसका रिटर्न टीआरपी नहीं भर सकता। गेम ओवर। वन 39B स्कीम ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। तो रिटर्न भरने के कुछ तरीके, पहला तरीका था 139, दूसरा तरीका था 139(1A), तीसरा तरीका था 139(b) और चौथा तरीका है 142(1). 142(1) हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, असेसमेंट प्रोसीजर, बिल्कुल इसी के बाद वाला टॉपिक है, वहां पे हम लोग उसको देखेंगे डिटेल के अंदर में। ये हुआ प्रभु, लिखेंगे, सब लिखेंगे, टेंशन मत लो। फिर आया 139(1C). नाउ व्हाट इज 139(1C)? 139(1C) बहुत ही अच्छा सिचुएशन, बहुत ही अच्छा केस। इसके अंदर में क्या किया गया है, गवर्नमेंट को एक पावर दिया गया है। किसको पावर दिया गया है? गवर्नमेंट को एक पावर दिया गया है कि वो कुछ क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन को एग्जम्प्ट कर सकती है फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। कुछ क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन को एग्जम्प्ट किया जा सकता है फ्रॉम फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। अब समझते हैं कौन कौन से पर्सन को एग्जम्प्ट किया जा सकता है। पहला, सर क्या गवर्नमेंट के पास ऐसा पावर है? हाँ, एक पावर को कुछ सालों पहले यूज किया गया था, जहां पे इन्होंने कहा था कि अगर किसी भी व्यक्ति की इनकम 5 लाख रुपए तक की है तो उसको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 1 साल वो प्रोविजन रखा था, निकाल भी दिया था, और ये प्रोविजन खाली थी कई सालों से। इन 2019 इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया और एक क्लास ऑफ पर्सन को इंक्लूड किया गया, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर उसको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। पर सरकार क्या ऐसा कुछ पावर यूज कर सकती है? यस, ऐसा एक पावर 139(1C) के अंदर में दिया है, दैट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन गिव एग्जम्पशन टू क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन फ्रॉम नॉट फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। चेक कीजिएगा, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर, मैं हूं पेज नंबर 7 पे, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर। अच्छा, एक और बात मैं बोलते बोलते बोल दूं, देखिए कई बार ऐसा होता है, राइट, कि मैं आपको पेज नंबर बोलता हूं, ठीक है, बट हो सकता है कि अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन लगे तो मैं उस पेज को बीच में इंसर्ट कर दूं, और जब तक आपके पास बुक पहुंचे हो सकता है इसमें एक आधी एक्स्ट्रा पेज इंसर्शन के अंदर में हो जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है और मैं ऐड कर दूंगा। इस इंसर्शन के कारण होता यह है कि माइट बी, अभी वीडियो के अंदर में जो मैं आपको सेक्शन बता रहा हूं वो हो सकता है आगे पीछे हो जाए, मतलब पेज नंबर 7 पे ना देखे 8 पे पहुंच जाए। तो आप टेंशन मत लीजिए, आपके अंदर में वो सारी चीजें मिलेगी, बट इतना कष्ट कर लेना कि आगे पीछे पलट के देख लेना, क्योंकि पिछले बार भी ऐसा हुआ कि वो सेक्शन एक पीछे के पेज में था। एक बच्चा सीए फाइनल वाला मेरे को मैसेज करता है कि सर आपने तो पेज नंबर 7 बोला था, पेज नंबर 7 पे वो दिख ही नहीं रहा है। देन आई मैसेज हिम, डियर स्टूडेंट प्लीज टर्न द पेज। तो सर आप प्रोफेशनल है, उतनी बात आप समझ सकते हैं, बस मेरा ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है कि आपको कुछ छोड़ना नहीं है। तो चला, चेक कीजिएगा, Central government has power to exempt by notification any class or classes of person from filing return of income having regards to the condition as may be prescribed in the notification. Every notification should be laid before the parliament. और ऐसा एक notification 2019 में आया, notification number 55 2019, जिसमें exempt किया गया non resident और foreign company को। जी ध्यान से सुनिएगा, और नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी, काम का है? हाँ सर काम का है। नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी हु हैज इनकम चार्जेबल अंडर द एक्ट इन द प्रीवियस ईयर फ्रॉम एनी इन्वेस्टमेंट इन द इन्वेस्टमेंट फंड सेटअप इन IFSC शल नॉट बी रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न। अब जरा समझिए पूरे डिटेल को। IFSC क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। जी हाँ, मोदी गवर्नमेंट की एक बहुत इंपॉर्टेंट सोच IFSC लाया गया। 2014 की बात है। 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आया तो आपको पता होगा मोदी जी के 1.0 टर्म के अंदर में मोदी जी कई अलग अलग फॉरेन कंट्री गए और फॉरेन कंट्री से बहुत सारा फंड इंडिया लेकर के आए। साथ ही साथ में फॉरेन कंपनीज लाइक एप्पल, आप ये सारी चीजें गूगल पे देख सकते हैं, राइट, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और टेस्ला और ऐसी कई लाइक सैमसंग, इन सभी कंपनी को बोला गया कि आप इंडिया में आइए, मैं आपको यहां पे जगह प्रोवाइड करूंगा, क्लियरेंस प्रोवाइड करूंगा, लो टैक्स प्रोवाइड करूंगा और आपको सारी फैसिलिटी दूंगा, बट यू मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए ऐसा एक सेंटर डेवलप किया गया। IFSC इंडिया में 2 जगह पे अभी ऑपरेशनल है, मैं आपको बता दूं। एक है गिफ्ट सिटी, आपके पास गूगल है, गूगल कीजिएगा गिफ्ट सिटी, आपको दिख जाएगा गिफ्ट सिटी, गुजरात के अंदर में है, वहां पे एक IFSC सेटअप किया गया है। दूसरा IFSC इन मेकिंग है तेलंगाना के अंदर में। तेलंगाना न्यू स्टेट था और इस स्टेट को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया, एक नया IFSC गुजरात के अंदर में सेटअप किया गया। तीसरी बात चल रही है जम्मू कश्मीर के अंदर में सेटअप किया जाए, ताकि इतने सालों से जब तक के आर्टिकल 370 था वहां पे इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो पाती थी बिकॉज ऑफ मेनी ऑफ द रीजन। अब एक और ऐसा थॉट है कि एक IFSC को कहां सेटअप किया जाए, जम्मू कश्मीर में सेटअप किया जाए, ताकि वहां के जो भी लोग हैं वहां पे प्रॉस्पेरिटी है। इस वजह से एज ऑफ नाउ 2 जगह ऑपरेशनल है। तो क्या कहा गया, जैसी आईएफएससी सेटअप किया गया, नॉन रेसिडेंट्स को वहां अट्रैक्ट करने के लिए कहा गया कि अगर कोई भी नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी आ करके इनकम कमाती है, इन्वेस्ट करती है, कहां इन्वेस्ट करती है, इन्वेस्टमेंट फंड जो आईएफएससी में सेटअप है इसमें इन्वेस्टमेंट करती है, तो जितना भी इनकम ये लोग कमा रहे हैं राइट, इस पे अगर टीडीएस हो जाता है तो इन्हें रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। कंप्लायंस से इनको दूर कर दिया, कह दिया गया कि आपको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी, प्रोवाइडेड बस आपका टीडीएस हो जाए तो हम आपको क्या नहीं करेंगे, रिटर्न नहीं भरने देंगे। तो वापस से सेक्शन पे चलता हूं। सेक्शन कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ क्लास और क्लासेस ऑफ पर्सन को क्या कर सकती है, एग्जम्प्ट कर सकती है, प्रोवाइडेड एक नोटिफिकेशन निकाला जाए। नोटिफिकेशन आया नोटिफिकेशन नंबर 55/2019, जिसने कहा नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी जिसने इन्वेस्टमेंट से इनकम कमाई है जो आईएफएससी में सेटअप है, अगर इनका टीडीएस कट हो जाता है तो इनको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी, कंप्लायंस बर्डन कम कर दिया इनके लिए। चेक कीजिएगा, प्रोवाइडेड द टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड, क्या कंडीशंस है, टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड, देयर इज नो अदर इनकम लायबल टू टैक्स एंड नो नोटिस अंडर द रिस्पेक्टिव सेक्शन हैज बीन इशूड टू डिपार्टमेंट। तो इनके खिलाफ कोई केस नहीं चल रहा होना चाहिए, टीडीएस डिडक्ट हो जाना चाहिए और इनको इसके अलावा कोई इनकम ना हो इंडिया से, तो बस काम खत्म, इन्हें रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी। ऐसा एक एग्जम्पशन इन्हें क्या किया गया है, प्रोवाइड किया गया है। दिस वाज 139(1)(c) एग्जम्पशन फ्रॉम फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम। आइए लिखने का भी काम कर लेते हैं। रजिस्टर उठाइए, रजिस्टर उठा करके हम लोग क्या करेंगे साहब, लिख लेंगे क्योंकि लिखना जरूरी है। सबसे पहला सेक्शन हम लोगों ने पढ़ा था 139(1)(a), यहां पे सीधा सीधा जाइए, लिखिए रेफर नोट्स। फालतू चीजों पे बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिए। 139(b) रिटर्न थ्रू टीआरपी, रिटर्न थ्रू टीआरपी individual and HUF can be TRP who shall assist in filing return but following person can't be TRP: A. Chartered accountant, B. legal practitioner, C. specified person. They can't be TRP. TRP cannot file following return. TRP कुछ रिटर्न फाइल नहीं कर सकता, रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट इफ ओरिजिनल रिटर्न इज नॉट फाइल्ड by TRP revised return can't be filed person covered in tax audit. लास्ट पार्ट लिख दीजिए, TRP shall have prescribed qualification. TRP shall have prescribed qualification. डन सर। आइए आगे बढ़ते हैं सर। आगे बढ़ के कुछ और चीज़ें कर लेते हैं। वन थर्टी नाइन वन सी यहाँ लिख दीजिए रेफर नोट्स। देखिए जिसको लिखना है सिर्फ वो पार्ट लिखिए, जिसको आप अवॉइड कर सकते हो वो पार्ट बिल्कुल अवॉइड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम ऐसी जगह पे लगाओ जो सच में फ्रूटफुल हो। अब जैसे टीआरपी फ्रूटफुल है, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है, हम लोगों ने कंसिडर कर लिया, नहीं होगा नहीं कंसिडर करेंगे, बाकी जगह पे आप सीधा लिख दीजिए रेफर नोट्स। नोट्स में ही इनका बहुत शॉर्ट में दिया होगा तो वो कवर हो जाएगा। ठीक है प्रभु, बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब सर आते हैं हम लोग 139(3) लॉस रिटर्न, पेज नंबर 8 पे आ जाइए। 139(3) लॉस रिटर्न के ऊपर हम लोग आ जाते हैं। एज सच देयर इज नो कंसेप्ट कॉल्ड एज लॉस रिटर्न। एक बात आप ये समझ के चलिए, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है लॉस रिटर्न का। अ रिटर्न व्हिच शोज अ लॉस मे बी कॉल्ड एज अ लॉस रिटर्न। पॉइंट 1। पॉइंट 2, लॉस रिटर्न के भरने की जरूरत क्यों है? सबसे पहले तो ये बात कि गवर्नमेंट को पता चले दैट यू हैव इनकर्ड अ लॉस। जनरली ऐसा होता था कि सभी व्यक्ति लॉस इनकर्ड करते थे, और ऐसे केस में ये होता है कि अगर आप बहुत परमानेंटली लॉस डिक्लेयर कर रहे हैं तो एओ बहुत सी बार असेसमेंट करता ही करता है, बराबर है। और साथ साथ में इनकम टैक्स में प्रोविजन भी है लॉस कैरी फॉरवर्ड करने की। तो आपको अगर लॉस आया है और आप उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, पहले डिपार्टमेंट को भी तो पता होना चाहिए कि देयर इज समथिंग लॉस दैट असेसी हैज सेटेड ऑफ in future, and that's why there is a concept of loss return. Now if you wish to कैरी फॉरवर्ड द लॉस, सेट ऑफ हो जाएगा, सेट ऑफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आपको कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको लॉस रिटर्न भरना होगा। सर लॉस रिटर्न नहीं भरे तो क्या होगा? लॉस कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड। दिस इज अ वेरी सिंपल रूल, देयर मस्ट बी अ लॉस रिटर्न, लॉस कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड जिसके बगैर। ठीक है सर। अच्छा मुझे एक बात बताइए सर, क्या हर साल लॉस रिटर्न भरना जरूरी है? आई मीन टू से, लेट्स से ईयर 1 के अंदर में लॉस आ जाता है 5 लाख रुपीस का, ठीक है। ईयर 2 के अंदर में ये लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाता, ये लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाता। ईयर 2 में यहाँ पे मैंने रिटर्न ऑफ इनकम भर दिया, ईयर 2 में मैं रिटर्न ऑफ इनकम नहीं भरा, मैंने बोला सरकार को ऑलरेडी पता ही है रिटर्न ऑफ इनकम क्या भरना, बराबर है। क्या ईयर 3 के अंदर में ये कैरी फॉरवर्ड हो पाएगा, हाँ या ना? इसका जवाब आप अपने आप से जरूर पूछे, दिल से जरूर पूछे। सवाल है ईयर 1 के अंदर में लॉस आया, इस साल लॉस का आपने रिटर्न भी भर दिया, ईयर 2 के अंदर में किसी रीजन वर्ष ये लॉस कंप्लीट नहीं हो पाया, दिस लॉस कुड नॉट बी सेटेड ऑफ इन ईयर 2। सवाल वेदर assessee can carry forward in year 3 if the return for the purpose of year 2 is not filed. रिटर्न यहां पे फाइल हुआ ही नहीं है, बताइए अब कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, हाँ या हाँ? क्या आया मन में? नहीं। कुछ लोगों के मन में आया हाँ, और इसका जवाब है हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हो। लॉ कहता है कि आपको जो रिटर्न भरना है वो फर्स्ट ईयर ऑफ लॉस में भरना है। हर साल आपको रिटर्न भरने की जरूरत नहीं, लेकिन जिस साल लॉस अराइज हुआ उस साल तो आपको रिटर्न भरना ही भरना है। जिस साल लॉस अराइज हुआ उस साल तो आपको रिटर्न भरना ही भरना है, ये बात का प्रोविजन आप याद रखिएगा। क्लियर है मालिक? सो इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लॉस यू मस्ट फाइल द लॉस रिटर्न। अच्छा जी सर, सर लॉस रिटर्न भरना है लेकिन इसके 2 एक्सेप्शन है। 2 एक्सेप्शन है मतलब क्या? 2 केसेस के अंदर में आपने लॉस रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं भी किया तो आप लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जनरल रूल ये है कि अगर आपको लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको रिटर्न टाइम पे फाइल करना जरूरी है, पर 2 केसेस में रिटर्न आपने टाइम पे फाइल नहीं किया तो भी आप लॉस कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। अब आप ये पूछेंगे कि वो कौन से 2 ओकेजन है जहां पे रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं हुआ तो भी लॉस कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे? 2 ओकेजन है, पहला हाउस प्रॉपर्टी लॉस और दूसरा है अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। हाउस प्रॉपर्टी लॉस एंड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का रिटर्न आपने टाइम पे फाइल नहीं भी किया तो भी आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। फर्दर मोर अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन का तो केस ऐसा भी है जहां पे आपने रिटर्न फाइल नहीं भी किया तो भी अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, जिसपे एक सुप्रीम कोर्ट ने बोला था अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन बिकेम द पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ नेक्स्ट ईयर, तो आप उसका रिटर्न नहीं भी भरोगे तो भी चलेगा। कुल मिलाकर के प्रोविजन को ईजी बना देते हैं। एचपी और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को छोड़ के, एचपी और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को छोड़ के कोई भी लॉस अगर आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आपको रिटर्न विद इन द ड्यू डेट्स, ड्यू डेट 139(1) की ड्यू डेट के अंदर में रिटर्न फाइल करना जरूरी है। एचपी की अगर बात करूं, ड्यू डेट पे रिटर्न नहीं भी भरा तो भी आप लॉस कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे, लेकिन रिटर्न तो भरना पड़ेगा। बिलेटेड भरो, रिटर्न तो भरना पड़ेगा। तीसरा, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, टाइम पे फाइल नहीं किया या रिटर्न ही फाइल नहीं किया तो भी आप क्या कर सकते हैं, लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। याद रखें, जिस साल लॉस आता है, इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लॉस आपको क्या करना है, रिटर्न फाइल करना है। इस बात को याद रखिएगा। अच्छा जी सर, सेम चीज सेक्शन आपका 80 भी कहता है। आइए पहले प्रोविजन पढ़ लेते हैं, उसके बाद सेक्शन के मजा ले लेंगे हम लोग। आ जाओ सर, लॉस रिटर्न 139 subsection 3. If a person has sustained a loss under the head of PGBP or under the head of capital gain and claims that loss should be carried forward. मान लीजिए लॉस आया, सेट ऑफ करने के लिए आपको रिटर्न का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक बात याद रखिए, कैरी फॉरवर्ड करना है तो रिटर्न भरना है। So under the head of PGBP or capital gain claims that such loss be carried forward under section 72, 73, 73A, 74, 74A. अगर आपको चाहिए तो ये सारे टॉपिक आपको एक चैप्टर कवर है, सेट ऑफ वहां चल के हम लोग देख लेंगे बाद में। They may furnish a return of loss within the time limit under 139(1). यानी लॉस रिटर्न जो आपको फाइल करना होता है, ये within the due date under 139(1) ही फाइल करना होता है। And all provision of the income tax shall apply as if a return furnished under 139(1). ठीक है साहब, सेक्शन 80 क्या कहता है, रीड करें साथ साथ में। Notwithstanding anything contained in chapter 6, जो भी कुछ लिखा है आपको ये कवर नहीं किया था। लॉस विच हैज नॉट बीन डिटरमाइंड इन पर्सुएंस टू द रिटर्न फाइल्ड इन अकॉर्डेंस विद 139(3) शैल नॉट बी अलाउड टू बी कैरिड फॉरवर्ड। अगर आप लोगों ने क्या नहीं किया, लॉस रिटर्न सबमिट नहीं किया तो लॉस आपको कैरी फॉरवर्ड करने नहीं मिलेगा। इन पर्टिकुलर सेक्शन का पीजीबीपी एंड कैपिटल गेन्स के लॉस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया विद इन द टाइम लिमिट ऑफ 139(1). ऐसा कौन कहता है, सेक्शन 80 आपसे कहता है। सिंप्लीफाइड एनालिसिस में आइए, पहले केस लॉट छोड़िए, पहले सिंप्लीफाइड एनालिसिस में आइए। एनी रिटर्न विच हैज अ लॉस अंडर द हेड द रिटर्न ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ लॉस, वर्ड देखिए क्या लिखा है, द रिटर्न ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ लॉस विच इज रिक्वायर्ड टू बी कैरीड फॉरवर्ड इज कवर्ड अंडर दिस सेक्शन। टू गेट द बेनिफिट ऑफ कैरी फॉरवर्ड रिटर्न शुड बी फाइल्ड विद इन द टाइम लिमिट अंडर 139(1). तो अगर आपको लॉस का रिटर्न का बेनिफिट लेना है तो आपको रिटर्न भरना है 139(1) के अंदर में। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये हाईलाइट करके रखिएगा, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन हाउएवर बी कैरीड फॉरवर्ड इवन इफ लॉस रिटर्न इज नॉट फाइल्ड ऑन टाइम। CIT वर्सेस गोविंद नागर शुगर मिल 2011 जजमेंट के बॉस, अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड करना है, लॉस रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया तो भी चलेगा। CBDT हैज पावर टू कंडोन द डिले इन फाइलिंग रिटर्न ऑफ लॉस। अगर आपको याद हो, मान लीजिए आपने ये प्रोविजन, समझाता हूं, आपने पढ़ा है और मैंने आपको बोला था मैं आगे इसको और भी डिस्कस करूंगा, अब वो टाइम आ गया है। मान लीजिए लॉस रिटर्न था, लॉस रिटर्न को 139(1) के अंदर में क्या करना था, आपको रिटर्न फाइल करना था तो ही कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट मिल सकता था, अदरवाइज कैरी फॉरवर्ड का बेनिफिट नहीं है। याद आ रहा है, बिल्कुल सही। मान लीजिए रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया, कुछ मजबूरी थी, रिटर्न टाइम के फाइलिंग के टाइम पे ही कुछ हादसा हो चुका था, हम नहीं कर पाए, रीजन था कुछ, हम नहीं कर पाए। अब बताइए सर क्या होगा, माफी नहीं मिलेगी इस बात की? नहीं, माफी मिल सकती है। याद होगा तो आपको कंडोनेशन मिल सकता है सेक्शन 119 के अंदर में। सेक्शन 119 आपको कंडोनेशन दे सकता है, अगर वो चाहें तो भले ही आपकी ड्यू डेट जा चुकी है फिर भी आपके लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने का बेनिफिट दे सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको CBDT के ऊपर एप्लीकेशन लगानी होगी। इस बात को भी पूरा ध्यान रखना होगा। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन बी कैरीड फॉरवर्ड इवन इफ नो रिटर्न हैज बीन फाइल्ड। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को वरदान मिला हुआ है कि वो रिटर्न फाइल नहीं भी हो। देखिए, HP रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं हुआ, कैरी फॉरवर्ड कर दो, पर रिटर्न तो भरना ही है। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, रिटर्न फाइल हो रिटर्न फाइल ना हो, आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड करने मिल जाएगा, आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड करने मिल जाएगा। एक बार ये पढ़ लीजिए। ये जो अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन का कॉन्सेप्ट है ये कहां से आया है? आप चाहें तो एक ऐसा एरो बना ले, दिस इज अ मद्रास कोर्ट जजमेंट ईस्ट एशियाटिक कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जहां पे बोला गया था अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड इवन इफ रिटर्न ऑफ इनकम इज फर्निश्ड आफ्टर द ड्यू डेट अंडर 139(1). सो ये भी केस इसी से रिलेटेड है। और इसी के नीचे ये देखिए, ये भी एक और केस है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो मैं एरो थोड़े से गलत बना रहा हूं, ये वाला केस एशियाटिक लाइब्रेरी से जुड़ा हुआ है और ये वाला केस आपका जुड़ा हुआ है CIT वर्सेस हरियाणा होटल्स पंजाब एंड हरियाणा। एशियाटिक कंपनी लिमिटेड, मैंने एशियाटिक लाइब्रेरी बोला, इट इज इन मुंबई, इट्स अ वेरी फेमस लाइब्रेरी, एशियाटिक कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। वर्ड देखिएगा, द सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ डेप्रीसिएशन इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 एंड इज नॉट गवर्न्ड बाय चैप्टर 6। सेक्शन 80 overrides chapter 6 but it does not override section 32 subsection 2. Section 32(2) nowhere provides that return of income should be filed on or before the due date for carry forward of unabsorbed depreciation. Therefore, unabsorbed depreciation can be carried forward even if return is furnished after the due date under 139(1). बात क्लियर है कि सर सेक्शन 80 ओवरराइड करता है पूरे एक्ट को, लेकिन ये ओवरराइड नहीं करता चैप्टर 6 को, राइट। और कहीं पे भी ये कहीं पे भी ओवरराइड नहीं करता सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 को। सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 को जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए रिटर्न भरना होगा। हेंस उन्होंने कह दिया कि अगर रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं भी किया तो भी हम अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को कैरी फॉरवर्ड करने दे देंगे। CIT वर्सेस हरियाणा होटल। देयर इज नो प्रोविजन इन द एक्ट अंडर विच इट मेक मैंडेटरी फॉर द असेसी टू फाइल रिटर्न फॉर कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ऑफ अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन एज इन केस ऑफ अनएब्सॉर्ब्ड बिजनेस लॉस। देयरफॉर unabsorbed depreciation can be carried forward even if no return has been filed. तो आप देख सकते हैं जो बातें हमने सिंप्लीफाइड एनालिसिस में लिखी है उसके पीछे ये दो जजमेंट है और इसलिए ऐसा है। कुल मिलाकर के प्रोविजन को समाप्त करते हैं 139(1)। अगर आपको HP और अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को छोड़ के कोई भी लॉस को अगर कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको रिटर्न भरना जरूरी है विद इन 139(1). हालांकि आप 139(1) में नहीं भी भर पाए तो CBDT से कंडोनेशन मांग सकते हैं। दूसरी बात, HP कि अगर हम बात करें, रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किया तो भी चलेगा, बट लॉस रिटर्न तो आपको भरना ही होगा, आप तभी कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। तीसरा, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, रिटर्न भरा हो या नहीं भरा हो आप कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को। ये सारा कुल मिलाकर के कॉन्सेप्ट बन गया है। इज दैट डन? आइए साहब, लिखने का कार्य अभी ही एक काम करते हैं, लिखने का काम 2 मिनट बात करते हैं, नेक्स्ट सेक्शन पढ़ते हैं फिर करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर आते हैं हम लोग, बी रिलेटेड रिटर्न। 1 मिनट रीड कीजिए पहले, फिर हम इसको पढ़ेंगे। रीड करना मैंडेटरी आप सभी के लिए। डन सर, आते हैं 139(4) के ऊपर। क्या लिखा है? बी रिलेटेड रिटर्न। जैसे बी रिलेटेड हैप्पी बर्थडे होता है, बिल्कुल वैसे ही बी रिलेटेड रिटर्न भी होता है। हाँ, बी रिलेटेड रिटर्न का प्रोविजन लाया गया। क्या कहा गया? कहा गया इफ अ पर्सन फेल टू फाइल द रिटर्न अंडर 139(1) ही कैन स्टिल फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम। ऑब्वियसली बी रिलेटेड रिटर्न क्या महत्व रखता है? बी रिलेटेड रिटर्न का महत्व तो रखता ही है, लेकिन स्टिल मैं आपको बता दूं 234A का इंटरेस्ट लगेगा, बिल्कुल लगेगा। फीस लगेगी, बिल्कुल लगेगी। बट हाँ, आप पेनल्टी से बच सकते हैं और इसके लिए रिटर्न भर दीजिए, वो ज्यादा बेटर है। बी रिलेटेड रिटर्न ही क्यों ना हो, पर भर दीजिए, बराबर है। अच्छा, बी रिलेटेड रिटर्न एक और प्रॉब्लम लेकर के आता है और वो प्रॉब्लम है लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। हाँ, एचपी लॉस हो सकेगा, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन हो सकेगा, बट बाकी कोई लॉस नहीं रख सकते। इसका रीजन बड़ा सिंपल है कि लॉस अगर कैरी फॉरवर्ड करना है तो रिटर्न टाइम पे फाइल करना जरूरी है 139(1) में, और 139(1) में रिटर्न नहीं हुआ तो ऑब्वियसली वो बिलेटेड रिटर्न हो गया 139(4) में। हेंस लॉस कैरी फॉरवर्ड करने का राइट चला जाएगा। इसीलिए सभी लोगों को हम लोग बहुत अच्छे से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर रिटर्न आप अपने टाइम पे भर दीजिए, पर आपको तो क्लाइंट पता है नहीं देता डिटेल, अपने हो क्या समझ लेना। डन। अच्छा जी, कब तक के बिलेटेड रिटर्न फाइल किया जा सकता है? बाय व्हाट टाइम बिलेटेड रिटर्न कैन बी फाइल्ड? बाय द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, बाय द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, बाय द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर। मतलब आपका प्रीवियस ईयर अगर 2021 है तो बाय द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर 21-22 दैट इज 31 मार्च 2022 आपका जो ईयर एंड होगा, असेसमेंट ईयर एंड होगा, वहां तक आपको मैक्सिमम टाइम है। टेंटेटिवली देखा जाए तो 6 महीना हो सकता है, क्योंकि अक्टूबर तक के तो आपकी ड्यू डेट आ गई, तो अक्टूबर से मार्च तक का ही टाइम मिलता है बाय द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर, या फिर असेसमेंट कंप्लीट होने से पहले। सर पर हमने रिटर्न नहीं फाइल करा तो असेसमेंट कौन सा होगा? याद करना, तूने ओरिजिनल रिटर्न फाइल नहीं किया, एओ को लगेगा तूने रिटर्न नहीं भरा, एओ तेरा कौन सा असेसमेंट कर सकता है, 143 या 144? हाँ, दिल ने बिल्कुल सही कहा तेरे, 144 वो आपकी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है। तो यहाँ पे जो असेसमेंट है इसका मीनिंग होगा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो जाए या ईयर असेसमेंट ईयर एंड हो जाए, दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, वहां तक के तू बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है। So, belated return can be filed by the end of assessment year or before completion of assessment, whichever is earlier. यहाँ पे assessment का meaning क्या होगा? 144. Done. बैरक पढ़ते हैं। Any person who has not furnished the return within the time limit allowed to him under 139(1) may furnish the return for the previous year at any time before the end of relevant assessment year. Oblique before completion of assessment whichever is earlier, earlier of by the end of relevant assessment year or before completion of assessment। यहाँ पे assessment का meaning क्या होगा? 144, क्योंकि return file नहीं किया तो एक ही assessment हो सकता है आप लोगों का, वो हो सकता है bad judgment assessment, right? कुछ बातें जो आपके ध्यान में रखनी है। लॉस रिटर्न कैन नॉट बी बिलेटेड, लॉस रिटर्न जो होगा वो टाइम पे फाइल होना होता है, इसीलिए लॉस रिटर्न बिलेटेड रिटर्न नहीं हो सकता। दूसरा, पेनल्टी उसको लगी, पेनल इंटरेस्ट 234A का लगेगा। बिलेटेड रिटर्न कैन बी रिवाइज, रिविजन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन बिलेटेड रिटर्न डिडक्शन अंडर 10A, 10B, 80I, A2I नॉट अवेलेबल। तो मैंने आपको पहले भी बोल दिया, ये जो इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन है, बिजनेस बेस्ड डिडक्शन है, वो आपको नहीं मिलने वाले, क्योंकि वो सभी सेक्शन कहते हैं रिटर्न टाइम पे फाइल करना जरूरी है। आइए सर, लिखने का समय हो चुका है, 2 सेक्शन हमें लिखने हैं, तो प्रोविजन को हम आगे बढ़ाएंगे। लिखेंगे 139(3) लॉस रिटर्न और लिखेंगे 139(4) भी। जो इंपॉर्टेंट होगा वो हम जरूर लिखेंगे। इफ असेसी विश टू कैरी फॉरवर्ड द लॉस, he shall file loss return within the time limit under section 139(1). If loss return is not filed, loss cannot be carried forward. However, two loss can be carried forward even if return is not filed on time. पहला HP लॉस, दूसरा अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रीसिएशन। unabsorbed depreciation can be carried forward even if the return is not filed. डन सर, आगे बढ़ते हैं दूसरे पार्ट पे सर। 139(4) लिखने का भरपूर चांस है, आराम से लिखो। 139(4) belated return if assessee fail to file return under section 139(1), he can file a belated return by the end of assessment year or before completion of assessment whichever is earlier। यहाँ assessment का meaning है 144, by the end of assessment year or before completion of assessment whichever is earlier। एक बात जो बिल्कुल आपको याद रखनी है, belated return can be revised। ये MCQ का पार्ट है, ये इसलिए भी MCQ का पार्ट है क्योंकि एक टाइम था belated return can't be revised हुआ करता था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसे अमेंड कर दिया गया और कह दिया गया belated return can be revised। डन सर, ओके। आ जाइए साहब, आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा उस बारे में हम लोग बात कर लेते पहले, फिर आगे बढ़ते। एक बार आपको पढ़ना बहुत जरूरी है हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने इस चैप्टर के अंदर में 139AA पढ़ लिया, या लेट्स से यहाँ लिखने से बेटर है सबसे ऊपर आ जाओ, आपको चैप्टर कितना कवर हो गया आपको वो समझ में आएगा। अगर आप देखोगे तो 139(1) हो गया, ड्यू डेट हो गया, कॉन्सिक्वेंसेस हो गया, फीस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, बराबर है। बल्क रिटर्न हो गया, 234G बाकी है, बल्क रिटर्न हो गया, 139(1)C हो गया, TRP हो गया, लॉस रिटर्न हो गया, बिलेटेड रिटर्न हो गया, साथ साथ में पैन हो गया, आधार हो गया, 272B हो गया। आप समझ रहे हो बात को, यानी मेजर पोर्शन ऑफ द टॉपिक आपका ओवर हो चुका है रिटर्न की अगर हम बात करें तो। हालांकि 139 अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, 139(1) अभी और भी बाकी है, 4 वाली सीरीज पूरी बाकी है, अभी पढ़ेंगे हम लोग आराम से जाएंगे। पहले ये प्रोविजन कंप्लीट हो, रिवाइज रिटर्न, डिफेक्टिव रिटर्न वाली, फिर हम उस प्रोविजंस के ऊपर आएंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ किधर है वो। ये देखिए 139 4A 4B आगे है, 4A 4B ये वाले पार्ट भी हम लोग देखेंगे, पर मैं पहले आ रहा हूँ 139 5 के ऊपर जो बात करता है रिवाइज रिटर्न। मेरे साथ आ जाइए पेज नंबर 3.10 के ऊपर, रिवाइज रिटर्न। आहा, रिवाइज कर देना, बदल देना। कब बदला जा सकता है? जब गलती हो जाए, जब गलती हो जाए उसे सुधार लीजिए। सो इफ द असेसी फाइंड्स एरर और ओमिशन, यानी डिस्कवरी ऑफ एनी ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट इन रिटर्न। अगर वो कहता है कि आपके कोई एरर या ओमिशन हो गई हो रिटर्न के अंदर में, कौन से रिटर्न के अंदर में? जो पहला रिटर्न आपने सबमिट किया है 139(1) के तहत, या बी लेटेड रिटर्न के अंदर भी गलती हुई हो तो रिवाइज कर दे। एक समय था जब हुआ करता था बी लेटेड रिटर्न कांट बी रिवाइज, इसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज कर दिया गया और कह दिया गया बी लेटेड रिटर्न कैन ऑल्सो भी रिवाइज, और यहां पे 139(1) के बाजू में 139(4) ऑब्लिक करके डाल दिया गया। तो अब आपका ओरिजिनल रिटर्न हो या रिवाइज रिटर्न हो, आप ओरिजिनल रिटर्न हो या बिलेटेड रिटर्न हो, आप इसे क्या कर सकते हैं? रिवाइज कर सकते हैं। समझ में आई बात? अगर इसके अंदर में रॉन्ग स्टेटमेंट होगा तो प्रैक्टिकल रियलिटी आपको भी पता है। हम लोग क्लाइंट को बोलते रहते हैं सर डेटा दो, डेटा नहीं मिलता। फिर हम बॉस के पास जाते हैं, सर वो क्लाइंट फोन नहीं उठा रहा है, डेटा नहीं दे रहा। ऑफिस वाले बाबू हमारे जो सीए हैं वो कहते हैं कि सर एक काम करो, पुराना रिटर्न उठाओ, 10% का एडिशन करो और ठोक दो रिटर्न। वो क्लाइंट को बचाने की कोशिश कर लेते हैं कि चलो एक काम करो, पुराना रिटर्न उठा, 10% 15% एडिशन करो और ठोक दे। फिर वो असेसी का जब ड्यू डेट निकल जाता है या उसका कोई काम होगा तब वो आता अपनी सारी डिटेल्स लेकर के, और उस टाइम पे हम ऑफिस में रिवाइज रिटर्न भरते। ये है प्रैक्टिकल रियलिटी, राइट? अच्छा जी सर, एक रिटर्न को कितने बार रिवाइज किया जा सकता है? n नंबर ऑफ टाइम विद इन द टाइम लिमिट। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ऑलरेडी सेट एंड हेल्ड जजमेंट है। एक रिटर्न कितनी भी बार रिवाइज हो सकता है विद इन द टाइम लिमिट। अच्छा जी सर मुझे एक बात बताइए, सर ऐसा हो सकता है क्या कि एक रिटर्न जो रिवाइज किया है हम लोगों ने, राइट, अगर फर्म का रिटर्न रिवाइज हुआ तो क्या पार्टनर का रिटर्न भी रिवाइज होगा? आंसर इज यस। अगर फर्म का रिटर्न रिवाइज होता है तो पार्टनर का रिटर्न बाय डिफॉल्ट में क्या किया जाता है? रिवाइज होता ही है। अच्छा सर मुझे एक और डाउट आया है, मेरा रिटर्न एक बार रिवाइज हो चुका है, क्या रिवाइज रिटर्न भी रिवाइज हो सकता है? आई मीन ओरिजिनल रिटर्न रिवाइज हो सकता है? यस, हो सकता है सर। बी लेटेड रिटर्न रिवाइज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर लॉस रिटर्न रिवाइज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर रिवाइज रिटर्न रिवाइज हो सकता है? कंफर्म हो सकता है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिवाइज रिटर्न भी रिवाइज हो सकता है। मैंने क्या कहा? एक रिटर्न कितने भी बार क्या किया जा सकता है? रिवाइज रिटर्न किया जा सकता है। अच्छा सर मुझे एक सवाल आया, बहुत जोर से सवाल आया। मैंने बोला ठीक है आगे पूछ। सर मान लीजिए ये है एक ओरिजिनल रिटर्न, ये है इसका रिवाइज रिटर्न, एओ असेसमेंट कौन से बेसिस पे करेगा? ये सवाल उठा था, हाँ, धमपुर शुगर मिल केस में ये एक सवाल उठा था कि एसएससी के पास, असेसिंग ऑफिसर के पास ओरिजिनल रिटर्न भी है, रिवाइज रिटर्न भी है, और उसने ओरिजिनल रिटर्न के बेसिस पे असेसमेंट कर दी, जिसको एसएससी ने ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट किया। उसने कहा कि जब मैं ऑलरेडी आपको रिवाइज रिटर्न दे चुका हूं, तो आपने ओरिजिनल रिटर्न पे बेसिस पे असेसमेंट क्यों किया? एओ आपने मुझे पहले क्या दिया था? ओरिजिनल रिटर्न दिया था, मैंने मेरा काम चालू कर दिया, मैंने ओरिजिनल रिटर्न पे असेसमेंट कर डाली, मुझे क्या पता था कि आप रिवाइज रिटर्न भरने वाले हो? सर पर ये तो गलत है ना, मैंने अगर रिवाइज रिटर्न दिया है तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर था कि देयर वाज एरर और ओमिशन, और आप चल के कल उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाओगे, पेनल्टी लगाओगे, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इनकम की बातें करोगे, मेरे से नहीं होना है सर ये सब। अंडरस्टैंड? आपने ओरिजिनल रिटर्न भरा था, मैंने असेसमेंट कर दी, आज आप क्यों चिल्ला रहे हो? सर पर ये गलत है। इस बात को कोर्ट में लेके गया, कोर्ट के ने बहुत क्लियर कर दिया, रिवाइज रिटर्न जब डाला जाता है इट रिप्लेसेस द ओरिजिनल रिटर्न। लॉ के अगर जो कोर्ट का जजमेंट था उसके अंदर में क्लियर कट लिखा गया था, द रिवाइज रिटर्न फॉल इन द शूज ऑफ ओरिजिनल रिटर्न, द मोमेंट रिवाइज रिटर्न इज फाइल्ड ओरिजिनल रिटर्न इज क्वैश्ड। तो जब आपका रिवाइज रिटर्न फाइल हुआ, आपका ओरिजिनल रिटर्न क्वैश हो गया, और अब एओ को असेसमेंट अगर इफ एनी करनी भी है तो वो कौन से बेसिस पे कर पाएगा? रिवाइज रिटर्न के बेसिस पे कर पाएगा, ओरिजिनल रिटर्न के बेसिस पे नहीं कर पाएगा। ये सेट एंड हेल्ड हो गया सर। अच्छा जी सर रिवाइज रिटर्न कब तक किया जा सकता है? रिवाइज रिटर्न का टाइम और बी लेटेड रिटर्न का टाइम सेम है, लेकिन कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा फर्क आता है। जरा समझाता हूं कैसे। एक सवाल का पहले जवाब दीजिए और दिल से लगे तो कहना हाँ। रिवाइज रिटर्न हो ही नहीं सकता अगर रिटर्न ही ना फाइल किया हो, वेदर ओरिजिनल और बी लेटेड, अग्रीड और डिसअग्रीड। डू यू अग्री? यस, बिल्कुल अग्री करोगे। रिवाइज, अरे भैया पहले कुछ होगा तो उसको चेंज करोगे ना, तो रिवाइज रिटर्न हो ही नहीं सकता जब तक कि आपने रिटर्न ना फाइल किया। और अगर रिटर्न फाइल हुआ है तो असेसमेंट कौन सी हो सकती है? जनरली assuming everything is satisfied, generally 143। तो यहां पे जो असेसमेंट का मीनिंग है वो है 143(3) rather than 144। So if assessee filed revised return भरने का टाइम क्या है? By the end of assessment year or before completion of assessment, whichever is earlier। Since return भरा होगा तो यहाँ पे जो assessment होगी वो by default में 143 होगी rather than 144। हालांकि लिखते वक्त हम ऐसा ही लिखते हैं, by the end of assessment year or before completion of assessment, whichever is earlier। आइए बात करते हैं। If a person having furnished return under 139(1) और 139(4), 139(1) ओरिजिनल रिटर्न, 139(4) belated रिटर्न, डिस्कवर एनी एरर और ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट, ये वर्ड आपके आंसर में आना ही चाहिए। एनी एरर और ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट देयरिन, ही मे फर्निश अ रिवाइज रिटर्न एट एनी टाइम बिफोर द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, व्हिचएवर इज अर्लियर। तो सीधी बात, डिस्कवर एनी एरर और ओमिशन बाय द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, व्हिचएवर इज अर्लियर। यहां पे सिर्फ इतना है कि जो असेसमेंट होगी वो बाय डिफॉल्ट में 143(3) होगी। इट रिप्लेसेस द ओरिजिनल रिटर्न। धमपुर शुगर मिल का केस है। Once revised return is filed, it replaces the original return. It signifies that revised return should be complete in itself and not merely an accessory to the original return. कौन कौन से रिटर्न रिवाइज हो सकते हैं सर? ओरिजिनल रिटर्न रिवाइज हो सकता है, बिलेटेड हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। इनफैक्ट रिवाइज रिटर्न कैन ऑल्सो बी रिवाइज विद इन द टाइम लिमिट प्रोवाइडेड अंडर दिस सेक्शन। गेटिंग इट और नॉट? अच्छा जी सर। अब आते हैं 139(9) के ऊपर। 139(9) डिफेक्टिव रिटर्न। ध्यान से सुनिए, ये क्या है। 139(9) की अगर मैं बात करूं, इट टॉक्स अबाउट डिफेक्टिव रिटर्न। डिफेक्ट किसे कहेंगे आप? प्रैक्टिकली स्पीकिंग अब डिफेक्ट होते नहीं है। ये सेक्शन उस टाइम लाया गया था, ये एक ओल्ड सेक्शन है। ये सेक्शन उस टाइम लाया गया था जिस टाइम पे रिटर्न जो भरे जाते थे हाथ से भरे जाते थे। उसमें कई बार अर्थमेटिकल एरर्स होते थे, राइट? कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना होता था, डॉक्यूमेंट अटैच नहीं होते थे, कुछ रॉन्ग क्लेम्स हो जाते थे। लेकिन दैट इज कि एटीसी का मैक्सिमम डिडक्शन 1,50,000 हुआ करता था, कोई ज्यादा डिडक्शन क्लेम कर लेता था, कोई डॉक्यूमेंट अटैच नहीं करता था, सपोर्टिंग मैच नहीं होता था, तो उस टाइम पे ये रिटर्न डिफेक्टिव हुआ करता था। तब ये प्रोविजन लाया गया था और उस टाइम पे ऐसा कहा गया था कि अगर रिटर्न डिफेक्टिव हुआ तो एओ आपको क्या करेगा? कम्युनिकेट करेगा और इस डिफेक्ट को सुधारने का टाइम देगा। समझ में आई बात? और अगर आपने इस डिफेक्ट को सुधार दिया, रिटर्न विल बी वैलिड। अगर आप इस डिफेक्ट को नहीं सुधार पाए, ये अज्यूम कर लिया जाएगा कि आपका रिटर्न कभी फाइल ही नहीं हुआ। इतना क्रूर ये सेक्शन था। तो आज भी वही है, लेकिन बस इतनी सी बात है कि अब डिफेक्ट होते नहीं है। उसका बहुत सिंपल सा रीजन ये है, 93 to 94% जितने भी रिटर्न जाते हैं ये सारे के सारे ऑनलाइन जाते हैं। तो जो कैलकुलेशन मिस्टेक है या डॉक्यूमेंट्स देने वाली बात है, तो आईटीआर में आज डॉक्यूमेंट जाते ही नहीं, तो इस तरह की मिस्टेक अब होती नहीं। बट स्टिल सेक्शन को इंटैक्ट रखा गया है क्योंकि अभी भी फिजिकल रिटर्न चल रहे हैं। सो असेसिंग ऑफिसर मे इंटीमेट द डिफेक्ट टू असेसी एंड गिव हिम एन अपॉर्चुनिटी टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट। क्या किया जाता है? आपको नोटिस आता है, खैर आज नोटिस नहीं आता, आपको एसएमएस आ जाता है, या तो फिर अपन, आपको याद हो तो लॉग इन करते हैं, राइट? इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट के ऊपर जाके लॉग इन करते हैं और चेक करते हैं रिटर्न प्रोसेसिंग हुआ क्या। वहां पे पेंडिंग प्रोसेसिंग दिखता है, तो हम जा करके उसका अप्रोप्रिएट जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो इंफॉर्मेशन क्या करते हैं? अपडेट कर देते हैं, अगर आपको याद हो तो, राइट? सो असेसिंग ऑफिसर आपको सुधारने का टाइम देता है, इंटीमेशन देता है। सर कितने दिन का टाइम मिलता है? जनरली 15 डेज का टाइम मिलता है, हालांकि नोटिस इसको क्लियर करता है। तो द लिमिट फॉर रेक्टिफिकेशन शैल बी 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच इंटीमेशन। जब भी आपको इंटीमेट किया गया वहां से 15 डेज आपको मिलते हैं इस चीज को सुधारने के लिए। असेसिंग ऑफिसर हैज पावर टू एक्सटेंड द अबाउट डेज। जैसा कि मैंने कहा ऑन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम दी असेसी। ठीक है सर। रेक्टिफाइड द रिटर्न विल बी अ वैलिड रिटर्न, नॉट रेक्टिफाइड इन वैलिड रिटर्न। रिटर्न को क्या मान लिया जाता है? इनवैलिड मान लिया जाता है, मान लिया जाता है कि आपने कभी रिटर्न फाइल किया ही नहीं। अच्छा जी सर। The return of income shall be regarded as defective in the following cases. Return of income कुछ केसेस में defective माना जाएगा। Defective कब हुआ जरा देखिए। If an annexure statement and column has not been duly filed, annexure कुछ था आपने फिल नहीं किया। आज क्या होता है आपको भी पता है कि हम सॉफ्टवेयर में अगर कोई मैंडेटरी अनेक्चर है, स्ट्राइक है उसके ऊपर, तो वो ऑटोमेटिक पॉपअप ब्लॉक दे देता है। अनेक्चर इज नॉट फाइल्ड, कॉलम इन द रिटर्न हैज बीन नॉट बीन फाइल्ड, स्टेटमेंट कुछ देना था उसके साथ अटैच करना था नहीं दिया। आज आईटीआर के साथ कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं जाते, हेंस मैंने कहा कि सेक्शन अब इतने काम का नहीं है। नोट, इट इज नॉट पॉसिबल टू अटैच एनी टीडीएस सर्टिफिकेट, चालान, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, कंप्यूटेशन एक्सेट्रा विद द रिटर्न। ये आज की प्रैक्टिकल रियलिटी है। एंड द असेसी टू रिटेन ऑल दीज डॉक्यूमेंट विद देमसेल्फ, दीज मे बी फर्निश्ड व्हेनेवर एओ वांट्स टू एग्जामिन देम इन असेसमेंट प्रोसीडिंग और अदरवाइज एज पर 139C। सो सर क्या हो चुका है? 139(9) भी हो चुका है डिफेक्टिव रिटर्न। लिखने वाले पार्ट के ऊपर आ जाएंगे, लिख देंगे, काम खत्म कर देंगे। सबसे पहले आइए लिखिए 139(9) डिफेक्टिव रिटर्न, इसको लिख दीजिए रेफर नोट्स। साथ साथ में पेज नंबर डालना चाहें तो पेज नंबर डाल दें, ये इतने काम का नहीं है इसलिए हम इसको पूरा नहीं लिखेंगे। 139(5) को हम लोग जरूर लिखेंगे, रिवाइज रिटर्न। इफ असेसी filed return under section 139(1), original return, or 139(4), belated return, he can revise it if there is omission or wrong statement by the end of assessment year or before completion of assessment whichever is earlier. Return can be revised any number of time within time limit . Second, revise return replaces original return। बस इतना लिख दीजिए, काम खत्म। डन है सर जी। चलो जी प्रभु, टाइम बचा है, टाइम बचा है सर, टाइम बचा है, 2 मिनट रुक जाइए। 3.15 पे आइए, मैं पहले जा रहा हूँ 140 कराने के लिए। 140 हु विल वेरीफाई द रिटर्न। मेरे हिसाब से आज के दौर में आपको यह सिखाना चाहिए हाउ यू विल वेरीफाई द रिटर्न, बट नहीं, आपको सिखाया जा रहा है हु विल वेरीफाई द रिटर्न। मतलब वेरीफाई करना जरूरी क्यों था। ये सेक्शन एक बहुत ओल्ड सेक्शन है जो लाया गया था इस बात के लिए कि असेसी कहीं क्या ना कर दे, मुकर ना जाए कि उसने जो रिटर्न में दिया है वो मैंने नहीं दिया, मेरे खिलाफ किसी ने साजिश की है। तो इसी के लिए क्या किया जाता था, उससे रिटर्न के ऊपर साइन कराया जाता था। वेरीफाई मतलब ऑथेंटिकेट किया जाता था कि ये रिटर्न मेरा है, इसमें जो डिटेल्स में मैं दे रहा हूं ये सही डिटेल्स है, इसीलिए वेरीफाई करवाया जाता था। और तब का ये सेक्शन है। आज ये सब जरूरत नहीं पड़ती है टेक्निकली, बट फिर भी इस सेक्शन को रखा गया है। क्या फाइनेंस एक्ट 20 में कोई अमेंडमेंट है? हाँ, इसमें फाइनेंस एक्ट 20 में एक अमेंडमेंट आया और बहुत छोटा सा अमेंडमेंट है। मैं आपको बताता हूँ वो अमेंडमेंट भी आया क्यों और उसका लॉजिक क्या है। हु विल वेरीफाई द रिटर्न, रिटर्न साइन कौन करेगा? क्योंकि देखिए, जब तक कि आप इसे ऑथेंटिकेट नहीं करते तब तक के काम नहीं होता। ऑथेंटिकेशन करने के वेज क्या क्या है? पहले क्या होता था, आपको रिटर्न पे साइन करना पड़ता था। समय बदला, वक्त बदला, रिटर्न ऑनलाइन सबमिट होने चालू हुए। हमने रिटर्न ऑनलाइन सबमिट किए, प्रिंट आउट निकालते थे, साइन लेते थे क्लाइंट का और CPC बैंगलोर भेजना पड़ता था, आपको अगर याद हो तो ठीक है। इसके बाद और समय बदला और नेट बैंकिंग के थ्रू OTP शुरू, नेट बैंकिंग के थ्रू वेरिफिकेशन शुरू हुआ। मतलब असेसिंग ऑफिसर का जैसे आप रिटर्न भरोगे, नेट बैंकिंग अपना ऑन कीजिए, वहां जाकर के आप उसे वेरीफाई कर लीजिए, तो ये मान लिया जाएगा आपने सिग्नेचर कर दी। वह समय बदला, वक्त बदला, मोबाइल टेक्नोलॉजी हावी हो गई, बिल्कुल वही किया गया। रिटर्न में SMS के थ्रू OTP जनरेट होने शुरू हुए और वेरिफिकेशन हुआ। जब से आधार आया, आधार बेस्ड OTPकेशन चालू हो गया। वहां पे एक ऑप्शन आ गया, आप आधार बेस्ड भी कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जो भी आपके आधार नंबर पे नंबर लिखा होगा उस नंबर के ऊपर एक SMS OTP आएगा, आपने उस OTP को कर दिया तो एज गुड एज साइन हो गया वो। एज गुड एज क्या हो गया? साइन हो गया वो, अगर आपको याद हो तो। बराबर है, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक रिटर्न को वेरीफाई करते हैं। पर एक सवाल है, अब भी वेरीफाई कौन करेगा? सेक्शन 140 इसके बारे में बात करता है कि रिटर्न जब भी भरेगा इसे वेरीफाई कौन करेगा। पहला असेसी, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के केस में कौन वेरीफाई करेगा? अगर असेसी इंडिया के अंदर में प्रेजेंट है तो वो खुद इसको वेरीफाई करेगा, साइन करेगा, सारी पर्टिकुलर्स चेक करेगा और उसको अग्री कर देगा। वैसे आप देखें तो रिटर्न के नीचे एक लाइन लिखी होती है, आई अग्री टू दिस 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 इन्फॉर्मेशन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, सब लिखा होता है। आप वो क्या करोगे, उसको साइन कर दोगे, आई वेरीफाई एक्सेप्ट दिस ऑल, और उसको साइन करके आगे बढ़ा दोगे। अगर असेसी इंडिया में नहीं है तो प्रैक्टिकल रियल अब क्या है, अगर वो इंडिया में नहीं भी है तो क्या कर सकता है, उसको WhatsApp के ऊपर डिटेल दे सकता है, जो भी SMS उसको आया होगा वो डिटेल दे देगा वो, गेटिंग इट और नॉट। तो अगर असेसी इंडिया में नहीं है तो जो भी कोई ऑथराइज्ड पर्सन होगा वो ऑथराइज्ड पर्सन उस रिटर्न को कर सकता था। ठीक है सर। सर अगर असेसी मेंटली इनकैपेसिटेड है तो? मेंटली इनकैपेसिटेड है, उसको अगर इनकम आई है या रिटर्न भरना है तो उस केस में जो भी पर्सन है, लीगल गार्डियन है या पर्सन जो एक्टिंग ऑन बिहाफ कर रहा है, वो उसका रिटर्न भर सकता था। इन एनी अदर केस कोई भी पर्सन जो ड्यूली ऑथराइज्ड है, लेट्स से कोई व्यक्ति है और ही इज स्पेशली एबल्ड, उनके हाथ नहीं है, ऐसे केसेस में रिटर्न कौन भर सकता है? ऐसे केसेस में वो किसी को ऑथराइज कर सकता है अपना रिटर्न भरने के लिए। सो चेक कर लीजिएगा, सेक्शन इतना ज्यादा काम का है नहीं, तो फटाफट आप रीड कर सकते हो। पर्सन प्रेजेंट इन इंडिया, असेसी हिमसेल्फ, बराबर है। अगर एब्सेंट फ्रॉम इंडिया है तो कोई भी पर्सन जो ऑथराइज्ड होगा, इनकैपेसिटेड होगा तो पर्सन कंपिटेंट टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ, या फिर अदर पर्सन में एनी अदर पर्सन सो ऑथराइज। ठीक है सर। सर HUF के केस में रिटर्न कौन साइन करेगा? नाम से ही क्लियर है, कर्ता करेगा। कर्ता अगर एब्सेंट है इंडिया से तो कौन करेगा? अगर कर्ता इंडिया से एब्सेंट है तो सर फिर रिटर्न को कोई भी एनी को पार्टनर कर सकता है, जो जिसको क्या किया होगा, ऑथराइज किया होगा, वो कर सकता है। सो फर्स्ट इट विल बी जनरली बाय कर्ता, कर्ता एब्सेंट है और इज मेंटली इनकैपेसिटेड, देन एनी अदर एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली इस रिटर्न को साइन कर सकता है। कंपनी के केस में आया है अमेंडमेंट, जरा ध्यान से सुनिएगा। अच्छा जी, और अमेंडमेंट क्यों आया उसके पीछे भी लॉजिक है। कंपनी के केस में रिटर्न कौन साइन करता है? जनरली सबसे पहले एमडी करता है, एमडी अगर नहीं है तो एनी अदर डायरेक्टर करता है। अब ऐसा भी होता है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही थी, प्रॉब्लम यह होता है कि कंपनीज के केस में ऐसा हो सकता है कि कंपनी अपना पूरा का पूरा अधिकार किसी एक मैनेजर को देकर के चल जाए, हु इज नीदर एमडी नॉर अ डायरेक्टर। इंडिया में हो सकता है एक मैनेजर संभाल रहा हो कंपनी को, आपने कंपनीज एक्ट के अंदर में जनरली दो वर्ड देखे होंगे, डायरेक्टर और मैनेजर। तो हो सकता है यहाँ पे किसी मैनेजर को अपॉइंट कर दिया गया हो, अब उसके पास रिटर्न का राइट नहीं था। और ऐसे केसेस में बहुत डिफिकल्टीज होती थी फॉरेन कंपनीज के केस में कि रिटर्न किस तरह से ऑथेंटिकेट किए जाए। इसी तरीके से लॉ को सूटेबली अमेंड किया गया और वहां पर एक और वर्ड एड कर दिया गया, एनी अदर पर्सन सो प्रिस्क्राइब। इसके अलावा एनी अदर पर्सन सो प्रिस्क्राइब डाल दिया गया, बस इतना सही अमेंडमेंट है, एनी अदर पर्सन सो प्रिस्क्राइब। तो सबसे पहले एमडी, एमडी नहीं है तो कोई भी डायरेक्टर, या फिर एनी अदर पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब, इतना सा पार्ट रख दिया गया है। ठीक है, अच्छा जी। कंपनी अगर रेसिडेंट इन इंडिया नहीं है तो जनरली कौन करता है? जिसके पास पावर ऑफ अटर्नी दी हुई है। अब वो पावर ऑफ अटर्नी डायरेक्टर नहीं भी हो सकता है, तो एनी अदर पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब। अच्छा जी सर, आपको याद होगा तो कंपनी अगर लिक्विडेशन में होती है तो लिक्विडेटर अपॉइंट होता है। अगर लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ है तो फिर लिक्विडेटर क्या करेगा? उस रिटर्न को साइन करेगा ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। सो जनरली मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है तो एनी अदर डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब, ये हुआ है अमेंडमेंट, बराबर है। कंपनी नॉट रेसिडेंट इन इंडिया जिसने पावर ऑफ अटर्नी होल्ड की है, लिक्विडेशन में है तो लिक्विडेटर क्या करेगा? इस रिटर्न को संभालेगा। मैनेजमेंट अगर कंपनी का टेक ओवर कर लिया गवर्नमेंट ने तो प्रिंसिपल ऑफिसर क्या करेगा? उस रिटर्न को साइन करेगा। एलएलपी का रिटर्न कौन साइन करेगा? जनरली डेजिग्नेटेड पार्टनर। पर अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं है अवेलेबल तो कोई भी अदर पार्टनर इसे साइन कर सकता था। यहां पे भी सेम आया, यू नो एलएलपी का वन ऑफ द मेंबर जो है ये नॉन रेसिडेंट है तो पूरे उस केस में क्या वो किसी को अपनी पावर ऑफ अटर्नी देगा, इसीलिए यहाँ पे भी एक वर्ड ऐड किया गया फाइनेंस एक्ट 20 से, एनी अदर पर्सन सो प्रिस्क्राइब वर्ड यहाँ पे भी क्या किया गया? एड कर दिया गया। सो जनरली डेजिग्नेटेड पार्टनर, if designated partner is not liable to sign or no designated partner then any other partner or any other person as may be prescribed। तो दो जगह पे अमेंडमेंट हुआ है, एक तो डायरेक्टर्स के कंपनीज के केस में और पार्टनर्स के केस में कि अगर ये लोग डायरेक्टर या पार्टनर अवेलेबल नहीं है तो क्या करें? तो एनी अदर पर्सन प्रिस्क्राइब को देख लें। लोकल अथॉरिटी में कोई भी प्रिंसिपल ऑफिसर साइन करता है। पॉलिटिकल पार्टी में सीईओ ऑफ पॉलिटिकल पार्टी करेंगे। एओपी के केस में कोई भी मेंबर जो प्रिंसिपल ऑफिसर हो सकता है, नहीं भी हो सकता वो। एनी अदर पर्सन हु हैज बीन कंपिटेंट टू साइन ऑन हिज बिहाफ। इंसॉल्वेंसी, कंपनी अगर आईबीसी में गई होगी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंदर गए होंगे तो फिर जो भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होगी, अपॉइंट की होगी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, वो इसे साइन करेगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रख सकते हो, आईबीसी के केस में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रिटर्न को साइन करता है। बस इतना ही कर लो, इसके अंदर में काफी हो जाएगा। 140 के अंदर में एक बहुत स्मॉल अमेंडमेंट आया है, ये स्मॉल अमेंडमेंट का लॉजिक मैंने आपको बता दिया। इज दैट डन? चलिए सर, हाँ आज की खेल कहानी रोकते हैं यहीं पे ही। पूरा देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया है। आज का होमवर्क क्या है आप लोगों को मैं आपको बता देता हूं, आज का आपका क्या होमवर्क है। आप देख सकते हैं सर बुक के अंदर में मैंने कुछ सॉल्व्ड क्वेश्चन भी किए हैं, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन भी रखे हैं। ये देखिए, आप जैसे देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व रखे हैं, कुछ क्वेश्चन अनसॉल्व रखे हैं, ताकि ये बुक सेल्फ रेफरेंस बुक भी बन जाए। आज का आपका होमवर्क क्या है? नो योर एग्जाम्स। आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए आज होमवर्क बनेगा, मैंडेटरीली करके आना है, ये बात याद रखिएगा। प्रॉब्लम नंबर 3 होमवर्क के अंदर में है, प्रॉब्लम नंबर 4 होमवर्क के अंदर में है। तो ये 3 प्रॉब्लम आपको करने हैं, प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 4। 2 प्रॉब्लम ये जो सॉल्व है हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे फटाफट, तो आप देख सकते हैं उसको। ठीक है प्रभु, डन सर। ये 3 प्रॉब्लम आप मैंडेटरली सॉल्व करेंगे। सब्सटेंशियली कल हमारा रिटर्न ऑफ इनकम का टॉपिक खत्म हो जाएगा। डे 6 के ऊपर हम रिटर्न ऑफ इनकम का टॉपिक खत्म कर देंगे और कल ही हम लोग असेसमेंट का टॉपिक शुरू करेंगे। तो बिल्कुल आपको मजे करना है। और आप क्या करेंगे, कल जब असेसमेंट पढ़ना होगा उसके पहले रिटर्न टॉपिक आप एक बार फटाफट रिवाइज कर लेंगे। आपने जितना लिखा है बस उतना पार्ट भी आपने रिवाइज कर लिया तो बहुत हो जाएगा। जरूरी नहीं आप इससे करें, बट आप चाहें तो अपनी बुक से कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा बैरैक्ट आपको दिया है। उम्मीद है आपको बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा। आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, पर धीरज रखिएगा, आपको जवाब जरूर आएगा। तारीफ करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन सर, तो अलविदा लेता हूं मैं आपसे। बाय बोलो बच्चों।